नमस्कार कैसे हैं पिछले एक साल में हमारे देश को जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ जानते हैं कि वो मुद्दा सी एन पी आर एनआरसी का है और इस बीच में ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिली जिन घटनाओं को सुनने के बाद मुझे लगा कि इस पर एक विस्तृत बातचीत होनी चाहिए तो आज का कॉन्सेप्ट टॉक जो है बेसिकली इस बारे में है कि एक सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट जिसको आई बनना है आई बनना है पी बनना है या कोई भी जागरूक नागरिक जिसको अपने देश से जुड़े मुद्दों को जानने समझने में रुचि है वो समझ सकें कि यह मुद्दा बेसिकली क्या है इसके सारे उन पक्षों को समझ सकें जिन पक्षों को न समझने की वजह से सड़कों पर तनाव है हिंसा है दंगे हैं असुरक्षा का माहौल है पिछले एक साल में ऐसी तीन घटनाएं मेरे सामने घटी मुझे कुछ ऐसे लोग मिले मसलन एक मेरा दोस्त जो कि बिहार का रहने वाला है मुस्लिम बैकग्राउंड से है उसने एक दिन मुझे बड़ा डरते हुए फोन किया क्योंकि उसको पता है कि मैं संविधान में रुचि रखता हूं वो ऐसा व्यक्ति है कि पिछले तीन चार पांच छह सात पीढ़ियों से कम से कम बिहार का ही रहने वाला है और उसका पूरा खानदान वहीं बसा हुआ शुरू से ही बहुत पुराने समय से पता नहीं कैसे उसके मन में खौफ बैठ गया और उसने मुझसे फोन करके पूछा कि भाई क्या आपको लगता है कि हमें कुछ और सोचना चाहिए क्या हम यहाँ के नागरिक रह पाएंगे या हमें भारत से निकाल दिया जाएगा तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको तो उसने बताया कि हमारे गांव में बड़ा ऐसा माहौल बना हुआ है आजकल कि जो मुसलमान लोग हैं उनकी नागरिकता खतरे में है तो खैर मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये गलत फहमिया है अफवाहें बहुत ज्यादा हैं और इन अफवाहों से बचना चाहिए एक बंगाल का व्यक्ति पश्चिम बंगाल का व्यक्ति हिंदू व्यक्ति एक बार उससे मेरी बात हुई किसी के रेफरेंस से बात हुई तो उसने बताया कि एक हिंदू व्यक्ति सुब्रतो डे नाम का था जो एक डिटेंशन सेंटर में उसको बंद किया गया शायद वो पश्चिम बंगाल से आया था या नहीं आया था पता नहीं क्या सिचुएशन थी और उसकी डिटेंशन सेंटर में ही मृत्यु हो गई और उसके बाद से पश्चिम बंगाल में जो हिंदू समाज है उसमें भी कुछ लोग डरे हुए हैं कि क्या एनआरसी और सी के बाद हमारी स्थिति होने वाली है क्या हम भारत में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे कोई डरा हुआ है कि उसके कागज़ बाढ़ में बह गए थे बाढ़ में गुम हो गए थे कोई डरा हुआ है कि वो तो अनाथ है उसका क्या होगा उसके कागजात कहाँ से आएंगे इतना ही नहीं सुनने में ये भी है कि बांग्लादेश से जो लोग भारत में आए उनमें से बहुत सारे लोग कम से कम ऐसा कहा जाता है कि दस बीस लाख लोग दिल्ली में भी हैं इतने लोग मुंबई में भी हैं कुछ लाख लोग बेंगलोर में हैं और बड़े शहरों में हैं उनमें से बहुत सारी महिलाएं कई घरों में काम करती हैं सामान्य काम जो खाना बनाना साफ सफाई का काम है वो डोमेस्टिक हेल्प वाला काम और इस भय से कि ऐसा कुछ होने वाला है और वैसे भी नौकरी के हिसाब से भी कि उनको एक्सेप्टेंस आराम से मिल जाए उन बहुत सारी महिलाओं ने सिंदूर लगाना शुरू कर दिया है भारतीय वेशभूषा धारण कर ली है मंगलसूत्र पहनना शुरू कर दिया अपना नाम बदल लिया है और अब सी के बाद से एक ऐसा छोटा मोटा मूवमेंट सा अंदर ही अंदर चल रहा है कि हम अपने आप को हिंदू ही घोषित कर दें ताकि हमें भारत की नागरिकता मिल जाए ये जो अफवाहें हैं अफवाहों का जो मौसम है इन अफवाहों से बचने के लिए जरूरी है कि जब हम इस मुद्दे पर बात करें तो ये भूल कर बात करें कि हम किस पार्टी के समर्थक हैं किस विचारधारा के समर्थक हैं बल्कि मुद्दों को तथ्यों के साथ समझें ये मुद्दा इतना जटिल है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसलिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया करीब साढ़े घंटे का पिछले सप्ताह अपलोड किया था जिसमें केवल यह समझाया था कि उन्नीस से 2014 तक क्या क्या हुआ था जिस बैकग्राउंड पर हम सी जो 2019 का है एन आर सी असम वाला भी और वैसे भी और एन NPR है उसकी बात समझ सकते हैं तो यदि आपकी इस मुद्दे पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप आज की बात को ठीक से समझें। और यदि आपको लगता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस मुद्दे पर नहीं है तो बेहतर है कि ये सेमिनार बेशक इसके बाद या बेशक इससे पहले उस बेसिक को समझ लें जो उन्नीस से 2014 की सारी परिस्थितियों का जिक्र है उसके बाद इस चर्चा पर आए तो आज का जो मेरा उद्देश्य है इस बातचीत का 2019 में जो सी पास हुआ वो एन पी फिर सी सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा फिर इससे केंद्र राज्य संबंध कैसे प्रभावित होंगे इस तरह के जितने मुद्दे इस समय सामने आ रहे हैं उन सारे मुद्दों को समझना है और मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर इस कंसेप्ट टॉक के बाद कुछ लोग इस बात को समझ सकें कि इस माहौल की ज़रूरत नहीं है देश के अंदर चीज़ें वैसी नहीं है जैसी दिख रही हैं तो शायद एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपनी भूमिका निभा सकूं और अगर आप ठीक से सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो आप भी शायद निभा सकें तो शुरू करते हैं आज की बातचीत सबसे पहला मुद्दा यह कि आज की बातचीत में क्या क्या चर्चा होगी मैंने आपसे पहले कहा कि आज हम तीन मुद्दों पर बात करेंगे एक बात करेंगे सिर्फ सी जो 2019 वाला सी है मैंने पिछले सप्ताह की चर्चा में बताया था कि सी कोई नई चीज नहीं है उन्नीस में उन्नीस में उन्नीस में दो में दो में सी पहले भी आ चुके हैं ये कोई एकदम नई चीज नहीं है अभी हम जो रेफरेंस लेके चलेंगे वो वो विवादास्पद मुद्दा है जो सी ए का मुद्दा है दूसरा हमें आज डिस्कस करना है कि जिसको एनपीआर कहते हैं और एक चीज जिसको एनआरसी कहते हैं वो क्या है और तीसरी बात देखेंगे कि इन दोनों में लिंक क्या है क्योंकि आजकल ज्यादा झगड़ा इस बात का है कि क्या सी एनपीआर और एन आर सी इनमें कोई आपस में लिंक है या ये चीजें अलग अलग हैं अगर लिंक है तो झगड़ा ज्यादा है अगर इनके बीच में लिंक है ही नहीं तो दिक्कत शायद उतनी ज्यादा नहीं है सी ए ए को लेकर जो समझना है एक तो यह कि यह क्या है फिर ये क्यों आया है इसकी क्या जरूरत थी ऐसी फिर इस पर तीसरी बात हम ये समझ सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा या नहीं टिकेगा इसको लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वो इश्यूज क्या हैं फिर ये लागू हुआ है या नहीं हुआ है और लागू कब होगा अगर होने वाला है तो लागू कब होगा इस तरह के मुद्दे सी ए के बारे में देखेंगे एन पी आर एन आर सी पर बेसिक बात ये समझनी है कि ये क्या होता है और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी कब से शुरू हुआ कैसे कैसे हुआ और अभी हाल ही में क्या ये होने वाला है या इससे डरने की जरूरत नहीं है? और अंतिम बात यह कि क्या एन और एन के माध्यम से सी के लिंक से किसी व्यक्ति की नागरिकता हमारे देश में खतरे में है या नहीं है अगर नागरिकता खतरे में नहीं है तो इस बात का तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है और यदि नागरिकता खतरे में है तो क्यों है किस मात्रा में है और उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट या भारत की जुडिशरी भारत के उन नागरिकों का साथ देगी या नहीं देगी जिनकी नागरिकता खतरे में है ये सारे मुद्दे आज हम समझेंगे तो जो आई के एस्पिरेंट्स हैं वो कागज़ पेन निकाल लें चीजों को समझते हुए चलें, बाकी लोग केवल सुने समझें और एंजॉय करें पहली बात है कि सी ए ए की जरूरत इस सरकार को क्यों पड़ी इस संबंध में आपसे कहूंगा कि जब आप चीजों को देखें तो एक ऐतिहासिक निरंतरता में देखेंगे तो बात ठीक रहेगी एक शब्द होता है हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, ऐतिहासिक निरंतरता मैं चाहूंगा कि हम उसी कॉन्टीन्यूटी में इस बात को समझें पिछले सप्ताह की चर्चा में मैंने आपको बताया था कि उन्नीस सौ सैंतालीस से दो हजार चौदह तक चीजें कैसे कैसे हुई नेहरू जी ने क्या किया शास्त्री जी ने क्या किया इंदिरा गांधी जी ने क्या किया उसके बाद जब एनडीए की सरकार पहली बार आई या राजीव गांधी जी ने क्या किया असम समझौता किया फिर जब एनडीए की सरकार पहली बार आई तब तो उसने क्या किया आपको ध्यान होगा कि एनडीए की सरकार उन्नीस से दो तक करीब छह साल तक हमारे देश में केंद्र में थी जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय इस सरकार में जो होम मिनिस्टर का पद था वो था लाल कृष्ण अडवाणी जी के पास और वो मुख्य रूप से नागरिकता का संबंध होम मिनिस्ट्री से ही है इसलिए इस मुद्दे का संबंध ज्यादा उनसे बनता था एनडीए की विशेष रूप से बीजेपी की अप्रोच ये हमेशा रही है कि जो विदेशी अतिक्रमण है या जो विदेशी लोग भारत में आ गए हैं प्रवास है अवैध आप्रवासी हैं इलीगल माइग्रेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके मामले को हमें ठीक से मैनेज करना चाहिए और भारत की नागरिकता ऐसी नहीं है कि हम देश को धर्मशाला समझ कर जो आए उसको यहाँ पर आने की परमिशन दे दें उनकी भाषा में अक्सर ये शब्द आता है कि भारत एक देश है धर्मशाला नहीं है ठीक है किसी पार्टी को किसी सरकार को इस अप्रोच के साथ चलने की एक सुविधा है आज़ादी है हम उसको मना भी नहीं कर सकते जब ये सरकार सत्ता में थी 2004 तक तो इस समय इस सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिन कदमों का एक तार्किक परिणाम था कि 2016 या 19 में हमें सी की बातें अपने सामने आती हुई दिख रही थी हल्का सा याद कर लीजिए कि उस समय क्या क्या हुआ था इस पीरियड में एक तो 2000 हजार ईस्वी में पासपोर्ट एक्ट जो होता है और मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट एक्ट एक का है वो तो होता है पासपोर्ट बनाने के लिए एक है जो विदेशी लोग बिना पासपोर्ट के भारत में हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उस पासपोर्ट एक्ट जो कि 1920 का एक्ट है उस एक्ट में एक संशोधन किया था दो ईस्वी में एनडीए की सरकार ने और उसमें यह कर दिया था कि जो लोग बिना पासपोर्ट के या बिना डॉक्यूमेंट्स के भारत में हैं इलीगल तरीके से भारत में हैं उनके इलीगल तरीके से भारत में होने की जो पनिशमेंट थी वो तीन महीने से बढ़ाकर पांच साल कर दी थी और इसका मतलब ये था कि भारत में यदि कोई अवैध विदेशी है विदेशी वैध भी हो सकता है अगर वो वीजा के साथ है पासपोर्ट के साथ है अगर पासपोर्ट है पर वीजा नहीं है या वीजा एक्सपायर हो गया है तो वो इलीगल है और पासपोर्ट ही नहीं है तो भी इलीगल इमेग्रेंट है इलीगल फॉरेनर है ऐसे व्यक्तियों को पांच साल तक जेल में रखने का एक एक्ट एक पास हुआ था और ये एक्ट था जो पासपोर्ट एक्ट है उसमें संशोधन अधिनियम था फिर 2003 में भारत सरकार ने एक सी ए पास किया जिसको सामान्य भाषा में सी ए ए दो हजार चार भी कहते हैं क्योंकि ये लागू 2004 से हुआ था इसके तहत बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी इसके तहत पहली बार ये अनाउंस किया गया था कि इलीगल माइग्रेंट यानी कि अवैध अप्रवासी कौन है उसकी परिभाषा दी गई सास में स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट है तो उसके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को भी जन्म से भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी उसके पहले क्या व्यवस्था थी उन्नीस से उन्नीस तक व्यवस्था यह थी कि भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है उन्नीस से 2004 तक यह था कि उस बच्चे के दोनों पेरेंट्स में से कम से कम एक भारत का नागरिक होना चाहिए अब 2004 में इस एक्ट के बाद से हो गया था कि वही बच्चे जिनके दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक हैं या एक भारत का नागरिक है और दूसरा पेरेंट अवैध आप्रवासी नहीं है इलीगल माइग्रेंट नहीं है वही बच्चे भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल हैं यानी अवैध देखिए सी ए का एक प्रावधान तभी समझ में आएगा जब आपको यह बात पता होगी अवैध आप्रवासियों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं बनेंगे ये 2003 में तय हुआ और इसी में एक बात और की गई थी जो सिटीजनशिप एक्ट था उसके सेक्शन पांच और छह में संशोधन करके किया गया था कि इलीगल माइग्रेंट्स को रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन अगर आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा आ रहे हैं तो अच्छी बात है रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से जो नागरिकता मिलती है वो भी इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं मिलेगी ये लिखित रूप में व्यवस्था हो गई थी इसकी बहस के दौरान श्री मनमोहन सिंह जो कि उस समय विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था आडवाणी जी से जो होम मिनिस्टर थे और जो बिल लेके आए थे कि बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज आते हैं प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज आते हैं हमें उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए और तत्कालीन होम मिनिस्टर अडवाणी जी ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए उनको हम मतलब रेफ्यूजी के तौर पर देखेंगे और उनको हम मतलब ध्यान रखेंगे तनाव ना तो वो एक स्टेटेड स्टैंड उस समय कांग्रेस का भी था सीपीएम का भी था सब लोगों का था फिर 2003 में ही सिटीजनशिप रूल्स आए थे जो कि इन रूल्स में पहली बार एनपीआर एनआरसी का जिक्र था और भारत सरकार इस मूड में थी कि हम 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद ये चीजें शुरू करेंगे जाते जाते 2004 में उन्होंने एक और एक्ट होता है बोलते फॉरेनर्स फॉरेनर्स एक्ट एक्ट और 1946 वाला जो है जो बताता है कि देश के अंदर यदि कोई फॉरेनर है और गलत तरीके से है गलत डॉक्यूमेंट के साथ है या उसकी मदद करने वाले कुछ लोग हैं या है, उसके डॉक्यूमेंट्स मोड़े तोड़े हैं उसने जानबूझ के फोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उसे क्या पनिशमेंट होगी इसमें भी पनिशमेंट को कुछ महीनों से बढ़ा के आठ साल तक की पनिशमेंट का स्कोप बनाया गया था और इसका मतलब मोटी मोटी बात अगर आप इन सारी बातों को समझें उन्नीस से 2004 के बीच में एनडीए की सरकार ने चार महत्वपूर्ण स्टेप लिए थे इन स्टेप्स के परिणाम यह था कि भारत में यदि कोई अवैध विदेशी है उसे पांच साल तक की जेल हो सकती थी यदि अवैध विदेशी है तो उसे और उसे मदद करने वालों को दो साल से आठ साल तक के बीच की जेल हो सकती थी अवैध विदेशियों को किसी भी तरह से भारत के नागरिक होने का स्कोप खत्म हो गया था रजिस्ट्रेशन से भी नेचुरलाइजेशन से भी यानी पंजीकरण से भी देशीयकरण से भी इतना ही नहीं अवैध आप्रवासियों के बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं बन सकेंगे ये व्यवस्था भी उस एक्ट में हो गई थी और उसके बाद 2003 के रूल्स में एनपीआर क्या होगा एनआरसी क्या होगा इसे डिटेल्ड प्रोविजन दिया गया था जिसका प्रयोग आजकल करने की बात चल रही है हालांकि पहले भी हुआ 2010 में भी यूज हुआ 15 में भी यूज हुआ लेकिन आजकल इसको लेकर डिबेट थोड़ी सी ज्यादा है अगर आपको यह बैकग्राउंड याद रहेगी तो आप समझ पाएंगे कि सी की जरूरत भारत सरकार को इस भारत सरकार को क्यों पड़ी होगी अगर मैं इस पेज को मिटाकर एक दूसरा पेज लेके आपको समझाने का प्रयास करूं, तो यूं समझें कि जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो उसमें एनडीए ने विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वायदों में ये बात खुल के कही कि भाई हम तो जो विदेशी अवैध आप्रवासी हैं उनको भारत से बाहर निकालेंगे कुछ लोगों ने यहाँ तक जुमले कहे मैंने इंटरनेट पर देखा तो ऐसा जिक्र मिला कि ऐसे जुमले भी कहे गए कि हम तो विदेशियों को हिंद महासागर में फेंक देंगे डुबा देंगे हिंद महासागर में ये भाषा बड़ी अजीब सी है लेकिन इस तरह की बातें भीड़ को रिझाने के लिए और जब भीड़ हिंसा के मूड में आती है मॉब बन जाती है ना उसको बड़ा मजा आता है ऐसी बातें समझा कि हम तो हिंद महासागर में डुबो देंगे ऐसे लोगों को ऐसी बातें कही गई साथ में ये भी कहा गया कि जो हिंदू लोग भारत से बाहर के हैं परेशान हैं वहाँ परेशानों के आए हैं तो भारत दुनिया भर के हिंदुओं के लिए सिखों के लिए जैनों के लिए बौद्धों के लिए स्वाभाविक देश है और यदि भारत के बाहर कोई भी हिंदू परेशान है कोई भी सिख परेशान है कोई भी जैन परेशान है तो हम चाहते हैं कि भारत उनके लिए स्वाभाविक देश बने क्योंकि दुनिया में अगर कहीं कोई हिंदू परेशान है तो कहाँ जाएगा तो उसके पास तो एक ही देश बसते हैं कि वो भारत में तो बीजेपी का ये स्टैंड था 2014 के इलेक्शंस में 2014 में क्या बहुत पहले से ये स्टैंड है कि हम उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता आसानी से दिलवाएंगे जो हिंदू धर्म के हैं या सिख हैं या जैन हैं या बौद्ध हैं क्योंकि ये सब धर्म भारत में ही पैदा हुए हैं 2016 में असम में चुनाव हुआ और असम में पिछले तीन बार से कांग्रेस की सरकार थी दो से दो तक जो तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार थी 2016 में सर्बानंद सोनोवाल ये वही सर्बानंद सोनोवाल हैं जिन्होंने आईएमडीटी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया था और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला देते हुए आईएमडीटी एक्ट को खारिज किया था वो आईएमडीटी एक्ट जो उन्नीस सौ तिरासी में इंदिरा गांधी लाई थी और जिसने असम के संकट को और गहरा कर दिया था जबकि वो उसके समाधान के नाम पर लाया गया था आपको ध्यान होगा आईएमडीटी एक्ट को लेकर क्या डिबेट थी आईएमडीटी एक्ट में जो ओनर्स ऑफ प्रूफ था जिम्मेदारी थी सिद्ध करने की वो राज्य पर थी प्रोजिक्यूशन पर थी जबकि बाकी पूरे देश में असम छोड़कर लागू होता है फॉरनर्स एक्ट जिसके तहत संदिग्ध व्यक्ति को खुद सिद्ध करना होता है कि भारत का नागरिक वो है यदि वो साबित न कर पाए तो मान लिया जाता है कि वो विदेशी है जबकि आई में सिद्ध करने का दायित्व राज्य का था और यदि पुलिस या राज्य साबित न कर पाए कि फला फला व्यक्ति विदेशी है तो अपने आप वो व्यक्ति भारतीय मान लिया जाएगा ये प्रावधान था इस प्रावधान ने असम के समस्या को उलझाया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में उस एक्ट को खारिज किया अब देखिए सिचुएशन यह है कि 2016 के असम के चुनाव में बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में आप जानते हैं सरकार बनी भी उनकी वहां भी यह वायदा किया कि हम विदेशी जो आप प्रवासी हैं अवैध लोग हैं उन सबको भारत से बाहर निकालेंगे साथ में कहीं कहीं ये भी कहा कि जो हिंदू हैं उनको संभालेंगे हालांकि असम में ये कहना कि हिंदुओं को संभालेंगे विवाद की बात है आज मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के एंगल भी समझाऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों विरोध हुए थे और कैसे सरकार ने उन विरोधों को मैनेज किया वो सारा समझेंगे अब हुआ ये कि क्योंकि यही सरकार 2000 और 2004 में दो ऐसे एक्ट ला चुकी थी जिनके तहत इलीगल माइग्रेंट्स को पांच साल की जेल हो सकती थी क्यों जेल हो सकती थी कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है अब बहुत सारे लोग जो हिंदू थे सिख थे बौद्ध थे जैन थे वो बीजेपी से नेताओं से मिलके कह रहे थे कि आप तो कहते थे कि हमारा ध्यान रखेंगे हम स्वाभाविक देश हैं आपके और आपने कानून ऐसा बना दिया कि हम जेल जाने के लिए परेशान हैं मतलब पुलिस कब पकड़े जेल में डाल देगी भरोसा नहीं है तो कुछ तो हमारे लिए कीजिए हमें सिटीजनशिप कब देंगे आपने कई बार कहा कि हमको नागरिकता मिलेगी कब देंगे और दूसरा था कि जो चुनावी वायदा था उस चुनावी वायदे के मुताबिक ज़रूरी था कि उनकी नागरिकता के लिए कुछ करना चाहें तो दो पर्पज थे एक पर्पज था कि उन व्यक्तियों को इलीगल माइग्रेंट्स में से वो व्यक्ति जिनके पक्ष में बीजेपी ने चुनाव में वायदा किया था कि हम इनको भारत की नागरिकता देंगे या भारत इनके लिए स्वाभाविक जगह है उनको हम बचाएंगे तो उनको जेल से कैसे बचाएं क्योंकि नियम के मुताबिक पुलिस उनको पकड़ के जेल में ठूंस सकती थी और दूसरा यह था कि यदि हमने वायदा किया है कि हम उनको नागरिकता देंगे यह वायदा कैसा है इसमें भेदभाव है आर्टिकल फोर्टीन का उल्लंघन है नहीं है आगे समझेंगे अभी तो हम तथ्यों पर बात करें उन्हें नागरिकता कैसे दें क्योंकि सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत साफ लिखा हुआ है कि इलीगल माइग्रेंट्स को किसी भी स्थिति में न रजिस्ट्रेशन से ना नेचुरलाइजेशन से भारत की नागरिकता दी जा सकती है और ये सारे इलीगल माइग्रेंट्स ही थे क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं परमिशंस नहीं है भारत में होने की पर वो हैं तो कैसे मैनेज करें इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए ज़रूरी था कि ये नई सरकार कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाती और जैसे दो हज़ार चौदह में ये सरकार आई अच्छे बहुमत के साथ आई तो उनको एक मैंडेट था कि अब वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपना काम करना शुरू किया कैसे काम करना शुरू किया सबसे पहले इस सरकार ने आते ही एक पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी क्या थी यह तय कर लिया कि हम किस किस को रिलीफ देने वाले हैं रिलीफ देने वाले जो बेनिफिशियरीज होंगे वो कौन होंगे और उन बेनिफिशियरीज में उन्होंने क्या किया छह धर्मों को चुन लिया सिक्स रिलीजियंस सही चुना गलत चुना बाद में देखेंगे अभी आप सिर्फ इतना समझेंगे कि क्या किया कैसे किया ये सब प्रश्न बाद के हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे इसमें हिंदू आते हैं इसमें सिख हैं इसमें जैन हैं इसमें बौद्ध हैं तो चार धर्म तो वो हैं जो भारत में पैदा हुए इतिहास जिनका भारत से शुरू हुआ इसके अलावा दो धर्म और इसमें ले लिए हैं उनमें से एक है क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म और एक है पारसी धर्म जिसको पर्शियन कहा जा सकता है ये छह धर्म ले लिए तो बीजेपी की सरकार ने चुना कि हम इन छह धर्मों को रिलीफ देंगे दूसरी बात चुने कि ये छह धर्म भी वो वो लोग जो इन छह धर्मों के हैं और तीन देशों से है तीन कंट्रीज ठीक और ये जो तीन कंट्रीज थी तीन कंट्रीज कौन कौन सी हैं तो उन्होंने तीन कंट्रीज के तौर पर एक रखा अफगानिस्तान एक रखा पाकिस्तान और एक रखा बांग्लादेश इन तीन देशों से फिर यह भी सवाल था कि इन तीन देशों से इन छह धर्म के व्यक्तियों में से कौन कौन से व्यक्ति तो एक डेट तय कर ली कि इस डेट से पहले जो व्यक्ति भारत में आ गए थे वो डेट क्या तय कर ली डेट तय कर ली कि इकतीस दिसंबर दो तक सबसे पहले इन तीन बातों को ध्यान रखिए क्योंकि इन तीन के बेस पर ही सारा का सारा ये प्रोसेस आगे बढ़ा है तो बीजेपी की सरकार ने जो तय किया एक बार आपको ठीक से समझा क्या तय किया उन्होंने तय किया इन छह धर्मों में से किसी धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति जो कि इन तीन देशों में से किसी देश से हो और रिलीजियस परसिक्यूशन धार्मिक उत्पीड़न वजह से अपने देश से भागकर उसने भारत में शरण ली हो मतलब शरण लीगल टर्म नहीं भारत में आया हो शरण मांगने के भाव से आया हो ऐसा व्यक्ति और उनमें वो व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके थे ऐसे व्यक्तियों को हम रिलीफ देंगे ये एक बेसिक पॉलिसी इस सरकार ने बनाई रिलीफ कैसे देंगे रिलीफ देने के लिए उनको तीन रिलीफ करने जरूरी थे इसे जब ये पॉलिसी बनी गई तो इन्होंने 2015 से ही काम करना शुरू किया और सबसे पहले 2015 के सितंबर में जो पासपोर्ट एक्ट के रूल्स हैं उनमें संशोधन किया पासपोर्ट एक्ट वही एक्ट है जो पांच साल की पनिशमेंट की व्यवस्था करता है तो पासपोर्ट एक्ट जो दो उन्नीस का है उसके जो रूल्स हैं वो 1950 के रूल्स हैं उनमें संशोधन किया और संशोधन करके लिखवा दिया कि ये जो पनिशमेंट है ये जो प्रोजीक्यूशन है ये प्रोजीक्यूशन के नियम इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो इन चारों शर्तों को पूरा करते हैं चार शर्तें कौन सी हैं तीन में से किसी देश से, किस से आए हों छह में से किसी धर्म को मानते हो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से आए हों और इस डेट से पहले भारत में आ चुके हों यदि कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है तो इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति पर पासपोर्ट एक्ट के तहत जो पनिशमेंट के नियम है वो लागू नहीं होंगे फिर 2016 में क्या किया 2016 के जुलाई महीने में यही चीज एकदम यही चीज जो दूसरा एक्ट था फॉरनर्स एक्ट उसके रूल्स में लिखवा दी और फॉरनर्स एक्ट के तहत क्या होता है इसी एक्ट के तहत कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं उसके ऊपर केस चलता है जो फॉरनर्स एक्ट के रूल्स हैं मैं रूल्स की बात कर रहा हूं उन्नीस के रूल्स हैं इन रूल्स में भी ये लिखवा दिया कि इन व्यक्तियों के खिलाफ फॉरनर्स एक्ट का प्रयोग नहीं होगा आपको ना भाषा बहुत तकनीकी लगती होगी क्या करें अगर आपको आई का एग्जाम देना तो आपको इन बातों को समझने के लिए कुत अपने अंदर विकसित करनी ही चाहिए समझ में आना ही चाहिए कल को देश चलाएंगे आप अभी आप चार लाइन नहीं समझ पाएंगे ऐसे कैसे होगा ठीक है यूं समझें कि इन व्यक्तियों को दिक्कत थी तीन एक्ट से एक थी पासपोर्ट एक्ट से एक थी एक्ट से एक थी सिटीजनशिप एक्ट से पासपोर्ट एक्ट और सिटीजन जो दूसरा फॉरनर्स एक्ट है इन दोनों से दिक्कत थी कि उनको जेल में डाला जा सकता था और विदेशी घोषित किया जा सकता था इन दोनों के रूल्स में लिखवा दिया कि ये वाला जो प्रावधान है जिसके तहत उनको जेल डाला जा सकता है आदि 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 वो इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा और यह काम 2015 और 16 में ही हो गया था सी ए तो बात की बात है अब जब इतना हो गया तो एक ही बात बची थी वो ये थी कि इन व्यक्तियों को सिटीजनशिप कैसे दें क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट जो हमारा उन्नीस का है 2003 में जब संशोधित किया गया उसको तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि किसी भी इलीगल माइग्रेंट को किसी भी अवैध आप्रवासी को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती और इसी सरकार ने लिखवाया था अब अगर यही सरकार चाहती है कि हम इलीगल माइग्रेंट्स में से कुछ को किसी विशेष ग्राउंड पर नागरिकता देना चाहते हैं तो उस सरकार के लिए क्या जरूरी हो गया कि सिटीजनशिप एक्ट में जो अमेंडमेंट इन्होंने खुद 2003 में किया था उसी संशोधन के प्रभाव से बचने के लिए इन व्यक्तियों को बचाने के लिए फिर से संशोधन करें क्योंकि संसद द्वारा किए गए संशोधन को संसद ही अगले संशोधन से बदल सकती है कोई और बदल नहीं सकता है तो जरूरी था कि 2003 के एक्ट के बाद यदि भारत सरकार किसी अवैध आप्रवासी को भारत की नागरिकता देना चाहे तो उसे सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन करना ही होगा उसमें संशोधन के बिना यह काम हो नहीं सकता था और इसलिए ये दो काम जब किए तो हल्ला नहीं मचे क्योंकि लोग समझ नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है ये रूल्स में चेंजेस हुए थे पता भी नहीं चला बहुत कम लोगों को पता चला लेकिन जब सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट में चेंज करने का प्रयास किया तो सबको पता लगा और उसके बाद से शोर मचना शुरू हुआ 2016 में जब ये दोनों संशोधन हो गए थे उसके बाद ये सरकार एक बिल लेकर आई जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 हजार सी ए बी का मतलब बिल है और जब ये पास हो जाएगा दोनों सदनों से राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा सी ए दो का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो पाया फाइनल नहीं हो पाया इसलिए ये सी ए बी ही रहेगा सी ए नहीं हो पाया इसमें क्या प्रावधान थे सबसे पहले समझते हैं कि क्या प्रावधान क्या थे जो उस सरकार ने किए थे और फिर देखेंगे उसका परिणाम क्या हुआ सबसे पहली बात वही जो सी ए में भी है वो ये है कि इलीगल माइग्रेंट्स की जो परिभाषा है उस परिभाषा में इन व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया गया इन व्यक्ति कौन से जो मैंने अभी समझाया था ना तीन देशों से छह धर्मों को मानने वाले 2014 से पहले जो भारत में आ गए थे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से उन व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया गया यानी सीधी भाषा में कहूं तो यह लिख दिया गया कि इलीगल माइग्रेंट्स की परिभाषा में यह व्यक्ति शामिल नहीं होंगे एक तो यह लिख दिया गया अगर आपको सिटीजनशिप एक्ट पढ़ने को मिले छोटा सा प्यारा सा एक्ट है उसमें जो सेक्शन टू है उसमें परिभाषा दी गई है इलीगल माइग्रेंट्स कौन है 2003 में परिभाषा शामिल की गई थी अब क्या होना था उस परिभाषा के नीचे लिखना था कि किंतु इस परिभाषा में वो लोग शामिल नहीं होंगे जो इन तीन देशों से इन छह धर्मों के हैं धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में आए हैं और 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके थे वो उसमें शामिल नहीं होंगे यानी इन व्यक्तियों को अवैध आप्रवासी नहीं माना जाएगा दूसरा इसमें जो परिवर्तन था वो ये था कि ऐसे व्यक्तियों को इसी कैटेगरी में जो व्यक्ति हैं इन व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकेगी और नागरिकता कहां दी जा सकेगी नागरिकता देने के लिए जो दो तरीके होते हैं एक रजिस्ट्रेशन और एक नेचुरलाइजेशन उसके तहत इनको नागरिकता दी जा सकेगी ये प्रावधान था जब ये प्रावधान हुआ स्वाभाविक सी बात है कि नागरिकता को लेकर जब भी कोई नया बिल आता है तो उसपे खूब विरोध होता है स्वाभाविक सी बात है और जैसे ही ये बिल आया उसके बाद स्वाभाविक तौर पर खूब विरोध हुआ लोकसभा में यह बिल पेश किया गया खूब शोर मचा हालांकि सरकार के पास ताकत थी कि पास करवा सके लेकिन एक ट्रेंड है पिछले कई सालों से कि जब भी कोई बिल आता है सीधे पास नहीं करते उसको उसको किसी न किसी कमेटी को रेफर किया जाता है कमेटी में संसद में विभिन्न पार्टियों में जितने मेंबर्स हैं उसी अनुपात में कुछ कम मेंबर्स होते हैं ताकि पूरे 500 लोग क्यों डिस्कस करें उनमें से 20 लोग डिस्कस कर लें 30 लोग डिस्कस कर लें पंद्रह लोग डिस्कस कर लें ताकि सदन को एक सोचा समझा रास्ता मिल जाए तो लोकसभा ने इसको रेफर कर दिया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब होता है जिसमें दोनों सदनों के मेंबर्स होते हैं तो वो ज्वाइंट कमेटी होती है लोकसभा राज्यसभा की विचार करने के लिए अब इस बिल में सबसे अजीब सी बात जो थी वो ये थी कि इसमें सीधे सीधे छह धर्मों का नाम लिखा हुआ था कि इन छह धर्मों के व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकेगी इनको इलीगल नहीं माना जाएगा ऐसा देख के लगता है कि सीधे सीधे मुसलमानों को खारिज किया गया है और ध्यान से देखेंगे तो यहूदियों को भी खारिज किया गया यहूदी भी इसके अंतर्गत नहीं है वरना जियोस तो लिखा होता वो भी नहीं लिखा हुआ है नास्तिक भी नहीं लिखा हुआ है और कुछ लोग कहते हैं कि शिया मुसलमान अहमदिया मुसलमान है हज़ारा मुसलमान हैं उनका जिक्र भी नहीं है क्योंकि इनको भी मुसलमान नहीं मानते सूफियों को भी जगह मुसलमान नहीं मानते उनका जिक्र भी नहीं है ऐसी बातें भी खूब उठी जे ने खूब डिस्कशंस की देखिए जेपीसी में ही बहुमत आमतौर पर सरकार का ही होता है तो जेपीसी अंततः वही फैसला करती है जो फैसला सरकार का होता है हल्का फुल्का चेंज आमतौर पर हो जाता है जेपीसी ने बहुत सारे संवैधानिक विशेषज्ञों को बुलाया और उनसे पूछा एक सुभाष कश्यप भी थे उनमें प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं उनसे भी पूछा उन्होंने कहा कि आपके एक्ट की भावना से हमें दिक्कत नहीं है लेकिन जो धर्मों के नाम लिखे हैं चुन चुन के ना वो मैसेज ठीक करने नहीं हो रहा उससे बेहतर होता कि आप धर्मों का नाम लिखने के बजाय सिर्फ इतना लिखते कि जो उन देशों के अल्पसंख्यक हैं माइनॉरिटीज हैं माइनॉरिटीज हैं कभी कभी क्या होता है कि भाषा का सारा खेल होता है मुझे इस पूरे मसले में लगता है कि यह सारा मुद्दा मूलतः भाषा का खेल है मूलतः कम्युनिकेशन में स्पष्टता न आ पाए कंफ्यूजन्स पैदा हो जाए उसका खेल है मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ उससे आपको बात शायद समझना आसान लगे एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि एक बार एक ज्योतिषी राजा के दरबार में गया राजा ने बुलाया था उसको राजा तो आपको पता है फ्री होते हैं ये सब काम करते रहते हैं आमतौर तो पे राजा ने कहा ज्योतिषी जी हमारा हाथ देखकर बताइए या कुंडली देख कर बताइए कि भविष्य में क्या लिखा हुआ है ज्योतिषी बहुत ईमानदार था सीधी सच्ची बात बोलता था उसने कुंडली देखी हाथ देखा और उसने राजा से कहा कि राजा जी आपके घर के जितने मेंबर्स हैं परिवार में ना सारे एक एक करके आपकी आंखों के सामने मरेंगे ये भविष्य में लिखा हुआ है अभी तो सुनते ही राजा का पारा हाई हो गया चिड़ गया बुर और राजा ने कहा कि ज्योतिषी इस जान से मार दो मैं उसको जेल में ठूंस दिया ज्योतिषी को राजा लोग तो ऐसा ही करते हैं उनके मुंह से जो निकला वही कानून होता है वही संविधान होता है ज्योतिषी का एक बेटा भी था जो नया नया ज्योतिषी बन रहा था आपको ज्योतिष में रुचि ना हो तो आप इस एग्जाम्पल को यूं ही समझें मजाक समझें और ज्योतिष में रुचि है फिर तो आप इसको सीरे से रह सकते हैं तो ज्योतिषी के बेटे को लगा कि मुझे अपने पापा को बचाना चाहिए अगले दिन वो पहुंच गया राजा के दरबार में और उसने सूचना दी कि एक दूसरे ज्योतिषी जी आए हैं राजा से मिलना चाहते हैं तो राजा तो वेला बैठा हुआ था खाली बैठा हुआ था उसने कहा बुलाओ बुलाओ चलो कुछ टाइम तो गुजरेगा इसको बुलाया छोटे ज्योतिषी को राजा ने कहा भाई तुम तो बहुत ही छोटे हो क्या चाहते हो उसने कहा मैं छोटा दिखता हूँ उम्र में ज्योतिषी बहुत प्रकांड हूँ तो राजा ने कहा ठीक है भाई तुम भी हमारा हाथ देखो कुंडली देखो बताओ ठीक से और इस लड़के ने क्या समझदारी की इसने राजा का हाथ देख के कुंडली देख के कहा कि राजन आपके ग्रह बता रहे हैं कि आप अपने पूरे खानदान में सबसे लंबे समय तक जिएंगे। राजा तो गदगद हो गया पूरी सभा में तालियां पेटने लगे सब लोग मस्त हो गए सब लोग और राजा ने कहा कि यार तूने दिल खुश कर दिया बता क्या तुझे पुरस्कार दिया उसने कहा पुरस्कार पुरस्कार कुछ नहीं मेरे पिताजी थे जो कल आए थे जेल में ठूस रखे आपने उनको छोड़ दीजिए और हमें बख्श दीजिए ये पुरस्कार है राजा ने कहा ठीक है ज्योतिष को बुलाया और कहा कि अपने बेटे से सीखो इतने साल के हो गए ज्योतिष अब तक नहीं सीख पाए बेटे को ज्योतिष आता है ठीक से वो दोनों चले गए बाद में किसी समझदार आदमी ने राजा को बताया हुआ कि राजा जी आप बड़े मूर्ख आदमी हैं क्योंकि पहले वाले ने कहा कि आपकी आंखों के सामने परिवार के सब लोग मरेंगे और दूसरे ने कहा कि आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा समय तक जियेंगे इन दोनों बातों में क्या अंतर है तो एक ही बात है मैं अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीऊंगा इसमें निहित है कि मेरे परिवार के सब लोग मेरे सामने बारी बारी मरेंगे इस नए ज्योतिषी ने ऐसा क्या बता दिया कि आप खुश होकर पुरस्कार देने लगे और पुराने ज्योतिषी ने ऐसा क्या बताया था कि आप जेल ठोस रहे थे उसको तब राजा को समझ में आया तो राजा को जो समझ में आया आया राजा ने क्या किया क्या नहीं किया गोली मारी उस चीज को आप ये समझिए इस एक्ट में सबसे जो अजीब या सबसे रोचक बात है वो ये है कि जो धर्मों का नाम चुन चुन के लिखा गया है अगर उसके बदले लिखा होता ना जैसे सुभाष कश्यप ने भी कहा कि आप ये मत लिखिए कि हिंदू को देंगे सिख को देंगे जैन को देंगे बौद्ध को देंगे पारसी ईसाई को देंगे आप लिखिए कि इन देशों के माइनॉरिटीज को रिलीजियस माइनॉरिटीज को नागरिकता देने में प्राथमिकता दी जा सकती है तो विवाद नहीं होगा संविधान की भावना के अनुसार आपको यह बात ठीक लगेगी सरकार इस बात पे एडमेंट थी कि नहीं हमें तो नाम ही लिखने हैं मतलब हो तो ये सकता था कि उसमें लिखा होता कि माइनॉरिटीज और हर एक्ट के बाद ना रूल्स बनते हैं कुछ उन रूल्स में डिटेल्स लिखी होती हैं। तो सरकार ये कर सकती थी कि विधेयक में लिखती कि माइनॉरिटीज और अंत में लिखती कि माइनॉरिटीज में कौन कौन लोग शामिल होंगे इसकी सूची रूल्स में दी गई है और रूल्स मेंशन कर देते कि इस देश के ये माइनॉरिटीज बने जाएंगे इस देश से ये माइनॉरिटीज होंगे इस देश से ही होंगे बात खत्म हो जाती लेकिन सरकार किसी वजह से इस बात पे एडमेंट थी कि नहीं हम तो एक्ट में ही नाम लिखेंगे धर्मों के शायद इसलिए उनको लग रहा होगी कल को हमारी सरकार ना रहे ऐसा ना हो कि दूसरी सरकार आए रूल्स को तुरंत चेंज कर दे रूल्स को चेंज करना एक्ट को चेंज करने की तुलना में ज्यादा आसान होता है एक तो ये हो सकता है दूसरा यह भी हो सकता है कि एक्ट में नाम लिखेंगे तो शोर मचेगा हल्ला गुल्ला होगा देशभर में ध्रुवीकरण होगा एनडीए को या बीजेपी को इस बात का ठीक से एहसास है, है कि मुस्लिम वोटर्स हमारे वोट बैंक नहीं है होंगे भी नहीं लेकिन बाकी जो वोटर्स हैं वो हमारे वोट बैंक हैं और हो भी सकते हैं देखिए इलेक्शंस का सारा मामला होता है पार्टी कांग्रेस हो बीजेपी हो आम आदमी पार्टी कोई भी पार्टी हो इन सबको अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हुए ये साधना होता है कि अगले इलेक्शन में हम जीत भी सकें ये लोकतंत्र तो की मजबूरियों में से एक बड़ी मजबूरी है इलेक्शन के समय अगर मामला हो जाए अमीर बनाम गरीब इसका फायदा मिलता है जो लेफ्ट पार्टियां होती हैं जैसे सी पी एम सी पी आई और दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी थोड़ा बहुत उनका ओरिएंटेशन उस तरफ का है जब भी अमीर गरीब का मामला बनेगा आप मान के चलिए कि लेफ्ट ओरिएंटेशन की पार्टियां फायदे में रहेंगी इसलिए वो हर इलेक्शन में कोशिश करती हैं कि मूल मुद्दा अमीर गरीब का है अगर मामला हो जाएगा सवर्ण और निचली जातियों का निचली का मतलब जिनको निचली कहा जाता है दरअसल तो सब समाज में लोग बराबर हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी मामला होगा दलित जातियों का मामला उठेगा तो फायदा किसको होगा बीएसपी को अगर ओबीसी की बात हो तो फायदा किसको होगा तो फायदा आरजेडी को हो सकता है समाजवादी पार्टी को हो सकता है ये पार्टियां चाहती हैं कि स्वाभाविक तौर पर चाहती हैं कि इलेक्शन के समय मूल मुद्दा कास्ट का बने अमीर गरीब का ना बने अब तीसरी पार्टियां वो हैं जो एक धर्म या एक समुदाय के व्यक्ति को अपना वोटर मानती हैं अगर मामला हिंदू मुसलमान का बन गया तो इसका फ़ायदा किसको होगा वो बीजेपी को होगा उत्तर प्रदेश में देखें तो समाजवादी पार्टी को होगा क्योंकि जब मुसलमान एक हो जाएंगे तो वो वहाँ वोट डाल देंगे हिंदू एक हो जाएंगे तो बीजेपी को वोट डालेंगे केरल में मुस्लिम लीग को मुसलमानों के वोट पड़ जाएंगे तो वो चाहेंगे हिंदू मुसलमान का मामला हो जाए किसी भी लोग जैसे अमेरिका में भी इलेक्शंस का दौर चल रहा है वहां पर भी तो वहां भी क्या होगा कि डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि ये मामला श्वेत अश्वेत का भी हो जाए ताकि अश्वेतों के वोट एक बड़ी संख्या में उनको मिल जाए दुनिया भर के हर देश की डेमोक्रेसी में कौन सा वोट बैंक हमारे पक्ष में काम करेगा किस तरह के ध्रुवीकरण से हमारी पार्टी को फायदा मिलेगा इस पर निगाह हर पार्टी की रहती है जो कि स्वाभाविक है हम अच्छे बुरे किसान से बात नहीं कर रहे हम लोकतंत्र की स्वाभाविकताओं की बात कर रहे हैं अगर माइनॉरिटीज लिखते तो शायद इतना शोर ना बचता विरोध भी ना करता शायद कोई इस बात का और जब धर्मों का नाम लिखा गया तो विरोध हुआ विरोध हुआ तो देश में हिंदू मुसलमान का माहौल बना हिंदू मुसलमान का माहौल बना तो ऐसा माहौल जब तक बना रहेगा तब तक कुछ पार्टियां फायदे में रहेंगी और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि धर्मों का नाम देने के पीछे मूल वजह ये थी ताकि इस वजह से ध्रुवीकरण पोलराइजेशन धार्मिक आधार पर हो वरना यही काम केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द लिख के भी किया जा सकता था इसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी और सूची को एक्ट में देने की बजाय रूल्स में दिया जा सकता था इसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी ऐसा बहुत सारे एक्ट्स में होता है कि रूल्स में सूचनाएं आती हैं ये सुझाव दिया सुभाष कश्यप ने और कई और लोगों ने मतलब जो मैंने हल्का फुल्का रिपोर्ट्स पढ़ी इंटरनेट से जेपीसी ने पूरी की पूरी रिकमेंडेशन अपनी दे दी और उसके बाद जब जेपीसी के अंदर वोटिंग हुई तो 2019 की शुरुआत में ये वोटिंग हुई और 7 जनवरी 2019 को जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी वो रिपोर्ट लगभग वैसी की वैसी थी कि जैसा बिल था लगभग वैसा ही बिल पास कर दिया बहुत माइन्यूट हल्के फुल्के चेंजेस के साथ बिल को पास कर दिया इसका मतलब जेपीसी ने कहा कि हाँ हमारी राय है कि बिल ठीक है इसका मतलब ये हुआ जैसे ही जेपीसी ने किया उसके अगले ही दिन जन, आठ जनवरी 2019 को लोकसभा ने बिल पास कर दिया लोकसभा में एनडीए का बीजेपी का पूरा बहुमत था राज्यसभा में नहीं था अब लोकसभा के बाद जो स्वाभाविक सा मामला है कि बिल राज्यसभा में गया हालांकि हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि दोनों सदनों की संयुक्त तो बैठक की जा सकती है उससे बिल पास करवाया जा सकता है जो कि एनडीए शायद कर देता लेकिन जनवरी हो चुका था 2019 में लोकसभा के चुनाव थे अप्रैल मई मही महीने में तो राज्यसभा को केवल दो तीन महीने खींचना था और दो तीन महीने खींचने के लिए कोई भी सदन पर्याप्त रूप से ताकतवर होता है राज्यसभा ने चर्चाओं के नाम पर डिस्कशंस के नाम पे उस बिल को आगे खींचा और इस तरह से उसको पास करने से रोक दिया और इसी बीच में लोकसभा डिजोल्व हो गई क्योंकि उसके पांच साल हो गए जिसको बोलते हैं लोकसभा का भंग हो जाना जब लोकसभा भंग हो गई तो लोकसभा भंग होते ही ऐसे बहुत सारे बिल लैप्स हो जाते हैं जैसे ये वाला बिल था क्योंकि लोकसभा से पास हुआ था लोकसभा ही चेंज हो गई तो ये लैप्स हो गया लैप्स होने का मतलब खत्म हो गया जीरो हो गया इसके बाद इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में फिर से ये सरकार जीत के आई और इस बार तो और बड़े बहुमत से आई तो अब इस सरकार की इच्छा थी कि हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं लेकिन इस पूरी बात को करते हुए एक विशेष एंगल को समझने की जरूरत है जो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में पूछा भी है मेरे पास मेरी टीम ने भेजा कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसको लेकर खूब हल्ला मचा इस पर बहुत सवाल है तो मैं जो कह रहा हूं ध्यान से समझ लीजिए बीजेपी की सरकार जो 2014 से 2019 की थी उसने 2016 में एक बिल पेश किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यही दोनों प्रावधान थे मुख्य रूप से और इस बिल को जेपीसी ने पास किया 2019 में लोकसभा से पास हो गया था राज्यसभा से पास नहीं हो पाया और इसलिए वो बिल लैप्स हो गया और उसी समय बहुत हल्ला मचा था नॉर्थ ईस्ट में तो थोड़ा सा समझिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों शोर मचा था नॉर्थ ईस्ट में क्यों ऐसा हुआ था कि लोग सड़कों पर उतर गए थे दंगा फसाद होने लगा था इस बिल की वजह से ऐसा क्या था दो बातें ध्यान रखिए ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का नक्शा आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल से आपको देख ही रहा होगा नहीं तो मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर सकता हूँ ताकि आप थोड़ा सा और इसको आसानी से देख सकें अब शायद आपको ठीक से दिख रहा होगा नक्शा ठीक है ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा देश ठीक है इस भूटान को अलग रख लीजिए इस नेपाल को अलग रखिए बांग्लादेश को अलग रखिए बाकी जो है ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक है ये असम है और ये जो बाकी राज्य है ना अरुणाचल प्रदेश है नागालैंड है मणिपुर है मिजोरम है त्रिपुरा है मेघालय है असम है सिक्किम को फिलहाल हम अलग रखेंगे क्योंकि सिक्किम इस मामले में सिक्किम का बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं है तो सिक्किम को भी हम बहुत चर्चा के केंद्र में रखने से बचेंगे ठीक है बाकी को ध्यान रखकर बात करेंगे अगर आपको पूरी बात ध्यान हो या मैं एक बात आपको एक बार और बता दूं कि ये जो असम है पहले बंगाल का हिस्सा था ये जो वेस्ट बंगाल है ना ये बांग्लादेश है ये पूरा बंगाल था पहले इसी बंगाल के हिस्से के रूप में 1826 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को असम का इलाका मिला मणिपुर का इलाका मिला तो उसको बंगाल का ही हिस्सा मान लिया गया था शुरू में इस सारा असम था अरुणाचल प्रदेश भी असम का पार्ट था मेघालय भी असम था मतलब मणिपुर भी उसके साथ ही आया था मिजोरम भी एक तरह से असम था मणिपुर और त्रिपुरा शुरू से जब भारत आजाद हुआ उन्नीस में संविधान बना तभी से इनको यूटी वाला स्टेटस दिया गया था जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश या राज्य क्षेत्र वो था इन दोनों को अगर छोड़ दें बाकी सारा का सारा जो नॉर्थ ईस्ट है शुरू से असम था सिक्किम मैंने पहले छोड़ दिया सिक्किम तो उन्नीस में भारत का हिस्सा बना उससे पहले भारत का हिस्सा नहीं था अब इसी असम से उन्नीस में नागालैंड अलग हुआ उन्नीस सौ में मेघालय अलग हुआ जो पहले राज्य के भीतर राज्य बना एक अलग सा कंसेप्ट था कभी बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के इतिहास पर मेघालय हमारे देश का अकेला राज्य है जिसको एक खास स्टेटस मिला था राज्य के भीतर राज्य स्टेट विद इन स्टेट उन्नीस सौ की बात है अगले साल 71 में तो एक्ट पास करके उसको राज्य ही बना दिया गया तो वो स्टेटस अब काम का रहा नहीं अरुणाचल प्रदेश को 1971 में यूटी बनाया और 1986 में ये राज्य बना मिजोरम भी 1971 में यूटी बना 1986 में राज्य बना और इसका मतलब यह हुआ कि ये सारे इलाके केवल मणिपुर त्रिपुरा छोड़ दीजिए नागालैंड उन्नीस में स्टेट बना उसकी एक लंबी कहानी है विवाद की कहानी है जो कभी समझेंगे बेसिक बात है कि जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का सारा इलाका लगभग सारा इलाका आज से केवल 40 साल पहले तक केवल और केवल ये क्या था असम था इसलिए असम की समस्या पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्या बन जाती है एक तो ये ध्यान रखिए दूसरा अगर मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाके ये समझाने का प्रयास करूं कि हमने जो विस्तार में चीजें समझी थी एक शब्द आया था असम समझौता जिसको बोलते हैं रुकी इसको ऐसे करते हैं एक शब्द था असम एक अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो 1985 में जो राजीव गांधी सी मतलब पीएम बने ही थे उन्होंने असम आंदोलन को शांत करने के लिए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का जो आंदोलन था आंसू का आंदोलन था उसके लिए असम एकॉर्ड किया था समझौता किया था जिस समझौते के तहत 25 मार्च उन्नीस के बाद बांग्लादेश से जो लोग भारत में आए थे 25 मार्च के दिन क्यों क्योंकि उसी दिन वहां पर एक ऑपरेशन पाकिस्तान ने शुरू किया था पश्चिम पाकिस्तान ने जिसमें बांग्लादेशी मुक्ति अभियान वाले व्यक्तियों को कुचलने की बात की गई थी बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई थी उस समय तो उस तिथि के बाद जो लोग बांग्लादेश से भारत देखिए बांग्लादेश से भारत को आएगा तो कहाँ आएगा वो या तो जाएगा पश्चिम बंगाल में या जहां भी जाएगा यह सारा उस समय असम ही था यह सारा असम था त्रिपुरा थोड़ा छोड़ दीजिए और इसका मतलब बांग्लादेश से जब लोग भागे तो या तो भागे बंगाल में पश्चिम बंगाल में या भागे असम में इसलिए असम में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो ही चुका था बाद में असम से कटके राज्य तो बनते गए पर इन सब राज्यों में किसी ना किसी मात्रा में अवैध बांग्लादेशी पहले से आए ही हुए थे और जब असम आंदोलन हुआ कि अवैध बांग्लादेशियों को या प्रवासियों को यहाँ से बाहर निकाला जाए उन्नीस के असम अकॉर्ड में सहमति बन गई थी कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी व्यक्ति आया होगा उसको वापस बांग्लादेश भेजेंगे और ये सहमति इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान की सहमति उन्नीस में जो भी थी उस पर आधारित थी क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने ये वायदा किया था कि 25 मार्च उन्नीस के बाद जो लोग हमारे गए हैं उनको हम वापस लेंगे और उससे पहले के व्यक्तियों के बारे में यह तय हुआ था कि छियासठ एक जनवरी तक जो आ गए वो भारत के नागरिक होंगे बीच वाले जो हैं नागरिक होंगे लेकिन 10 साल के लिए उनको हम इलेक्शन के राइट से वंचित करेंगे वोटिंग राइट से वंचित करेंगे फिर वो वोटर भी बन जाएंगे ये तो ठीक से पूरा हुआ नहीं अब देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूरे असम में क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि 25 मार्च उन्नीस के बाद जो भी आया है उन सबको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा क्योंकि इन सब की वजह से इन सब राज्यों में विशेष रूप से असम में जो डेमोग्राफिक बैलेंस था जना संतुलन था वो डगमगाया हुआ था सब राज्य परेशान थे और ये जो तो ट्राइबल स्टेट्स हैं विशेष रूप से आप जैसे मणिपुर की बात करें अरुणाचल की बात करें नागालैंड की बात करें इनमें जो ट्राइबल आइडेंटिटीज हैं ये बेहद असुरक्षित महसूस करती हैं जब बाहर की आबादी बड़ी संख्या पे आती है तो कैसे मैनेज करें अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी आप जानते ही हैं कि वो ज्यादा नाजुक चीज है उसको आप आराम से हाथ नहीं लगा सकते अब जैसे ही सी ए बी आया दो हजार सोलह का उसमें क्या लिखा था कि इकतीस दिसंबर दो हजार चौदह तक जो लोग भारत में आ गए थे बस वो मुसलमान ना हो यहूदी ना हो और इन तीन देशों से आए हो तीन देशों में एक बांग्लादेश भी था और भारत में जितना अवैध आप्रवासन है इलीगल इमिग्रेशन है उसमें सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश से ही है मतलब बाकी सारे मिला के शायद कुछ लाख होंगे दस लाख के आसपास होंगे बांग्लादेश का अकेला कम से कम एक से दो करोड़ के बीच में लोग हैं अब इस सी ए बी दो हजार सोलह में जो प्रावधान था उसका मतलब ये हुआ इकतीस दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश से जितने भी हिंदू आए हैं या सिख आए हैं क्योंकि यहां से जैन आने का मतलब बनता नहीं है बौद्ध थोड़े से आए हैं जरूर हैं बहुत कम संख्या में मतलब शायद पचास से भी कम इस तरह की संख्या है ईसाई एकाद हो सकता है आ गया हो लेकिन आमतौर पर यहाँ से क्यों आएंगे इसका मतलब यह होगा कि बांग्लादेश से जितने मुसलमान आए हैं वो तो इलीगल माइग्रेंट थे और रहेंगे उनको वापस भेजा जाएगा ये विश्वास बना रहेगा लेकिन 2016 के बिल ने सिद्ध कर दिया कि 25 मार्च 1971 के बाद में लेकिन 2014 के 31 दिसंबर से पहले और यह छोटा समय नहीं है यह तैतालीस साल का समय है इन तैंतालीस चवालीस सालों में जितने भी हिंदू सिख बौद्ध जैन ईसाई पारसी अगर बांग्लादेश से आए हैं तो वो भारत में न केवल रह सकते हैं उनको अवैध आप्रवासी नहीं माना जाएगा और तो और उन्हें नागरिकता भी दी जाएगी और इसका मतलब इन राज्यों को ये लगा कि जो लोग हमारे यहाँ पर आके घुसपैठ कर चुके हैं रहते हैं हमारे साथ जिनको भगाने के लिए हमने आंदोलन किया और ये ध्यान रखिएगा कि असम आंदोलन मूल रूप में बांग्लादेशी मुसलमानों को भेजने का आंदोलन नहीं था आंसू के आंदोलन में या जिसको ए ए जी एस यू कहते थे और असम गण संग्राम परिषद का आंदोलन कहते थे असम आंदोलन बोलते थे असम मूवमेंट शुरुआत में बांग्लादेशी आप्रवासियों को भगाने का आंदोलन था उसमें हिंदू मुसलमान का भेद उस समय नहीं था ये तो बाद की डेवलपमेंट्स में ये एंगल भी जुड़ना शुरू हुआ और नॉर्थ ईस्ट को ये लगा कि ये तो हमारे साथ जो वायदा हुआ था उसके साथ एक गड़बड़ हो गई हम तो अवैध प्रवासी सारे भेजना चाह रहे थे और अब पता लगा और यह ध्यान रखना कि बांग्लादेश से आने वाले अवैध आप्रवासियों में कम से कम 50 परसेंट ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं है ये जो एनआरसी हुआ असम का मैं उस पर आगे बताऊंगा एनआरसी में क्या रिजल्ट आए हैं उससे पता भी लगता है नॉर्थ ईस्ट में इसलिए आग लग गई इसलिए तनाव हुआ इसलिए हिंसा आगजनी बवंडर सब होना शुरू हुआ नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से असम को ऐसा लगने लगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा छल हो गया असम तो 1826 के बाद से ही विदेशी आक्रमण से परेशान है आप्रवासन से परेशान है उन्नीस तक आते आते जो सेंसस कमिश्नर थे से उस समय के असम के उन्होंने कह ही दिया था कि असम की कल्चर पूरी खत्म होने के कगार पर है क्योंकि अवैध या विदेशी आप्रवासियों ने इतनी बड़ी संख्या में कब्जा जमा लिया है कि अब यहाँ की अपनी स्थानीय संस्कृति खतरे में है ये 1931 की बात है। और उसके बाद उन्नीस के आसपास फिर उन्नीस के आसपास जब युद्ध हुआ चौसठ पैंसठ में तब फिर उन्नीस के आसपास जब युद्ध हुआ तब इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेश के अवैध प्रवासी भारत में आए और वो सब असर तो असम पे तो आया और कहा आया असर और इसलिए असम के लोग इस बात से बेहद खफा हुए कि जिन्हें बाहर भेजना था उनमें से 50-60 परसेंट के आसपास को वो आपने भारत की नागरिकता देने का फैसला कर लिया और यदि भारत की नागरिकता देंगे तो ये लोग रहेंगे तो यहीं और जब यहीं रहेंगे तो हमारी कल्चर पर प्रभाव इस बात से नहीं पड़ता कि बांग्लादेश से हिंदू आया कि मुसलमान आया बांग्ला बोलने वाले लोग यहाँ आके बसे फर् तो इसी बात से पड़ जाता है और असम के लोगों को या अरुणाचल के लोगों को नागालैंड के लोगों को हिंदू मुसलमान के फर्क से तो कोई संतुष्टि मिलेगी नहीं उन्हें तो इस बात का तनाव है ना कि हमारी जनजातीय संस्कृति में बाहर से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए खूब हल्ला मचा खूब हल्ला मचा उस समय केंद्र सरकार ने किसी तरीके से मैनेज किया रोचक बात यह है कि असम की सरकार एनडीए की सरकार 2016 में बनी है मणिपुर की सरकार भी एनडीए की सरकार है और त्रिपुरा में भी एनडीए की सरकार है और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इस बीच में एनडीए ने अपने लिंक्स बनाए हैं सरकारें बनाई हैं तो वो सरकारें भी इस तनाव में थी कि ये जो बिल आ गया है उस बिल के बाद अगले इलेक्शन में हम किस मुंह के साथ जनता के पास जाएंगे ये तनाव की बात है ये तो हो गया दो वाला बिल और मैंने आपसे पहले कहा कि 2016 का बिल राज्यसभा के प्रतिरोध की वजह से पास नहीं हो पाया कैंसिल हो गया 2019 में इलेक्शन हुए इलेक्शन से एकदम पहले ही वो बिल रुका था लेफ्स हुआ था इलेक्शन की वजह से अब विपक्ष को लगता था कि ये सरकार फिर से नहीं आएगी तो बात खत्म हो जाएगी जैसे 2004 में बीजेपी हार गई तो 2004 से 2014 तक 10 साल तक जब तो यूपीए की सरकार रही नागरिकता के मुद्दे शांत रहे क्योंकि यूपीए की सरकार प्राय ऐसे मुद्दों में हाथ डालने से बचती है 2019 में भारत की जनता ने जो बीजेपी की सरकार थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसको और ज्यादा बहुमत देकर जितवा दिया चौदह के इलेक्शन में केवल बीजेपी दो सीट लाई जो कि अपने आप में बहुमत के रिक्वायरमेंट से दस ज्यादा थी लोकसभा में और इस बार तो 2019 में तो वो सीटें बढ़ के तीन केवल बीजेपी की हो गई जिसका मतलब हो गया एनडीए की मिला के तो तीन सौ के आसपास पहुंच गई जिसका मतलब ये था कि देश की जनता मूड बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी हम आपके साथ हैं आप देश को आगे बढ़ाएंगे या चलाएं जो पॉलिसी आपकी हम उससे सहमत हैं अब जब ये सरकार बनी तो और ज्यादा रेजोल्यूट होके और संकल्पशील होके संकल्पवान होके इसने काम शुरू किया और आते ही सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल 2019 लेके आई जो पास होने के बाद बन गया सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019 ये वही एक्ट है जिसपे खूब शोर मचा हुआ है इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे एक बार हल्का समझने का प्रयास करें कि क्या यह 2016 का ही बिल फिर से आ गया था या इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे चेंजेस थे तो क्या चेंजेस थे देखिए 2016 में जो बातें थी वो बातें तो इसमें थी जैसे इसमें भी शुरू में लिखा हुआ था कि इलीगल माइग्रेंट्स की जो डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा है उस परिभाषा में वो व्यक्ति शामिल नहीं होंगे कौन से व्यक्ति शामिल नहीं होंगे वही वाले जो मैंने आपसे बातें कही थी ना मैं वे व्यक्ति लिख देता हूं पर्सन शेल नोट बी इंक्लूडेड ऐसे करके समझ लीजिए वे व्यक्ति का मतलब उन तीन देशों अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश जो आए हैं छह धर्मों में से किसी एक को मानते हैं धार्मिक उत्पीड़न की वजह से आए हैं और 2014 खत्म होने से पहले भारत में आ चुके थे उन व्यक्तियों को इलीगल माइग्रेंट या अवैध आप्रवासी नहीं माना जाएगा यह प्रावधान तो वैसा ही था जो यहां भी था दूसरा प्रावधान था उन व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी मतलब नागरिकता तो दी जा सकेगी ये प्रावधान पहले भी था अब भी था यहां तक तो कोई अंतर नहीं था लेकिन इस बार जो बिल आया इस बिल में कम से कम तीन चार चेंजेस थे वो चेंजेस क्या क्या थे वो भी देख लेते हैं और चेंजेस क्यों थे ये भी समझ लेते हैं ये मैं जानता हूं कि क्लास बहुत मुश्किल हो रही होगी आप लोगों के लिए बहुत जटिल चीजें हैं लेकिन मुझे आप पर आपसे ज्यादा विश्वास है जितना भरोसा आपको अपने ऊपर है कि आप समझ सकते हैं उससे ज़्यादा मुझे आपके ऊपर है कि आप समझ सकते हैं जहां जहाँ दिक्कत आए जैसे एक आध घंटा हो गया होगा जहां जहाँ दिक्कत है वही करना है पॉज करना है थोड़ा ब्रेक लेना है चाय पीनी है झपकी मार लेनी है फिर लौट के आ जाना है कागज़ पेन सामने रख के उसके बाद ध्यान से एक एक पॉइंट को सुन के समझ के नोट कर लेना है मैं चाहता हूं कि इस क्लास के बाद इस देश का कोई भी नेता किसी भी पार्टी का नेता आपको बरगला ना सके मूर्ख ना बना सके और जब वो आपसे सी ए पर बात करे तो थोड़ी देर के बाद बैकफुट पे होगे पीछे जाता हुआ देखे आपकी बातों को सीधे ले ठीक से समझना है एक एक बात को समझना है एकदम पूरी ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता के साथ ये मुद्दा समझ में आना चाहिए ताकि आप किसी के साथ भी बात कर सके बहस नहीं बातचीत संवाद कर सके बहस करने से कुछ फायदा नहीं होता फायदा होता है बातचीत करने से पहला चेंज क्या किया सरकार ने पहला चेंज यह किया कि इस नए बिल में यह लिखा कि जो ये व्यक्ति हैं उनको जो नागरिकता मिलेगी जो सिटीजनशिप मिलेगी उन व्यक्तियों को वो भारत में उनकी जो डेट ऑफ एंट्री है उसी दिन से मिलेगी यानी कि बैक डेट से मिलेगी ये 2016 में प्रावधान नहीं था 2019 में यह प्रावधान भी आ गया अब एक तरीका है कि पहले मैं सारे चेंजेस बता दूं फिर एक एक करके समझाऊं एक एक साथ में समझते चलते हैं चलिए समझ लेते हैं साथ साथ ऐसा क्यों किया होगा देखिए ये करने की वजह क्या थी कि जैसे आप यूं समझे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 2010 में भारत में आया कोई परिवार आया और एक पुरुष है एक स्त्री है भारत में दो में अलग अलग परिवारों के हैं सिंपल एग्जाम्पल लीजिए मान लीजिए अफगानिस्तान से कई परिवार आए सिख परिवार आए वो भारत में हैं, आस पास ही रहते हैं उनमें से एक परिवार में एक लड़का है दूसरे परिवार में एक लड़की है उनकी शादी इन्होंने करवा दी भारत में ही ठीक है समाज की सहमति थी शादी हुई फिर इनके बच्चे हुए दो बच्चे हुए वो भारत में ही पैदा हुए अब मान लीजिए कि हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया होता तो उसके तहत ये जो माता पिता थे जो 2014 से पहले भारत में आ गए थे इनको नागरिकता मिल जाती लेकिन यदि नागरिकता इनको मिलती इस एक्ट के पास होने के बाद की डेट से समझ पा रहे हैं ना हाँ ध्यान से देखिए 2010 में एक लड़का परिवार के साथ आया एक लड़की अपने परिवार के साथ आई 2012 में इनकी शादी भारत में हो गई 2017 में मान लीजिए 16-17 में इनके बच्चे हुए दो बच्चे हुए ठीक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ मान लेते हैं सोलह वाले की बात कर रहा हूं वही एक्ट चल रहा था और उसके तहत यह हुआ कि इस एक्ट के पास होने के बाद हम बच हम लोगों को नागरिकता देंगे अब अगर वो एक्ट पास हो जाता तो 2014 से पहले आने वाले में ये जो थे लड़का लड़की जिनकी शादी हुई उनको नागरिकता मिल जाती पर नागरिकता मिलती किस तारीख से एक्ट पास होने की तारीख से 2019 से मिलती अब सवाल है कि 2010 से 2019 तक ये क्या थे इलीगल माइग्रेंट थे अवैध दो थे। 2019 में नागरिक हो गए भारत के अब हमारा सिटीजनशिप एक्ट कहता है 19 2003 वाले संशोधन के बाद से कहता है कि जिस बच्चे के माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या एक भारत का नागरिक है और दूसरा अवैध आप्रवासी नहीं है उन्हीं बच्चों को जन्म से भारत की नागरिकता मिलेगी अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हुआ हो, तो सरल भाषा में समझ लीजिए कि 2016 वाला बिल अगर पास हो जाता उससे उन्हें तो नागरिकता मिल जाती जो 2014 से पहले बाहर से आए थे पर उनके आने और नागरिक होने के बीच में यदि उनमें से किसी के बच्चे हुए हैं तो उन बच्चों को नागरिकता ना मिल पाती क्योंकि जिस समय वो बच्चे पैदा हुए उनके मां बाप इलीगल माइग्रेंट ही थे उस समय इसका एक ही उपाय था कि जिस दिन वो भारत आए थे उस दिन से उनको नागरिक मान लेंगे तो उसके बाद जब उनके बच्चे हुए भी होंगे तो वो भारत के नागरिकों के ही बच्चे थे तो बच्चों की नागरिकता का प्रश्न सॉल्व करने के लिए इस संशोधन को किया गया और मेरे ख्याल से ये ठीक ही किया गया ताकि ऐसा ना हो ना कि एक समस्या का समाधान करते करते दूसरी समस्या पैदा करते इसलिए जो नया एक्ट या बिल आया संसद में उसमें एक प्रावधान तो यह कर दिया गया कि नागरिकता इन लोगों को जो मिलेगी वो नागरिकता उनके भारत में प्रवेश की तारीख से ही मिलेगी न कि बाद की तारीख से मिलेगी एक तो ये प्रावधान कर दिया गया दूसरा यह था कि जो नागरिकता लेते हैं तो आपको पता होगा कि जो नेचुरलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है या देशीयकरण का जो प्रोसेस होता है मैंने पिछली क्लास में विस्तार में बताया था कि नेचुरलाइजेशन के लिए जरूरी है नॉर्मल केसेस में यदि कोई वैज्ञानिक है साहित्यकार है महान आदमी फिर तो बात अलग है सामान्य व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो बारह साल ग्यारह प्लस एक साल भारत में रहा हो कैसे रहा हो वीजा लेके रहा हो लॉन्ग टर्म स्टे की परमिशन लेकर रहा हो किसी तरह से रहा हो उसमें भी ये होता है कि चौदह साल में से ग्यारह साल रहा हो और पिछले एक साल में लगातार रहा हो कुल बारह साल भारत में रहना जरूरी होता है अब सरकार ने इस बिल में एक संशोधन यह कर दिया कि नेचुरलाइजेशन के लिए इन व्यक्तियों को जो भारत में रहने की न्यूनतम अवधि है वो फाइव प्लस वन ईयर्स होगी की ग्यारह प्लस एक होगी इसका मतलब देशीयकरण के लिए जो बारह साल रहने की कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी वो घटा के केवल छह साल कर दी गई पांच प्लस एक साल कर दी गई और ये भी इसलिए किया कि अगर कोई 2014 से एकदम पहले आया मान लीजिए अक्टूबर 2014 में आया है तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए उसको सात साल और वेट करना पड़े इस चीज से बचने के लिए 2014 की डेट को ध्यान रखते हुए यह प्रावधान किया गया ताकि 2020 आते आते उन सब व्यक्तियों को बेनिफिट मिल जाए जिनके पक्ष में ये कानून बनाया गया है ये परपज रहा होगा एक तीसरा जब ये लोग भारत में आए भाग के आए मान लीजिए भारत में इतना मौका नहीं था कि पासपोर्ट लेके आए वीजा लेके आए सरकार को बता के आए धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था जान बचाने के लिए रातों रात भागे और भारत में घुस गए अब घुस तो गए भारत में पर जब भारत में घुसे तो यहां फॉरेनर्स एक्ट भी लागू था यहां पासपोर्ट एक्ट भी लागू था और उन दोनों एक्ट्स के तहत एक लंबी पनिशमेंट पांच साल आठ साल तक की पनिशमेंट जेल में हो सकती थी अवैध रूप से देश में रहने की वजह से तो वैसे तो रूल्स पहले ही चेंज कर दिए थे 2015-16 में जिनका जिक्र मैंने किया लेकिन उनको थोड़ा सा और महत्व देने के लिए यह कर दिया कि ये जो व्यक्ति हैं जिनका जिक्र हुआ वही व्यक्ति यदि उन पर इलीगल माइग्रेशन या सिटीजनशिप से जुड़े किसी मामले में कोई केस चल रहा है यदि कोई केस चल रहा है उनके ऊपर केस बाकी नहीं मर्डर कर दिया चोरी कर दी वो केस चलते रहेंगे लेकिन यदि उनके ऊपर कोई केस चल रहा है इलीगल माइग्रेशन की वजह से या सिटीजनशिप से जुड़े हुए किसी मामले की वजह से ऐसे सारे केसेस इस एक्ट के लागू होने के बाद और उनको सिटीजनशिप मिलने के बाद रद्द हो जाएंगे उन्हें हम वहीं पर समाप्त कर देंगे वो केसेस कंटिन्यू नहीं होंगे ये प्रावधान कर दिया क्योंकि स्वाभाविक प्रावधान है कि जब आपने सिटीजनशिप दे दी तो सिटीजनशिप से जुड़े मामले केस चलाने की के जरूरत क्या है उन केसेस को खत्म कर ही देना चाहिए इन सब के साथ एक छोटा सा मामला जो ओवरसीज सिटीजन वाला है उसमें किया गया पर वो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ नहीं है था तो इसी बिल में लेकिन उसका जिक्र भी हम यहां पर नहीं करेंगे जो सबसे मेजर चेंज किया इन तीन के अलावा चौथा वो चेंज किया नॉर्थ ईस्ट के बारे में और नॉर्थ ईस्ट की पूरी समस्या को सॉल्व करने का एक प्रावधान निकाल दिया और इसलिए 2016 वाले बिल के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट में जितना हंगामा हुआ 2019 वाले बिल के खिलाफ नहीं हुआ हुआ भी तो थोड़ा सा मणिपुर में हुआ वो भी शुरू में हुआ थोड़ा सा त्रिपुरा में और असम में हुआ ठीक से बाकी सब राज्य शांत हुए मणिपुर भी शांत हो गया बाद में कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक प्रावधान कर दिया और वो ये कर दिया कि इस एक्ट का कोई भी प्रावधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिन क्षेत्रों पर सिक्स शेड्यूल छठी अनुसूची या आई एल पी आईएलपी क्या होता है आईएलपी होता है अगर आपने सुना हो तो असम और उसके बाद के बाकी राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश में जैसे नागालैंड में एक विशेष परमिट चाहिए होगा अगर आप वहां की यात्रा करना चाहें इनर लाइन परमिट कहते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है इनर लाइन परमिट मैं भी आपको समझाता हूं प्रावधान यह कर दिया कि इस एक्ट का कोई भी प्रावधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जिन क्षेत्रों पर सिक्स शेड्यूल या इनर लाइन परमिट के नियम लागू होते हैं अब बात ठीक से समझने के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट का नक्शा और फिर इन दोनों कंसेप्ट को समझना होगा उससे हमारा कंसेप्ट एकदम स्पष्ट हो जाएगा तो जरा देखते हैं किसका मतलब क्या है यह करके नॉर्थ ईस्ट के विरोध को लगभग पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया गया अब इस चित्र को तो मैं आपको दिखा दूंगा उस चित्र पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास करता हूं कि ये चीज क्या होती है पहले देखिए कि सिक्स शेड्यूल क्या होती है हमारे संविधान में आपको पता ही है कि अनुसूचियां हैं बहुत सारी जो शुरू में आठ थी फिर बढ़ते बढ़ते बारह हो चुकी हैं ठीक है उनमें से एक अनुसूची है छठी अनुसूची छठी अनुसूची का संबंध हमारे संविधान के एक ही आर्टिकल से है जो कि दो है और अगर संविधान का भाग देखना हो तो भाग दस भाग दस में एक ही आर्टिकल है दो उस आर्टिकल का संबंध इस अनुसूची से है जब संविधान सभा बनी थी तो संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी समितियां थी कमिटीज थी उनमें से एक कमेटी का नाम था बर्दलोई समिति और बार्दोलोई समिति का, का काम ये देखना था कि नॉर्थ ईस्ट के इन जो ट्राइबल एरियाज हैं इनके लिए विशेष प्रावधान क्या करें ताकि वो हमारे देश के संविधान के साथ एक पीसफुल रिलेशनशिप में आ सके क्योंकि उनका एक अलग सिस्टम चल रहा था सोशल सिस्टम चल रहा था इस समिति के रिकमेंडेशन के बेस पे हमारे संविधान में भाग दस को शामिल किया गया अनुच्छेद दो और छठी अनुसूची को इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो एरियाज़ इस अनुसूची में शामिल होते हैं ना उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड एरियाज शेड्यूल्ड एरियाज़ ठीक है और शेड्यूल्ड एरियाज कौन कौन से होंगे यह काम तो केंद्र के हाथ में होता है लेकिन शेड्यूल्ड एरिया जो होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है कुछ वो प्रावधान क्या क्या है इन शेड्यूल्स एरिया में आमतौर पर क्या होता है कुछ जिले होते हैं कुछ जिलों के अंदर के क्षेत्र होते हैं अगर कोई जिला है तो उसको बोलते हैं एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्वायत्त शासित जिला परिषद तो जिला होगा डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पर गवर्नेंस के लिए प्रशासन के लिए एक परिषद बनती है उस परिषद के इलेक्शन होते हैं बाकायदा उस परिषद को बोलते हैं एडीसी कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि जिला नहीं है जिले का क्षेत्र है तो उसको ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बोल देते हैं ए कहते हैं और मुख्य प्रावधान जो है वो एडीसी का है और जो एडीसी होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस एडीसी के पास अधिकार होते हैं किस तरह है के कि? इसके पास कुछ अधिकार होते हैं लेजिस्लेटिव कुछ होते हैं एग्जीक्यूटिव कुछ होते हैं जुडिशियल यानी उस जिले के कानून क्या होंगे उस जिले में कानून कैसे चलेंगे उस जिले के कानूनों को लेकर जो व्याख्याएं होंगी वो तो कुछ मामलों में जो कोर्ट के केसेस होंगे इनको फाइनल करने का अधिकार एडीसी के पास होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास होता है और कुछ विशेष मामलों में जो अधिकार इनको दिया गया है उन मामलों में संसद और राज्य विधान मंडल के कानून भी इन पर सीधे लागू नहीं होते हैं ये उनको एक ऑटोनॉमी मिली हुई है स्वायत्तता मिली हुई है इसको बोलते हैं छठी अनुसूची के क्षेत्र पूरी बात का सार बताना हो अगर वो ये कि जो क्षेत्र हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि छठी अनुसूची का क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो जिला होगा उस जिले को बोलेंगे मतलब जिला तो जिला ही उस जिले में जो गवर्नेंस चलाएगी संस्था उसका नाम होगा एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो काउंसिल उस जिले के संबंध में कुछ मामलों में जो संविधान में लिखे हुए हैं वहां के विधायी वहां के कार्यपालिका संबंधी और वहां के न्यायिक लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल फंक्शन को तय करेगी और इस मामले में संसद और राज्य की विधानमंडल जो राज्य का स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसे कंट्रोल नहीं करेगा यह ऑटोनॉमी उनको दी गई है अब 2019 के सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि सी ए ए उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जहां पर सिक्स शेड्यूल है वहां लागू ही नहीं होगा तो सिक्स शेड्यूल कहां कहां है एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमारे देश में कुछ और भी इलाके हैं जहां पर ADCs हैं लेकिन वो सिक्स शेड्यूल से नहीं है वो राज्यों के प्रावधानों से या अन्य तरीकों से है छठी अनुसूची फिलहाल जहां लागू होती है वो चार राज्य हैं। उनमें से एक राज्य का नाम है असम पूरा असम नहीं असम का कुछ हिस्सा एक राज्य है त्रिपुरा एक राज्य है मिजोरम अभी आपको नक्शा दिखाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा और चौथा राज्य है मेघालय मेघालय ठीक इन चार राज्यों में कुछ एडीसीज़ हैं कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जिन ट्राइबल एरियाज़ पर सीएए लागू नहीं होगा तो समझे जरा असम जो है असम के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्रफल ऐसा है जहां पर एडीसी काम करती हैं और तीन एडीसीज हैं कुल मिलाकर असम में एक है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बोडोलैंड में भी आपको दिखाऊंगा ये बोडो एक समुदाय है जिस समुदाय ने अपना एक जिला जिसको हमने दिया हुआ है वहां पर कानून मोटे तौर पर उसके अपने चलते हैं एक दूसरा नाम आपने सुना होगा दीमा हसाओ उसका नाम है दीमा हसाओ एक जमाने में एक जगह है थी जिसको कछार साम्राज्य कहते थे उसी का जो नया नाम है वो है दीमा हसाओ और एक तीसरा है जिसको कार्बी आंगलोंग या आंगलोंग कहते हैं कार्बी आंगलोंग तो जब भी आप असम की बात करें तो ध्यान रखना है कि असम में तीन ऐसे इलाके हैं एक है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एक है दीमा हसाव एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन सब के आगे आप एडीसी लगा देंगे तो बात और स्पष्ट हो जाएगी एडीसी ये भी एडीसी है ठीक है और तीसरा है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फिलहाल असम में ये तीन ऐसी काउंसिल्स हैं जिनको ये अधिकार मिला हुआ है त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में एक ही ऐसा जिला है किंतु वो सत्तर प्रतिशत से ज्यादा त्रिपुरा की आबादी को कवर कर लेता है या क्षेत्रफल को कवर करता है आबादी को नहीं क्षेत्रफल कवर करता है और उस एक जिले का नाम त्रिपुरा नाम से ये त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरा जनजाति आदिवासी एडीसी या त्रिपुरा ट्राइबल एडीसी दोनों नाम इसे चलते हैं तो असम में 30 प्रतिशत इलाका ऐसा है जो सिक्स शेड्यूल में आता है यानी इस इलाके में सी ए ए लागू नहीं होगा यानी इस इलाके के अंदर यदि कोई व्यक्ति है जो 2014 से पहले भारत में आ गया था हिंदू है सिख है जैन है बौद्ध है इन्हीं तीन देशों से उत्पीड़ित धार्मिक उत्पीड़न की वजह से आया है उसको नागरिकता नहीं मिलेगी अगर उसको भारत की नागरिकता चाहिए उसको सबसे पहले इन इलाकों को छोड़ना पड़ेगा इन इलाकों में रहने वालों को यह बेनिफिट नहीं मिलेगा ऐसे त्रिपुरा में सत्तर प्रतिशत इलाका है जिसको फ्री कर दिया गया कि यहां नहीं मिलेगा मिजोरम जो है मिजोरम की लगभग पूरा हिस्सा ही मान लीजिए क्योंकि ये आईएलपी में भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है मिजोरम में तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम एडीसी में काउंट करते हैं ये आप मतलब जो क्षेत्रफल है बहुत ज्यादा कवर नहीं करते लेकिन मिजोरम को एक छूट और है मैं भी आपको समझाऊंगा मिजोरम में जो तीन क्षेत्र आते हैं उनमें से एक का नाम है चकमा चकमा आगे क्या लगा देंगे एडीसी लगा देंगे चकमा एडीसी तो चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चकमा दरअसल बांग्लादेश के बुद्धिस्ट लोग हैं जो चितगांव नाम की जगह पर थे वो भारत में माइग्रेशन उन्नीस के आसपास किया था और कुछ चकमा भारत के मूल रूप से त्रिपुरा के भी हैं चकमा के बाद एक आती है लई नाम का एल ए आई लई ए डी सी और एक है मारा एम ए आर ए एडीसी तो चकमा लई और मारा मिजोरम में तीन ऐसे क्षेत्र हैं जनजातीय क्षेत्र हैं ट्राइबल एरियाज हैं जिनकी अपनी अपनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं इन तीन के बारे में यह हुआ कि इन पर भी सी ए लागू नहीं होगा फिर है मेघालय मेघालय में भी तीन हैं इनमें से एक है गारो गारो सुनते ही आपको बचपन की बात याद आ रही होगी दूसरा है खासी और तीसरा कौन सा है जयंतिया है गारो खासी और जयंतिया हिल्स पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो जो गारो में है तो गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जयंतिया में जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये सिस्टम है मेघालय का लगभग 100 प्रतिशत तो इलाका अगर आप मेघालय में केवल और केवल शिलोंग को छोड़ दें तो मेघालय में शिलोंग को छोड़कर 100 प्रतिशत इलाका आ जाता है एडीसीज में एक्सेप्ट शिलोंग पूरा मेघालय इसमें कवर हो जाता है अगर मैं आपको ये कहूं कि नॉर्थ ईस्ट के चार राज्यों में से असम का 30 प्रतिशत क्षेत्र सिक्स शेड्यूल में है त्रिपुरा का 70 प्रतिशत मैं नक्शे भी दिखाऊंगा अभी आप लोगों को मिजोरम का थोड़ा सा क्षेत्र है और मेघालय का लगभग पूरा क्षेत्र है जो आ जाता है सिक्स शेड्यूल में यानी इतने हिस्से पर सी ए ए लागू नहीं होगा यह प्रावधान किया गया अब इसी में हम थोड़ा सा समझते हैं कि आई क्या होता है तो इससे कंसेप्ट आपका और स्पष्ट हो जाएगा आई एल पी के फोर फॉर्म में आपको बता चुका हूं यह होती है इनर लाइन परमिट तो क्या है आई एल्पी? अब देखिए क्या है पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि 1826 आते आते अठारह चौबीस छब्बीस के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया बर्मा के साथ एंग्लो बर्मीज युद्ध हुआ उसी युद्ध में असम का बड़ा इलाका मणिपुर का बड़ा इलाका अंग्रेजों को मिला और जब अंग्रेजों को मिला तो अंग्रेजों ने उस इलाके को बंगाल का ही हिस्सा बना दिया तो यूं समझ लें कि शुरू में जो बंगाल था उस बंगाल में आज का वेस्ट बंगाल भी शामिल था उसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल था और उसी बंगाल में जो असम का इलाका था मणिपुर का इलाका था मणिपुर शुरू से ही एक स्पेशल स्टेटस के साथ भारत में रहा है ठीक है तो आज का पूरा वेस्ट बंगाल आज का पूरा बांग्लादेश आज का पूरा का पूरा असम मणिपुर यह सारा इलाका बंगाल में ही था पर उस ब्रिटिश सरकार को समझ में आ रहा था कि बंगाल के आगे जैसे ही बढ़ते हैं असम की तरफ वहां ट्राइबल बेल्ट है और ट्राइबल बेल्ट में अगर जनजातियों को कुछ सुरक्षा नहीं प्रदान की तो उनके ऊपर जनसंख्या का आक्रमण हो जाएगा बड़े पैमाने पर और जो असम की दुर्दशा हो रही थी वही दुर्दशा आगे और बढ़ेगी ये तनाव उनको भी था तो उन्होंने क्या किया अठारह में अठारह तक आते आते उनको समझ में आ गया था कि कुछ विशेष प्रावधान हमें करने होंगे और 1873 में एक विशेष रेगुलेशंस वो लेकर आए और जो रेगुलेशन लेके आए उसको बोलते हैं द बंगाल इसका जिक्र आप आजकल अखबारों में शायद पढ़ रहे होंगे द बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशंस इसको बोलते हैं द बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशंस इनको बोलते हैं ठीक है इन रेगुलेशंस के तहत एक व्यवस्था की गई थी वो ये थी कि यदि कोई बंगाल के इन क्षेत्रों में जाना चाहेगा कौन से क्षेत्र बंगाल के ये जो ट्राइबल बेल्ट थी ट्राइबल इलाके थे उन क्षेत्रों में जाने के लिए एक परमिट की जरूरत कर दी गई जिसका नाम था इनर लाइन परमिट और इनर लाइन परमिट का मतलब यह था कि देश के ही भीतर राज्य के ही भीतर किंतु उन इलाकों में जाने के लिए वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं उनसे परमिशन लेनी होगी जिसको बोलते थे आईएलपी एल ये व्यवस्था उसके बाद भी अंग्रेजों के जाने के बाद भी चलती रही है और यदि मैं आपको यह बताऊं कि आईएलपी का फायदा या आईएलपी की व्यवस्था कौन कौन से राज्यों में चल रही है तो उससे थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और स्पष्ट हो जाएगा आई एल पी कहां चलता है एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश अगर मैं उसको संक्षेप में ऐसे लिख दूं पूरा अरुणाचल प्रदेश 100 प्रतिशत सौ प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश आईएलपी में आता है एक राज्य है जो एक तरह से उन्नीस में असम से अलग हुआ उसका नाम है नागालैंड नागालैंड में केवल एक जिला अगर छोड़ दें दीमापुर तो ये पूरा का पूरा राज्य भी आईएलपी के अंतर्गत कवर होता है और तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या हुआ अगर आप नागालैंड जाना चाहते हैं तो नागालैंड की सरकार से आपको आई लेना होगा इनर लाइन परमिट लेना होगा एक ट्रैवल परमिशन है कि अगर आप घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं कोई मना नहीं करेगा लेकिन आप भारत के नागरिक हैं आपको आई लेके जाना होगा सरकार परमिशन देगी कुछ निश्चित अवधि के लिए दस दिन के आसपास आठ दस दिन के लिए आप घूमिए धूमधाम से घूमिए लौट किया जाइए वहाँ बस नहीं सकते और यदि आप देखेंगे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 19 है जिसमें कहा है ना कि भारत के नागरिकों को स्वाधीनताएँ कौन कौन सी आप कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी बस सकते हैं तो 19 वन के जो डी और ई e में स्वाधीनता है जिसका मतलब है आप देश में आबाद संचरण कर सकते हैं कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी बस सकते हैं उसके जो जुडी उसके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आर्टिकल नाइनटीन में हैं उसमें लिखा हुआ है कि जनजातियों के हित में इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है उसी का प्रयोग यहां पर किया जाता है अंडमान में भी करते हैं क्योंकि वहां जैसे जारवे जनजाति है तो वहां जाके रहना घूमना प्रतिबंधित है क्योंकि जनजातियों की अपनी सुरक्षा का सवाल है स्मिता का सवाल है अरुणाचल तो प्रदेश भी हो गया नागालैंड भी हो गया एक तीसरा राज्य है मिजोरम मिजोरम भी 100 प्रतिशत कवर्ड है आईएलपी से और इसका सार ये निकला कि इन तीन राज्यों में इन तीन राज्यों के सरकारों की परमिशन के बिना कोई वहां पर ट्रेवल कर ही नहीं सकता चाहे देश का व्यक्ति हो विदेशी का तो मतलब ही नहीं देश का व्यक्ति भी ट्रेवल नहीं कर सकता और भारत सरकार ने 2019 के सी में ये लिखवा दिया कि जिन इलाकों में आई लागू होता है या जिन इलाकों में सिक्स शेड्यूल के नियम लागू होते हैं उन इलाकों पर सी ए ए लागू नहीं होगा दिमाग का दही हो गया होगा इस समय तक आते आते धुआं निकल रहा होगा कानों से दिमाग में आग लग गई होगी इस समय तक टॉपिक ऐसा है, क्या करें है ना थोड़ा सा एक दो मिनट आराम कर लीजिए फिर लौट के आइए तब तक पॉज कीजिए फिर आगे प्ले कर दीजिएगा अब समझना है कि नॉर्थ ईस्ट को इस सरकार ने कैसे मैनेज किया मैंने आपको एक बेसिक सिस्टम समझाया ताकि प्रावधान आपको समझ में आ जाए अब इसके ऊपर हम समझ सकते हैं कि इस चीज को मैनेज कैसे किया गया ठीक है देखिए कैसे मैनेज किया नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को तो कोई दिक्कत थी नहीं मैं सिक्किम को काट देता हूं दिक्कत किस किस को थी इन सब राज्यों को दिक्कत थी जैसी सरकार ने लिखा कि सी ए ए के प्रावधान उन राज्यों पर लागू नहीं होंगे जो आई एल पी वाले राज्य हैं इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा सी ए से फ्री हो गया आई एल पी से फ्री हो गया तो अरुणाचल प्रदेश में विरोध जो पहले था वो खत्म हो गया अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने सोचा कि हमें क्या फर्क पड़ता है बाहर में जा बाकी लोग कम से कम हम तो फ्री हो गए से फिर आई के नियम आपको मैंने बताया था कि मिजोरम में भी लागू होते हैं पूरी तरह से तो मिजोरम भी इससे आई से फ्री हो गया तो मिजोरम में भी इस वाले 2019 वाले बिल को लेकर बहुत विरोध नहीं हुआ इक्का दुक्का हुआ छोटा मोटा हुआ उसकी अलग वजह है लेकिन खास नहीं हुआ नागालैंड में भी आपको पता है कि आई लागू होता है लेकिन दीमापुर में लागू नहीं होता था तो नागालैंड के बारे में एक नया प्रावधान आ गया कि दीमापुर पर भी आईएलपी के नियम लागू होंगे तो बात खत्म हो गई यानी आईएलपी के सिस्टम ने तीन राज्यों को फ्री कर दिया एकदम फ्री कर दिया जो छठी अनुसूची का मामला था अगर मैं सिक्स शेड्यूल की बात करूं ये जो त्रिपुरा है अगर आप त्रिपुरा राज्य को ठीक से देख पा रहे हैं तो त्रिपुरा में जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ इलाका है थोड़ा सा वो छोड़ दीजिए लगभग इतना छोड़ दीजिए और ये जो बाकी पूरा त्रिपुरा है सत्तर प्रतिशत इस त्रिपुरा पे लागू होता है सिक्स शेड्यूल का इलाका जिसको मैंने कहा था त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो सत्तर प्रतिशत त्रिपुरा क्योंकि पहले से सिक्स शेड्यूल में है तो त्रिपुरा में बहुत हंगामा नहीं हुआ हाँ ये जो बॉर्डर वाला इलाका है इसको लेके नाराजगी है कि पश्चिम मतलब बांग्लादेश के बहुत सारे लोग यहां पर आ गए हैं और बंगाली लोगों ने हमारे यहाँ संसाधनों पर कब्जा कर लिया वहां ये मूवमेंट रहता है लेकिन क्योंकि त्रिपुरा का बहुत बड़ा इलाका पहले से फ्री था तो उसको इस बात से बहुत तनाव नहीं था छठी अनुसूची का फायदा उसको मिल गया अब जो राज्य बचा एक राज्य बचा मेघालय एक बचा मणिपुर फिर असम मेघालय जो है अगर आप मेघालय के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं मेघालय का नक्शा कैसे समझें ये जो मेघालय है उसे तीन हिस्से कर लीजिए एक हिस्सा कर लीजिए इतना एक हिस्सा कर लीजिए इतना और तीसरा ये है ये जो पहला हिस्सा है ये गारो है दूसरा खासी तीसरा जयंती है खासी में ही एक जो शिलोंग का इलाका है वो भी आता है तो मेघालय का सौ प्रतिशत इलाका केवल शिलोंग को छोड़ के छठी अनुसूची में शामिल है और क्योंकि छठी अनुसूची में सी ए ए लागू होना ही नहीं है इसलिए मेघालय में भी कोई खास विरोध नहीं हुआ सरकार ने मैनेज कर लिया एक तीसरा राज्य जो भी बचा हुआ है हमारी रेंज से वो है मणिपुर मिजोरम के बारे में एक बात मैं आपको और समझा दूं कि मिजोरम का जो नीचे का इलाका है ना ये मैं एक बार इसको मिटा के आपको समझाता हूं ये जो इलाका है मिजोरम का इस इलाके में वो तीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है मिजोरम में जिनका मैं नाम बताया था चकमा मारा और लई तो इन इलाकों पर छठे अनुसूची के नियम लागू होते हैं और क्योंकि मिजोरम पूरा का पूरा आईएलपी में आ ही जाता है तो मिजोरम में तो दोनों तरह की सुरक्षाएं हैं इसलिए मिजोरम में दिक्कत होनी नहीं थी अब बचा कौन सा राज्य एक बच गया असम एक बचा मणिपुर असम के नक्शे को जरा गौर से देखिए तो असम के भी आपको कहानी समझ में आएगी असम में क्या स्थिति है अगर मैं इन सबको मिटा के सीधे असम को हाईलाइट करूं तो समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा देखिए असम की स्थिति क्या है ये असम का पूरा नक्शा है यहां से यहां तक अगर इस इलाके को इतना करीब हम देखें ये जो इलाका है ये इलाका कहलाता है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल छठी अनुसूची में जो तीन क्षेत्र में आते हैं उनमें से एक क्षेत्र ये वाला है फिर जहां मेघालय खत्म हो रहा है यदि आप उसके साथ के इलाके को ऐसे जोड़ दें यह जो इलाका है ये इलाका है दीमा हसाओ यह भी एक छठी अनुसूची का इलाका है सिक्स शेड्यूल का है और इसके ऊपर का इलाका अगर यह वाला काउंट कर लेंगे तो इसको बोलते हैं सॉरी uh, कार्बी ऑंगलोंग का इलाका जो कि अपने आप में एक छठी अनुसूची का इलाका है ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि असम का भी थोड़ा सा इलाका छठी अनुसूची में आ जाता है लेकिन वो इलाका कितना है आप नक्शे में देख रहे हैं असम में एक तो ये इलाका है एक ये है एक ये है लेकिन बाकी सारा जो असम में सत्तर प्रतिशत वो थोड़ा सा ये इलाका ये बचा हुआ है एक राज्य बचा हुआ है और वो राज्य है मणिपुर क्योंकि मणिपुर न आई में आता है ना छठी अनुसूची में आता है मणिपुर में भी एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है सदर उसको बोलते हैं लेकिन वो संविधान की छठी अनुसूची से ना होकर मणिपुर के अपने कानून के तहत है तो मणिपुर में हंगामा बहुत ज्यादा होने वाला था इस बात को लेकर तो जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह उनको लग गया कि मणिपुर और मणिपुर में सरकार किसकी है एन की ही है या एन ई नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायस की है वीरेंद्र सिंह जो सी एम है मणिपुर में हंगामा ना हो इसलिए एक काम किया गया जिस दिन सी पास हुआ उसी दिन पहले मणिपुर सरकार को प्रॉमिस किया जा चुका था उसी दिन केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन जारी करके पूरे के पूरे मणिपुर को भी आईएलपी एल रिजीम का हिस्सा बना दिया यानी मणिपुर पर भी आईएलपी लागू हो गया जिसका मतलब है कि अब आप मणिपुर तभी जा सकेंगे जब मणिपुर की सरकार आपको ट्रेवल की परमिशन देगी एक तरह से वीजा देगी टूरिस्ट वीजा देगी सात दिनों का दस दिनों का उसके बाद जा सकेंगे अब देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट एक साथ देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश सौ प्रतिशत आई का हिस्सा है नागालैंड दीमापुर छोड़ के सारा आईएलपी में था दीमापुर को आईएलपी में ले में लेके आ गए हैं तो नागालैंड सेफ हो गया मणिपुर ना आईएलपी में था ना छठी अनुसूची में था लेकिन मणिपुर को पूरा का पूरा आईएलपी में ले में लेके आ गई सरकार क्योंकि वरना वहां हंगामा हो जाता मिजोरम पूरा आईएलपी में भी है और मिजोरम का थोड़ा सा हिस्सा छठी अनुसूची में भी है तो मिजोरम भी सेफ है इसका मतलब ये जो बर्मा का बॉर्डर है उस तरफ पूरा का पूरा जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे सौ प्रतिशत सेफ हो गए इसलिए इन चारों राज्यों में कोई हंगामा नहीं होगा मेघालय का सौ प्रतिशत हिस्सा छठी अनुसूची में आता है केवल शिलोंग छोड़ के और शिलोंग राजधानी है तो उसको लेके बहुत दिक्कत वहां पर वैसे भी नहीं होती है उनको तो और वो चाहेंगे तो उसको भी ले आएंगे आगे चल के रिक्वेस्ट करके तो मेघालय में भी दिक्कत नहीं हुई त्रिपुरा में सत्तर प्रतिशत इलाका छठ अनुसूची में आता है इसलिए त्रिपुरा में भी खास दिक्कत नहीं हुई वहां भी एनडीए की सरकार है तो उन्होंने मैनेज कर लिया तीस प्रतिशत में है तो वहां इस समय मूवमेंट चल रहा है कि बंगाल के लोगों को वापस भेजेंगे तो वहां ये मूवमेंट चल रहा है भी जो असम में भी चल रहा है दिक्कत बची केवल असम में इसलिए आप देखेंगे 2019 का जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया तो हंगामा मुख्य रूप से दो ही राज्यों में हुआ एक असम और एक त्रिपुरा त्रिपुरा का तीस प्रतिशत क्षेत्र जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है वो प्रभावित है और असम में इन तीन एडीसी को छोड़ दें तो सत्तर प्रतिशत असम ऐसा है जिसे सी से सुरक्षा नहीं मिलेगी और ध्यान रखना है कि मूल संकट असम का ही था असम में इसलिए और विरोध हुआ क्योंकि असम समझौता 1985 में हुआ वो कहता था कि उन्नीस के बाद जितने लोग आए उनको भेजेंगे बांग्लादेश और 2019 का सी कहता है कि 2014 के 31 दिसंबर तक जितने लोग असम में आए हैं उनमें से केवल उनको जो मुसलमान हैं वापस भेजा जाएगा बाकियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है और इसका मतलब यह हुआ कि असम की संस्कृति पर जो खतरा विदेशी आप्रवास की वजह से हुआ अब इस एक्ट की वजह से वो खतरा स्थायी हो गया और अभी तय हो गया कि वो लोग यहीं रहने वाले हैं उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था नहीं होगी वापस केवल उन्हें भेजेंगे जो मुसलमान होंगे बाकी को नागरिकता यहां की मिल ही जाएगी इस वजह से असम काफी नाराज है और असम की नाराजगी का ही परिणाम है जो आगे आपको समझ में आएगा कि सरकार क्यों इस पर एक कदम आगे बढ़ाती है और उसके बाद एक कदम पीछे खींच लेती है इसका पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा मुझे उम्मीद है कि सी ए ए क्या है आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे और हमने बहुत विस्तार में बात कर ली है किसी प्रकार के कन्फ्यूजन का कोई स्कोप यहां तक मेरे ख्याल से बचा नहीं होगा स्पष्ट हो ही होगा अब देखना यह है कि सी ए ए लागू कब से होगा जब सी ए भारत सरकार लेके आई तो कितना उस समय सरकार लग रहा था कि एकदम इस मुद्रा में है कि इसको तुरंत करना ही करना है कितनी स्पीड से काम हुआ 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में बिल आया उसी दिन पास हुआ तुरंत अगले दिन बिल राज्यसभा में गया और उसी दिन राज्यसभा में पास हो गया राज्यसभा में बहुमत नहीं है एनडीए के पास किंतु तो बहुमत मैनेज हो गया कुछ पार्टियों से सहमति बन गई समझौता हो गया तो पास हो गया राष्ट्रपति इस पार्टी के साथ एक अच्छे संबंध में है ही उस पार्टी से ही जुड़े हैं तो वहां से भी विरोध नहीं हुआ अगले दिन राष्ट्रपति ने भी अपनी जो एसेंट होती है परमिशन दे दी और होम मिनिस्ट्री ने उसका निकाल दिया नोटिफिकेशन जो गजट नोटिफिकेशन होता है ना गजट नोटिफिकेशन के बाद ही कोई डॉक्यूमेंट फाइनल माना जाता है और उसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने लिखा कि यह एक्ट 10 जनवरी 2020 से लागू होगा एक सेंस में यह एक्ट लागू हो चुका है एक सेंस में नहीं हुआ है किस सेंस में नहीं हुआ है देखिए एक्ट लागू होने के लिए जरूरी होता है कि उसके रूल्स स्पष्ट हों। और हर एक्ट में ना एक अंतिम जो सेक्शन होता है उसका लास्ट या सेकेंड लास्ट सेक्शन उसमें लिखा होता है कि इस एक्ट के तहत सरकार के पास केंद्र सरकार के पास रूल्स बनाने की शक्ति होगी रूल्स बनाने की शक्ति आमतौर पर उस मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों को दी जाती है जो बिजनेस कंडक्ट रूल्स है भारत सरकार के उसके तहत दी जाती है यह शक्ति होम मिनिस्ट्री के पास है तो इसका मतलब यह है इफेक्टिवली इसको लागू करने के लिए रूल्स बनाने की जरूरत थी और रूल्स बनाने थे होम मिनिस्ट्री को एमएचए को मिनिस्ट्री ऑफ होम बोलते हैं। सामान्यतः है, रूल्स बनाने के लिए छह महीने का टाइम मिलता है और इसका मतलब यह हुआ कि 10 जनवरी को अगर एक्ट लागू हुआ तो 10 जुलाई तक रूल्स बन जाने चाहिए थे इसका मतलब यह हुआ लेकिन रूल्स अभी तक आज जब मैं बात कर रहा हूं नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है दो में और अभी तक रूल्स नहीं बने हैं जब तक रूल्स बनेंगे नहीं तब तक सी ए प्रैक्टिकली अप्लाई हो नहीं पाएगा तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि रूल्स अभी तक क्यों नहीं बने हैं क्यों नहीं बने रूल्स तो रूल्स क्यों नहीं बने इसका एक उत्तर तो वो है जो सरकार आमतौर पर देती है और जो उत्तर सरकार देती है वो उत्तर ये है कि क्योंकि इस समय कोविड उन्नीस की वजह से स्थितियां थोड़ी जटिल हैं तो होम मिनिस्ट्री के पास जो स्टाफ है काम करने वाले लोग हैं वो बाकी चीज़ों में ज्यादा व्यस्त हैं इस पेंडेमिक या महामारी से निपटने में ज्यादा व्यस्त हैं इस समय वो समय निकाल नहीं पा रहे इस काम के लिए ये वजह बताई जा रही है वो ये वजह है पर कहने वाले कहते हैं कि इसकी वजह केवल ये ना हो कुछ और वजह भी है और वजह क्या हो सकती है जो पॉलिटिकल एंगल है वो कहता है कि इसकी दो वजह है एक वजह है असम और असम में 2021 में अप्रैल महीने में चुनाव होने वाले हैं ध्यान रखना 2016 में सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी की तरफ से वहां के सीएम बने हैं अब इक्कीस में फिर चुनाव होने वाला है असम इस समय भयानक रूप से नाराज है नॉर्थ ईस्ट के बाकी सब राज्य सेटिस्फाई हो गए असम तो इस बात से परेशान है कि बाकी सब राज्यों को बाहर निकालने का मतलब यह भी हुआ कि उन राज्यों में जो शरणार्थी रह रहे होंगे उनको नागरिकता वहां तो मिलेगी नहीं वो और छोड़कर असम में आ जाएंगे असम का संकट तो सी ए से कम होने के बजाय बढ़ गया है यह असम में कई लोग महसूस करते हैं जो असम के मूल निवासी हैं उनको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं था उनको मतलब था जो गैर असमी लोग हैं उनको बाहर भेजा जाए सी ए ने गैर असमी लोगों में से कम से कम पचास साठ सत्तर प्रतिशत को भारत में स्थायी रूप से रहने की परमिशन दे दी है तो असम के मूल लोग भड़के हुए हैं असम के मुसलमान इस बात से भड़के हुए हैं कि हमारे खिलाफ क्यों टारगेट कर रहे हैं तो वो तो बीजेपी के वोट बैंक पहले भी नहीं थे अब भी नहीं है बीजेपी का टारगेट था कि जो असम के हिंदू बंगाली हैं जो आए हैं बांग्लादेश से उनको हम अगर भारत में नागरिकता प्रदान कर देंगे तो वो एक हमारा बड़ा वोट बैंक बन सकता है जिनके लिए सी ए ए लाया भी गया है लेकिन जब असम में हाल में एनआरसी हुआ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप हुआ उस एनआरसी में जो 19 लाख लोग बाहर निकले हैं उन 19 लाख में से लगभग 12 लाख लोग ऐसे हैं जो गैर मुसलमान है यानी कि हिंदू हैं सामान्यता इस वजह से असम के हिंदू वोटर्स भी इस समय नाराज है कि ये एनआरसी का जो पूरा प्रोसेस था हमारे पक्ष में होना चाहिए था वो तो हमारे खिलाफ चला गया इसलिए नॉन बीजेपी पार्टीज कह रही हैं कि रूल्स बनाने में समय इतना थोड़ा लगता है जो सरकार एक्ट बना सकती है इतना जल्दबाजी में रूल्स में क्यों टाइम लग रहा है रूल्स बनाने के लिए कुछ लीगल समझ के अफसर लोग ऐसे तो फ्री होंगे ही पैंडेमिक में ऐसा तो थोड़ा पूरा उसी में लग गई है तो दिक्कत कोविड नाइनटीन की नहीं है दिक्कत असम के चुनाव की है एक बार असम का चुनाव निपट जाए उसके बाद रूल्स लेके आए शायद ये सोच इस समय सरकार के मन में है एक कारण ये और कुछ लोग कहते कि नहीं इसका एक दूसरा कारण भी है दूसरा कारण क्या है जब किसी एक्ट के तहत तो रूल्स बनाते हैं तो उन रूल्स के लिए जरूरी है कि वो एक्ट से सुसंगत हों। रूल्स अपने आप में विधायिका का काम है क्योंकि वो एक्ट को ही जस्टिफाई करते हैं और रूल्स बनाती है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं तो विधायिका का, का काम कार्यपालिका न करे और करे तो विधायिका के अंडर ही करे इसलिए एक समिति होती है उस समिति को बोलते हैं कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अधीनस्थ विधायन समिति कहते हैं यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा है इसके बारे में इस समिति का काम क्या है इसका काम यह देखना है कि किसी एक्ट के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं वो रूल्स उस एक्ट से सुसंगत हैं या नहीं ये कमेटी अगर रूल्स पे आक्षेप लगा दे तो सरकार पर दबाव बन जाता है और वैसे भी जब भी रूल्स बनते हैं ना उसको संसद में रखना जरूरी होता है संसद से पास करवाना होता है उन रूल्स को भी वर्तमान स्थिति यह है कि जो कमेटी ऑन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन है ये लोकसभा में भी होती है राज्यसभा में भी होती है लोकसभा की कमेटी ऑफ सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन में इस समय बीजेपी बहुमत में नहीं है ना इसके अध्यक्ष बीजेपी के हैं वाईएसआर कांग्रेस के व्यक्ति हैं और वाईएसआर कांग्रेस ने सीए का समर्थन किया था पर उसके बाद से विरोध की मुद्रा में है और इसका मतलब यह हुआ कि इस कमेटी में एक तो बहुमत नहीं है दूसरा इस कमेटी के अध्यक्ष भी विपक्ष में है तो शायद इसलिए रूल्स लाने में देरी हो रही है ताकि पहले इस कमेटी का जो कंपोजिशन है वो हमारे पक्ष में आ जाए और इसलिए सी ए के नाम पर कितना भी हंगामा हो रहा हो सच ये है कि अभी सी ए ए प्रैक्टिकली लागू हुआ नहीं है और ना ही बहुत जल्दी प्रैक्टिकली लागू होने वाला है वो तब लागू होगा जब रूल्स आएंगे और सारा का सारा पेज रूल्स में है जब तक वो रूल्स सामने ना आए तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी मूर्खता होगी जिससे हमें बचना चाहिए सब पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करते हैं कि जब सी ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठेंगे संवैधानिकता का सवाल उठेगा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का सवाल उठेगा तो क्या सी ए सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा क्योंकि अब सबके निगाह इसी बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है जैसे ही सी ए दोनों सदनों से पास हुआ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन निकाला कि 10 जनवरी से लागू होगा उसी समय बहुत सारी पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और उन पिटिशंस में से अधिकांश का आर्गुमेंट ये था कि सी मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है सी ए ए की जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए आपको पता है कि हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 13 के तहत ये प्रावधान है कि यदि कोई भी कानून संसद बनाती है या राज्य बनाता है और यदि वो कानून मूल अधिकारों के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके उन कानूनों को खारिज कर सकता है अनुच्छेद तेरह बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में हमारे संविधान का है उसके तहत बहुत सारी जो पिटिशन्स सुप्रीम कोर्ट के पास गई उन पिटिशन्स की संख्या 125 के आसपास थी जब वो एक साथ पहुंची और स्वाभाविक था कि मामला भी थोड़ा महत्वपूर्ण था ही तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी जिस बेंच में तीन जजेस थे और उन तीन जजेस ने जिनमें से एक तो हमारे चीफ जस्टिस थे और बाकी दो जजेज और भी थे इन तीन जजेस की बेंच ने इन सारे के सारे मामलों को एक साथ लेकर इनकी सुनवाई की जो सबसे पहले डिमांड थी पिटिशनर्स की पिटिशनर्स की डिमांड थी कि सबसे पहले उनको स्टे चाहिए स्टे का मतलब यह होता है कि ये कानून लागू न हो इसके कानून के लागू होने पर रोक लगा दी जाए ये डिमांड पिटिशनर से की थी तो सुप्रीम कोर्ट की तीन जजेस के बेंच ने साफ साफ ये कहा कि भाई स्टे की बात तो हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम सरकार का पक्ष नहीं सुन लेंगे इसलिए हम स्टे तो नहीं लगाएंगे और सरकार का पक्ष सुनने के लिए उन्होंने एक टाइम तय कर दिया तीन चार सप्ताह बाद की डेट फिक्स कर दी जो कि मार्च की शुरुआत में अगली हेयरिंग हुई और उस हेयरिंग में तय होना था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्टे लगाएगा कि नहीं लगाएगा और मार्च की शुरुआत में वो समय आ गया था जब कोरोना की वजह से कोविड की वजह से चीजें थोड़ी बिगड़ने शुरू हो गई थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इस मामले में ऐसा सोचते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपको पता ही है क्या होता है जिस बेंच में पांच या पांच से ज्यादा जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं जो मूल संवैधानिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए बनती है बेंच उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संविधान पीठ या संवैधानिक पीठ तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पर बैठाएंगे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाने के लिए उस समय जजेस की उपलब्धता नहीं थी क्योंकि पहले से कई मुद्दे ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गए हुए थे जैसे एक मुद्दा आपने सुना होगा उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र भी किया उस मुद्दे का उस मुद्दे का नाम है शबरीमाला का मुद्दा आपको पता है कि शबरीमाला केरल का एक मंदिर है जिसमें महिलाओं की एंट्री को महिलाएं कौन जो वाला उम्र में हैं उन महिलाओं की एंट्री को लेकर पाबंदी थी प्रतिबंध था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद से वो प्रतिबंध हटा इसके विरोध में बहुत आंदोलन हुए केरल में और ऐसा माना गया कि धर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट को तो दखल नहीं देना चाहिए और जब ये सारे मामले उठे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू करने को तैयार हुआ और रिव्यू करने के लिए नौ जजेस की बेंच इस पर इस समय बैठी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये वाली बेंच इस मामले से फ्री हो जाएगी तो हम नाइन जजेस के बेंच है तो हम इस बेंच को या इनमें से पांच जजेस को लेकर एक बेंच बनाएंगे जो बेंच सी पर विचार करेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से विचार करवाएंगे लेकिन उस विचार की शुरुआत उस समय के बाद होगी तो उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होनी चाहिए पर हमारे सामने सवाल अभी दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो एक अलग बात है पर एक समझदार नागरिक होने के नाते संविधान की समझ होने के नाते हम एक अनुमान तो कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा तो यदि हम थोड़ा सा इतना काम कर लें कि यह समझ लें कि इसमें विरोध के तर्क क्या हैं और फिर यह समझ लें कि सरकार के तर्क क्या हैं तो उससे एक अंदाजा लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करने वाला है जहां तक मेरी व्यक्तिगत समझ का मामला है मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये तो भगवान जानता है या सुप्रीम कोर्ट जानता है कोई और जानता नहीं है कभी कभी सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव मूड में आ जाता है जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट एक्टिव मूड में होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा किसी को नहीं पता इसका एक उदाहरण है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि ये होता है और कह दिया तो कह दिया होता है तो होता है इसी प्रकार से अनुच्छेद 21 की भाषा अगर आप पढ़ेंगे उसमें साफ साफ शब्द लिखा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या करते हुए बताया कि इसका दरअसल जो मतलब है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो कि ऐसा लगता है कि संविधान निर्माताओं ने जो लिखना चाहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या को पूरा बदल दिया ठीक ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए कहीं कॉलेजियम का जिक्र संविधान में नहीं है किंतु तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कोलेजियम का न केवल जिक्र किया बल्कि व्यवस्था निश्चित भी कर दी और अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन हो या ट्रांसफर का मामला हो वो एक कोलेजियम के माध्यम से होता है उस पूरे कोलेजियम का जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं है एक शब्द भी नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट अगर एक्टिव मूड में हुआ फिर तो वो कुछ भी कर सकता है कभी कभी सुप्रीम कोर्ट पैसिव मूड में रहता है और वो कुछ बड़े फैसले करने से बचता है तो विपक्षी लोग कहते हैं विरोधी लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है सरकार के पता नहीं सच क्या है लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इन दोनों बातों से मुक्त होकर सोचे कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है या एक्टिव मोड में है तो तर्क क्या है विरोध के तर्क क्या हैं सरकार के तर्क क्या हैं और उसके बाद लॉजिकली हम क्या अनुमान कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करेगा यह सोचा जा सकता है तो पहले देखते हैं कि सी का जो विरोध करने वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि सी ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या संविधान के खिलाफ है उनके पास कौन कौन से तर्क हैं किन तर्कों के माध्यम से वो अपनी बात को रखना चाहते हैं उनके पास मुख्य रूप से तीन तर्क हैं और वो क्या क्या तर्क है उन तर्कों में से पहला तर्क है आर्टिकल फोर्टीन अनुच्छेद चौदह आपको पता ही क्या होता है समानता का अधिकार राइट टू इक्वेलिटी जो है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है लेकिन उसका जो बुनियादी आर्टिकल है जिस आर्टिकल में उसका सैद्धांतिक पक्ष है वो अनुच्छेद चौदह है आर्टिकल फोर्टीन है और इसलिए आर्टिकल फोर्टीन को हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण कुछ आर्टिकल्स में से एक माना गया है बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद चौदह कहता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज सुनिश्चित किया जाएगा तो एक मोटी मोटी सी बात है कि समानता का अधिकार हमारे पास आर्टिकल 14 के माध्यम से है और जिसका मतलब है कि राज्य किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता है जब राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है तो सी इसलिए गलत है क्योंकि सी धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है क्योंकि केवल मुसलमानों को छोड़ दें या यहूदियों को छोड़ दें तो बाकी सभी धर्मों के व्यक्तियों को तो सी ए ए के तहत नागरिकता दी जा सकती है उनको इलीगल माइग्रेंट के स्टेटस से मुक्त किया जा सकता है किंतु तो मुसलमानों को यहूदियों को या थोड़ा और आगे बढ़े तो नास्तिकों को ये छूट क्यों नहीं दी गई है तो पहला ग्राउंड यह है कि आर्टिकल 14 के खिलाफ है दूसरा ग्राउंड कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे देश के संविधान में जो एक कंसेप्ट है वो है सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म हमारे देश के संविधान में कहाँ लिखा है तो एग्जैक्टली exactly ये शब्द नहीं लिखा है इस पर हमने बहुत पहले एक विस्तार में बात की थी कहने वाले कहते हैं कि उन्नीस सौ छिहत्तर के बयालीसवें संविधान संशोधन में सेक्युलरिज्म संविधान में ठोस दिया गया थोप दिया गया जबकि मूल संविधान में नहीं था पर यह मूर्तपूर्ण बात है हमारे संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स में चौदह में पंद्रह में सोलह में फिर पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस उनतीस तीस इन सब आर्टिकल्स में यहाँ तक कि आर्टिकल तेईस चौबीस में भी ऐसा जिक्र आता है और इन सब आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक में किसी भी व्यक्ति में भेद नहीं करेगा सेकुलरिज्म और क्या होता है यही तो होता है बुनियादी रूप से और राज्य का धर्म तो है नहीं हमारे देश में हमारे संविधान में किसी धर्म को राजकीय धर्म की मान्यता नहीं दी गई है और बहुत सारे कानून हैं जो धार्मिक आधार पर भेदभाव करने को रोकते हैं इसलिए हमारे देश में सेकुलरिज्म एग्जिस्ट करता है और मुख्य रूप से कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल 25 ऐसा है जिसमें सेकुलरिज्म दिखाई पड़ता है जो प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक आजादी प्रदान करता है उस आर्टिकल का नाम आर्टिकल 25 है एक केस हुआ था उन्नीस सौ तिरानवे चौरानवे में एस आर बोमई का मामला और एस आर बोमई का मामला वो था तो राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ मामला लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्पष्ट किया था कि सेकुलरिज्म भारतीय संविधान का मूल ढांचा है यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता ही है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीस में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था और तब से इसका मतलब यह है कि संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं जिन्हें संसद भी संशोधन के माध्यम से न बदल सके उन्हें कहते हैं संविधान का मूल ढांचा आधारभूत ढांचा बुनियादी ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है यह सुप्रीम कोर्ट नाइन नाइन नाइनटी में कह चुका है तर्क यह है कि अगर सेकुलरिज्म संविधान का मूल ढांचा है और सी ए ए संविधान के मूल ढांचे का विरोध करता है तो इस आधार पर यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सी ए ए कैसे विरोध करता है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं करता है और क्योंकि इस कानून में धार्मिक भेदभाव की बू आती है धार्मिक भेदभाव का मसला यहां दिखाई पड़ता है इसका मतलब ये आर्टिकल 14 के ही खिलाफ नहीं है बल्कि ये सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के भी खिलाफ है ये एक आर्गूमेंट इस बारे में आता है एक तीसरा आर्गमेंट जो है वो अलग किस्म का है अगर मैं उसको एक अंग्रेजी शब्द से समझाने का प्रयास करूं उसे बोलते हैं अंडर इंक्लूसिविटी या अंडर इंक्लूसिवनेस कह लीजिए हम अंडर इंक्लूसिविटी शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ये शब्द आजकल चर्चाओं में ज्यादा है अंडर इंक्लूसिविटी का मतलब यह होता है कि जितने व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए था उनसे कम व्यक्तियों को शामिल किया गया है यानी कि पर्याप्त व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया कोई तो बेनिफिट देने के प्रोसेस में इसको बोलते हैं अंडर इंक्लूसिविटी इसका मतलब यहां पर क्या हुआ यह भी समझने का प्रयास कीजिए देखिए यह कहने वालों का तर्क है कि भाई आपने जब नागरिकता देने की एक विशेष व्यवस्था करनी थी तो आपने तीन ही देश क्यों चुने वाई ओनली थ्री कंट्रीज आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि नेपाल को भूटान को बर्मा को चीन को श्रीलंका को जो आपके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उन सबको एक साथ क्यों नहीं मौका दिया यदि आपको अपने बॉर्डरिंग स्टेट्स को मौका देना था तो इनको भी देना था तीन देश ही क्यों चुने आपने इसका क्या आधार है ये होती है अंडर इंक्लूजिविटी दूसरा तर्क यह दिया कि केवल और केवल रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को ही आधार क्यों बनाया रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का मतलब धार्मिक उत्पीड़न भाई उत्पीड़न को ही आधार बनाना था तो उत्पीड़न तो लैंगिक भी हो सकता है कहीं किसी देश में महिलाओं से अत्याचार हो रहा हो थर्ड जेंडर से अत्याचार हो रहा हो यह भी हो सकता है नस्ल वाला भी हो सकता है और उत्पीड़न तो विचारधारा वाला भी हो सकता है कि कोई खास विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है इसलिए उसका उत्पीड़न हो गया फिर उत्पीड़न होना ही है तो जातीय भी हो सकता है केवल धार्मिक थोड़ा ना होता है तो केवल रिलीजियस पर्सिक्यूशन को आधार बनाने के पीछे क्या तर्क है इस तर्क का जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को तीसरी बात कही कि अगर धार्मिक उत्पीड़न को बेस बनाना ही था तो केवल छह धर्मों को ही क्यों चुना आपने हिंदू सिख जैन बौद्ध ईसाई पारसी इन छह धर्मों को चुना यहूदी को क्यों नहीं चुना भाई और जो जनजातीय धर्म हो सकते हैं उनको क्यों नहीं चुना फिर जो नास्तिक है उनको क्यों नहीं चुना फिर जो इस्लाम धर्म को मानने वालों में ही जो अल्पसंख्यक हैं जिनको मुसलमान लोग कई बार मुसलमान मानते ही नहीं हैं जैसे पाकिस्तान में अहमदियाँ हैं हजारा हैं सूफी हो सकते हैं कहीं कहीं शिया हो सकते हैं उन्हें क्यों नहीं चुना इस सब को बोलते हैं अंडर इंक्लूसिव होना कि जितना इंक्लूसिव होना चाहिए था जितना इस एक्ट को समावेशी होना चाहिए था उतना समावेशी नहीं है तो अल्प समावेशन या अंडर इंक्लूजन की वजह से यह गलत है और चौथी बात यह कही कि आपने 2014 तक जो लोग भारत में आ गए थे उन्हीं को क्यों अधिकार दिया बातियों को क्यों नहीं दिया इसके पीछे क्या तर्क है और जब तक इस तर्क स्पष्ट नहीं करेगी सरकार तब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने यह समस्या तो होगी ही इसको जस्टिफाई कैसे करेगा ये सारे वो तर्क हैं जो सी ए के विरोधी सुप्रीम कोर्ट में रख चुके हैं अपने पिटिशंस में लिख चुके हैं और जब सुनवाई होगी तो वहाँ फिर से प्रस्तुत भी करेंगे अब सवाल है कि सरकार के पास इनका जवाब क्या है और क्या सरकार इनका ठीक से जवाब दे पाएगी या नहीं दे पाएगी हमारे सामने एक सवाल ये बनता है जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इनका जवाब दे पाएगी और यदि सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव मूड में नहीं आ गया तो सुप्रीम कोर्ट सी को खारिज नहीं करेगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं इस बात को समझें मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता होकर बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको केवल संवैधानिक समझ के आधार पर एक बात कहना चाह रहा हूं सबसे मुख्य आधार है आर्टिकल 14 उस 14 को हम समझने का प्रयास करते हैं कि 14 से क्या उम्मीद की जा सकती है आर्टिकल 14 कहता है कि समानता होगी कानून के सामने कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे वो ये कहता है देखिए पूरी समानता तो दुनिया में ना कहीं होती है ना कहीं होनी चाहिए समानता का मतलब क्या होता है समानता अगर मान लीजिए देश में पूरी समानता होती तो हमारे देश में आरक्षण कैसे होता क्योंकि बहुत मोटी बुद्धि का आदमी सीधे बोलता है कि आरक्षण है तो समानता कहां है आरक्षण पे हम कभी विस्तार में बात करेंगे बहुत विस्तार में तो सारी बातों को समझेंगे अभी सिर्फ ये समझें या मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको आप मेट्रो ट्रेन में जाते हैं किसी दूसरी ट्रेन में बस में जाते हैं वहां महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सीटें आरक्षित हैं जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए सीटें आरक्षित हैं आपकी राय में यह समानता का उल्लंघन है या समानता से सुसंगत है तो कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा कि समानता से सुसंगत है क्योंकि उन व्यक्तियों की शारीरिक दशाओं को देखते हुए कुछ विशेष संरक्षण देना ठीक है ये बुरा नहीं है ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए आप आई एस आई बनना चाह रहे हैं और भारत सरकार का एक नियम है कि जो व्यक्ति आई बनना चाहता है वो कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए उसका मेडिकल टेस्ट करेंगे यदि वो कलर ब्लाइंड है तो उसको हम आईपीएस नहीं बनने देंगे लेकिन आई बन सकता है आई बन सकता है आई बन सकता है उसमें दिक्कत नहीं है कोई कह सकता है कि भेदभाव है लेकिन इस भेदभाव के पीछे तर्क है क्योंकि जो व्यक्ति आईपीएस है उसको हो सकता है किसी खास स्थिति में गोलियां चलानी हो किसी खास स्थिति में ऐसा हो कि वो अगर गोलियां ठीक से नहीं चलाएगा तो उसको भी लग सकती हैं जान खतरे में आ सकती है और हो सकता है कि उस समय उसके रंगों को पहचान न पाने की जो समस्या है उस वजह से वो मार खा जाए और उसके बाद उसकी मौत हो जाए या नुकसान हो जाए किसी भी तरह का नुकसान हो जाए आई में ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें ज़्यादा काम फाइलिंग का है ऐसी गोलीबारी वाला काम नहीं है सेना में काम करने के लिए फिजिकल फिटनेस का जो लेवल चाहिए ठीक वो लेवल लेक्चरर बनने के लिए प्रोफेसर बनने के लिए नहीं चाहिए और इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग पद के साथ अलग अलग योग्यताएं अर्हताएं एबिलिटीज एलिजिबिलिटीज की कल्पना की जा सकती है और इसमें भेदभाव की बात नहीं है इस बात को समझाने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है एक होता है वो वर्गीकरण जिसको युक्ति युक्त या तर्क संगत वर्गीकरण कहेंगे और तर्क संगत वर्गीकरण के लिए अंग्रेजी में जो शब्द चलता है उसको बोलते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द का प्रयोग बार बार किया है मैं ब्रैकेट में आरसी लिख देता हूं उससे आप समझ लीजिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन दूसरा वर्गीकरण हो सकता है मनमाना वर्गीकरण और जो मनमाना है उसके लिए एक शब्द चलता है आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि समानता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सभी व्यक्तियों को एकदम समान ट्रीट करेंगे वो तो संभव भी नहीं है प्रैक्टिकल भी नहीं है अब छोटे बच्चे को भी बड़ों की तरह ट्रीट करने लग जाए एक प्रैक्टिकल है ना विजम की बात है समझदारी की बात है तो जो तार्किक भेद है वो तो मानना ही पड़ेगा अब सुप्रीम कोर्ट कह रहे है कि जब भी हमारे सामने कोई पिटीशन इस भाव से लाई जाएगी कि भेदभाव हुआ है हम ये देखेंगे कि भेदभाव जो हुआ है वो भेदभाव रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर हुआ है या मनमाने क्लासिफिकेशन के आधार पर हुआ है यदि क्लासिफिकेशन मनमाना है तो हम कह देंगे कि आर्टिकल 14 के खिलाफ है और हम इसको खारिज कर देंगे लेकिन यदि वर्ग जो वर्गीकरण है वो तर्क संगत है युक्त युक्त है रीजनेबल क्लासिफिकेशन है तो हम उसको खारिज नहीं करेंगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर कई लोगों ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट जी ये बताइए कि वर्गीकरण तर्क संगत है या नहीं इसकी पहचान कैसी होगी थोड़ा सा ये और स्पष्ट कर दीजिए तो हमें भी सुप इस वाले मामले में ये जो मामला इस समय हमारे सामने है सी का मामला हमें भी उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से यही समझने की जरूरत है कि सी ए ए ने जो वर्गीकरण किया है जो छह धर्म तीन देश और एक खास तिथि से पहले के लोग हैं वो वर्गीकरण रीजनेबल क्लासिफिकेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ना दो तीन महत्वपूर्ण बातें कही मैं आपको संक्षेप में समझाता हूं क्या क्या बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो एक बात ये कह दी कि देखो कोई वर्गीकरण तर्क संगत है या नहीं इसके दो कसौटियां हैं दो कसौटियां हैं अगर वो दोनों चीजें होंगी तो हम कह देंगे कि हाँ भाई बात ठीक है पहली कसौटी है कि इंटेलिजिबल डिफ्रेंशिया होना चाहिए इंटेलिजिबल का मतलब होता है समझ में आने वाला बोधगम्य कॉम्प्रिहेंसिबल तो इंटेलिजिबल डिफ्रेंशिया डिफ्रेंशिया का मतलब होता है वह आधार जिस पर कोई भेदभाव किया जा रहा है तो पहली बात यह हुई कि बोधगम्य भेदभाव का आधार होना चाहिए बोधगम्य आधार होना चाहिए इसका मतलब जिस ग्राउंड पर आप भेदभाव करते हैं वो समझ में आना चाहिए अब अगर आप ये कहें कि पीले कपड़े पहनने वाले व्यक्तियों को आईपीएस में नियुक्ति नहीं मिलेगी जबकि हरे कपड़े पहनने वाले को मिलेगी ये बोधगम में नहीं है इस समझ में नहीं आ रही बात की ऊट पटांग से बात की जा रही है क्या सेंस से इस बात की तो बोधगम्य होना चाहिए सबसे पहली बात तो ये है और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही है कि बोधगम्य होने के साथ साथ दूसरी कसौटी इसकी यह है कि जो उद्देश्य है उस भेदभाव का उस उद्देश्य और इस डिफ्रेंशिया के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की भाषा में कहें तो रैशनल नेक्सस बोलते हैं उसको रैशनल नेक्सस तार्किक संबंध होना चाहिए किन दो चीजों में होना चाहिए एक तो उस चीज में कि आपने जो डिफ्रेंसिया किया जो भेदभाव किया और दूसरा उस पर्पज में जिस पर्पज को आप अचीव करना चाहते हैं उस डिफ्रेंशिया के साथ कभी कभी यह भी तो हो सकता है कि पर्पज फुलफिल नहीं हो रहा हालांकि बात तो समझ में आ रही थी तो दोनों कसौटियां पूरी होंगे तो हम मानेंगे कि जो वर्गीकरण है भेदभाव है तर्क संगत है उसको हम परमिशन दे देंगे लेकिन यदि इन दो बातों को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है सरकार किसी कानून के मामले में तो हम मान लेंगे कि वो गड़बड़ बात है लेकिन जिस बात से सरकार खुश हो सकती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक दो बातें और स्पष्ट कर रखी है जैसे एक बात कह रखी है कि हमारी प्रिजम्पन ये होगी अब आप सोचेंगे एक और शब्द आगे प्रिजम्सन कानून की दुनिया में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व मान्यता और पूर्व मान्यता का मतलब है कि जब अदालत सुनवाई की शुरुआत करेगी तो अदालत पहले से क्या मान के चलेगी आपको मैंने एक शब्द का जिक्र किया था ओनस ऑफ प्रूफ जब मैंने आईएमडीटी और फॉर सेक्ट की तुलना की थी जैसे भारत में क्या होता है मान लीजिए एक्स ने वाई के खिलाफ कंप्लेंट की कि वाई ने मुझे मारा है तो बात कोर्ट में चली गई एक्स ने कहा कि इसने मुझे मारा है और वाई कह रहे मैंने नहीं मारा है मान लीजिए अब अदालत क्या करेगी अदालत हमारे देश में सामान्यतः यह ये मान के चलती है कि कंप्लेंट झूठी है कंप्लेंट करने वाला साबित कर देगा कि हाँ ऐसा हुआ है तो हम दूसरे व्यक्ति को सजा देंगे और यदि कंप्लेंट करने वाला साबित नहीं कर पाया तो हम यह मान के चलेंगे कि दूसरा व्यक्ति बेगुनाह है क्योंकि मूल उसूल यह है कि हजार गुनहगार छूट जाएं किंतु एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए यह मूल उसूल है न्यायशास्त्र का अब इसका मतलब यह हुआ कि जब भी अदालत बैठती है दो पक्ष सामने हैं अदालत उनमें से एक पक्ष को सही मानकर चलती है उसको बोलते हैं प्रिजम्पन उसको बोलते हैं पूर्व मान्यता दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करे कि ये वाली बात गलत है जो आप मान के चल रहे हैं अगर दूसरे पक्ष ने साबित कर दिया तो अदालत का फैसला बदल जाता है साबित नहीं कर पाए तो अदालत अपनी पूर्व मान्यता पे ही टिकी रहती है ये भारत में नहीं होता दुनिया भर में होता है दुनिया भर का जो कानून का काम है अदालत का काम है ऐसे ही चलता है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में बड़े स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि ऐसे किसी भी मामले में जब सरकार ने कोई कानून बनाया है या कोई नियम बनाया है और यदि कोई व्यक्ति आता है ये कहते हुए कि सरकार का कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है या मूल अधिकारों के खिलाफ है या संविधान के खिलाफ है तो हम ये मान के चलेंगे कि सरकार ने जो एक्ट बनाया है वो एक्ट सही है जिसने शिकायत की है ओनस उसके ऊपर है जिम्मेदारी उसके ऊपर है उसे साबित करना होगा कि यह वाला एक्ट या ये वाला रूल या ये वाला कानून क्यों गलत है यदि वो साबित कर देगा तो ठीक है नहीं तो हम ये पहले से मान के चलेंगे कि सरकार को पता है कि कैसी पॉलिसीज बनानी है किन व्यक्तियों को प्रिवलेजेस देनी है किन को नहीं देनी है इसलिए हम बेसिकली मान के चलेंगे कि सरकार ठीक कर रही है अगर विपक्षी लोग साबित कर दें कि जो डिफ्रेंशिय है इंटेलिजिबल नहीं है तर्क संगत नहीं है मनमाना भेदभाव है मनमाना वर्गीकरण है तो हम खारिज करेंगे एक्ट को नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि सरकार ने ठीक कानून बनाया होगा दूसरी पूर्व मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये लेके चलते हैं कि वर्गीकरण कितना भी अच्छा हो वो अपने आप में सौ प्रतिशत सटीक नहीं हो सकता तो सौ प्रतिशत सटीक अगर नहीं है तो यह अपने आप में कोई समस्या नहीं है यह स्वाभाविक है कि हम कितनी भी समझदारी से वर्गीकरण करेंगे उसमें कोई ना कोई कमी तो रह सकती है और हम इस ग्राउंड पे बात नहीं करेंगे कि 100 परसेंट सटीक नहीं है वर्गीकरण आपको यह साबित करना पड़ेगा कि वर्गीकरण गलत है आप यह साबित नहीं करेंगे कि वर्गीकरण 100 प्रतिशत सही नहीं है 90 प्रतिशत सही है 95 परसेंट सही है ये नहीं आप साबित करेंगे कि वर्गीकरण या भेदभाव क्यों गलत है अगर आप यह साबित कर देंगे तो हम आपकी बात मानेंगे अब इस बैकग्राउंड पर आप सोच के देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में विरोधी लोग कहेंगे कि सी ए ए आर्टिकल फोर्टीन के खिलाफ है तो सरकार उस पर क्या कहेगी सरकार कहेगी कि देखिए जी ऐसा है इंटेलिजिबल डिफ्रेंशिया होना चाहिए यानी भेदभाव हम तार्किक आधार पर कर सकते हैं सीधी सी बात है या रीजनेबल क्लासिफिकेशन तर्क संगत वर्गीकरण होना चाहिए तो सरकार कहेगी कि यह बताइए कि दूसरे देशों में जो व्यक्ति रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के शिकार हैं और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का शिकार जो मेजॉरिटी है वो तो हो नहीं सकती है माइनॉरिटी ही हो सकती है तो जो व्यक्ति रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के शिकार हैं हमने उनको एक वर्ग माना है और यह वर्ग मानना अपने आप में ठीक है सरकार कहेगी कि अगर ऐसा न होता तो नेहरू और लियाकत अली का समझौता उन्नीस सौ इक्यावन में क्यों होता पचास इक्यावन में उस समझौते में भी क्या था उस समझौते में यही था कि हम दोनों देशों में जो माइनॉरिटीज हैं हम माइनॉरिटीज को अपने देश में एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि माइनॉरिटीज़ को ये खतरा ज्यादा होता है कि उनके ऊपर आक्रमण हो सकता है उत्पीड़न हो सकता है तो धार्मिक उत्पीड़न की बात तो नेहरू और लियाकत के समझौते में भी स्वीकार की गई थी तो हम भी वही कह रहे हैं कि भाई जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं उनको हम एक विशेष वर्ग मान रहे हैं और उनके लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं तो ये मनमाना वर्गीकरण तो नहीं है ये तार्किक है और दूसरी बात हम उनको दे क्या रहे हैं जो परपज है वो परपज है नागरिकता जो व्यक्ति अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार है इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा है स्टेटलेस हो गया है ऐसे स्टेटलेस व्यक्तियों को एक विशेष वर्ग मानना और उन्हें उस स्थिति से निकालकर एक मानवाधिकार के नाते उनको नागरिकता प्रदान करना इसमें वो दोनों शर्तें पूरी होती हैं जो दो शर्तें आर्टिकल 14 की डिमांड है क्या क्या शर्तें हैं मैंने पहले कहा था पहला कि जो भेदभाव का आधार होगा वो समझ में आना चाहिए ठीक इंटेलिजिबल डिफ्रेंशिया और दूसरा उस डिफ्रेंशिया का जो पर्पज है वो पर्पज उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए पर्पज है नागरिकता देना किसको जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं और धार्मिक उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति को एक वर्ग मानना अपने आप में कोई समस्या नजर नहीं आती क्योंकि ये बात समझ में आ रही है कि कोई व्यक्ति इस वजह से परेशान होकर अपना देश छोड़ के आ सकता है इसलिए जो सी ए के समर्थक हैं या भारत सरकार का जो मानना है वो ये कि आर्टिकल 14 वाला ऑब्जेक्शन सी पर बहुत आसानी से अप्लाई नहीं हो पाएगा कम से कम प्राइम फेसी ऐसा ही लगता है अब दूसरे ऑब्जेक्शन पर आ जाइए और दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है सेकुलरिज्म विरोधी पक्ष का कहना है कि सेकुलरिज्म संविधान का मूल ढांचा है और सी संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है इसलिए यह असंवैधानिक है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस बात से बहुत उम्मीद है उन्हें कि सुप्रीम कोर्ट खारिज करने वाला है मेरी अपनी गट फीलिंग कहती सुप्रीम कोर्ट संभवतः इस तर्क से बहुत प्रभावित नहीं होगा क्यों नहीं होगा हम समझते हैं पहली बात तो भारत का सेक्युलरिज्म फ्रांस जैसा नहीं है नेगेटिव सेक्युलरिज्म नहीं है जो धर्म से एकदम दूर रहता है हमारा सेक्युलरिज्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार कही है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि राज्य किसी धर्म से मतलब नहीं रखेगा ऐसा नहीं है राज्य सभी धर्मों से मतलब रख सकता है सभी धर्मों का सम्मान कर सकता है राज्य और धर्म के बीच में सकारात्मक संबंध हो सकता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार एक ही बात कहेगी और वो ये कहेगी कि सकारात्मक धर्मपेक्षता होने के नाते हम अपने देश में जो अल्पसंख्यक हैं माइनॉरिटीज हैं आपको पता ही है कि हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए संविधान में दो आर्टिकल्स एक आर्टिकल उनतीस है एक आर्टिकल तीस है और ये माइनॉरिटीज केवल रिलीजियस नहीं है लिंग्विस्टिक भी है भाषाई भी है हमने अपने देश के संविधान में माइनॉरिटीज के लिए विशेष व्यवस्था की हुई आर्टिकल उनतीस में भी तीस में भी तीस में, में विशेष रूप से 44 में संविधान संशोधन उन्नीस के माध्यम से हमने आर्टिकल तीस में एक और विशेष व्यवस्था कर दी थी जो तीस एक आर्टिकल है इस आर्टिकल का सरल भाषा मतलब यह होता है कि यदि राज्य किसी स्कूल की जमीन छीनेगा कॉलेज की जमीन छीनेगा तो यदि वो जमीन किसी और इंस्टीट्यूशन की तो अलग बात है लेकिन अगर अल्पसंख्यक संस्था की है तो राज्य उसको बाजार मूल्य पर मुआवजा देगा ऐसा ये मतलब है इतना ही नहीं अगर आप आर्टिकल 15 को ध्यान से देखें उसकी एक क्लॉज आर्टिकल 15 फाइव थी उसको ध्यान से देखें उसमें भी एक विशेष प्रावधान है वो कहता है कि राज्य जब शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करेगा तो वह व्यवस्था सरकारी प्राइवेट सब में कर सकता है किंतु जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं उनको इस मामले में विशेष छूट दी गई है और इसका मतलब ये हुआ अगर सरकार ये कह दे तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों इस बात को नहीं सुनेगा सरकार कहेगी कि हुजूर ये बताइए कि सेकुलर होते हुए हम अपने देश की माइनॉरिटीज को विशेष संरक्षण देना चाहते हैं देते भी हैं जिस तर्क से सेकुलर होते हुए हम अपने देश की माइनॉरिटीज को विशेष संरक्षण दे रहे हैं उसी तर्क से उसी सेकुलरिज्म से यदि हम पड़ोसी देशों की माइनॉरिटीज़ को विशेष संरक्षण देना चाहें तो इसमें क्या दिक्कत है क्योंकि माइनॉरिटीज़ हमारे देश में अगर खतरे में हैं या उनकी कल्चर को बचाना अपने आप में एक चैलेंज होता है किसी भी देश में होता है हमने अपने देश की माइनॉरिटीज के लिए विशेष व्यवस्थाएं की तो हम पड़ोसी देशों की माइनॉरिटीज के लिए विशेष व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं और ये तर्क तो बहुत महत्वपूर्ण तर्क है फिर जैसे ही ये तर्क आता है उसके बाद जब तर्क आगे आने शुरू होते हैं तो इसी में बात बढ़ जाती है और वो नेहरू लिया का पैक्ट पे आ जाती है अभी जो भारत सरकार के समर्थक लोग हैं टीवी चैनल्स पे बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि नेहरू जी जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उन्होंने समझौता किया और उसमें माइनॉरिटीज को रिलीजियस माइनॉरिटीज को विशेष संरक्षण देने की बात की भारत ने पाकिस्तान के माइनॉरिटीज को पाकिस्तान ने भारत की माइनॉरिटीज को संरक्षण देने की बात की वही तर्क नेहरू जी ने यूज किया तो वो अच्छा था अब की सरकार यूज करे तो खराब तर्क है ये सरकार के आगे है तो इस डिबेट को जब आगे बढ़ाते मैंने आपसे कहा था कि जब 2003 में सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था उस समय हमारे आगे आने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो कि पहले वित्त मंत्री रह चुके थे ये बात रखी थी जब लाल कृष्ण आडवाणी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2003 लेके आए थे जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स की व्यवस्था की गई थी श्री मनमोहन सिंह ने कहा था और वो चीज ऑन रिकॉर्ड अभी भी है राज्यसभा की बहस अगर आप सुनेंगे दिसंबर 2003 की तो उसमें मिलेगा आपको वो कह रहे हैं कि अडवाणी जी आपका बिल अच्छा है इलीगल माइग्रेंट्स से बचना जरूरी है देश की अखंडता के लिए ज़रूरी है लेकिन ध्यान रखिए कि इन देशों में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका जीवन बहुत खतरे में है और जो माइनॉरिटीज धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर आए हैं उनके लिए हमें कुछ विशेष संरक्षण का उपाय करना चाहिए ये कांग्रेस के एक व्यक्ति का जो बाद प्रधानमंत्री रहे दस साल तक उनका तर्क था यही तर्क सीपीएम के प्रकाश का रात का था जो उन्होंने कुछ साल के बाद पत्र भी लिखा मनमोहन सिंह जी को इसी बारे में कि आपने कहा था कि जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए अब तो आप खुद ही प्रधानमंत्री हैं तो आप खुद ऐसा प्रावधान क्यों नहीं करते हैं भूलना नहीं है कि 2003 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ था पार्लियामेंट में तो उसके समर्थन में केवल एनडीए नहीं था उसमें कांग्रेस ने भी समर्थन में वोट डाला था सीपीएम ने भी समर्थन में वोट डाला था और जब भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये सब तथ्य रखेगी कि मनमोहन सिंह जी कहें कि माइनॉरिटीज पर ध्यान दो बांग्लादेश की तो अच्छी बात है नेहरू जी कहें तो अच्छी बात है उन्नीस की घटना अगर आप थोड़ी सी याद कर लें इस मामले में बहुत रोचक घटना है कुछ दिन पहले मैंने एक डिस्कशन सुनी टीवी पे अमित शाह के रहे थे किसी को उन्होंने भी जिक्र किया इस बात का उन्नीस में प्रधानमंत्री भारत में इंदिरा गांधी थी युगांडा में अफ्रीका के देश में ईदी अमीन उस समय तानाशाह थे और ईदी अमीन को लग गया कि हमारे संसाधनों पर भारत के लोगों का बहुत कब्जा कुछ कई देशों की बात थी भारत की बात भी थी उन्होंने अल्टीमेटम निकाल दिया कि इतने दिनों के अंदर शायद तीन महीने का समय दिया कि एक, एक महीने का समय दिया ऐसा कुछ समय दिया इतने दिनों के अंदर सब भारतीय लोग युगांडा छोड़ दें वरना उनका कोई बचाने वाला नहीं होगा कुछ हजार परिवार वहां पर थे बाद में ईदीमन ने कम से कम इतना कर दिया कि जो युगांडा के नागरिक हो चुके थे उनको बख्श दिया जो युगंडा के नागरिक नहीं थे भारत से गए थे भारतीय मूल के थे उन सबको बोला कि चुपचाप निकल जाओ यहां से कुछ हजार परिवार थे पांच हजार से ऊपर गुजरात मूल के परिवार थे अब वो बहुत लंबे समय से युगांडा में थे भारत के नहीं थे उस समय वो और तब उन लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट भेजी कि हम दुनिया में कहां जाएंगे जिस देश में इतने सालों से रह रहे हैं वहां का शासक हमें निकाल लो वरना मार देगा और तब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने युगांडा के उन भारतीयों को जिनकी संख्या कम से कम पांच हजार से ऊपर थी परिवारों की संख्या उन्हें भारत की नागरिकता न ना केवल दी थी बल्कि उनको गुजरात में बसने की पूरी व्यवस्था करवाई थी वो भी तो माइनॉरिटीज थे किसी देश के और उस समय एक तर्क उठा था कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं उनके पास दुनिया बहुत सारे देश हैं ईसाई लोग हैं बहुत सारे देश हैं लेकिन हिंदू जैन बौद्ध सिख बौद्धों के पास तो फिर भी कुछ देश हैं हिंदू जैन सिख ये तीन धर्म भारत में ही पैदा हुए और भारत के अलावा किसी भी देश के राजकीय धर्म नहीं है भारत में भी नहीं है किसी देश में भी नहीं है यदि इन धर्मों के व्यक्तियों को दुनिया में कहीं अत्याचार का शिकार होना पड़े तो क्या उनका एक स्वाभाविक अधिकार ये नहीं बनता कि वो भारत में आके रह सके ठीक वैसे जैसे इजराइल के यहाँ एक नियम है सेकुलर कंट्री है इसराइल अपने तरीके से सेकुलर है पर उसमें एक खास नियम है कि दुनिया भर में कोई भी यहूदी क्योंकि यहूदियों का अपना देश केवल एक इसराइल ही है तो इसराइल का कानून है कि कोई भी दुनिया का यहूदी अगर इसराइल आके नागरिकता लेना चाहे तो उसको परमिशन मिल जाती है लॉन्ग टर्म स्टे मिलता है और स्टे के कुछ समय के बाद नागरिकता मिल जाती है तो उस समय यह तर्क उठा और उसके बाद से बीजेपी का ये तर्क हमेशा से है कि हिंदू सिख जैन और एक हद तक बौद्ध भी उनका स्वाभाविक देश भारत है क्योंकि ये चारों धर्म भारत से ही पैदा हुए हैं और दुनिया में किसी और देश में इन धर्मों की बहुसंख्या आबादी नहीं है केवल नेपाल जो एक समय तक हिंदू राज्य था था अब वो भी हिंदू राज्य के रूप में नहीं रहा है सेकुलर उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया है ये तर्क भी सरकार तो ये तर्क भी रखेगी और ये तर्क इतना कमजोर नहीं है कि सीधे खारिज किया जा सके बेशक सेकुलर माइंड का आदमी कह सकता है कि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन यह तर्क ऐसा भी नहीं है कि आप एक सेकंड में उड़ा देंगे इसको और इसलिए भारत सरकार का मानना यह है कि हम सकारात्मक धर्म निरपेक्षता को मानते हैं माइनॉरिटीज को संरक्षण देने का प्रयास करते हैं और जब हम माइनॉरिटीज भारत की माइनॉरिटीज को संरक्षण दे सकते हैं तो हम भारत के पड़ोसी देशों की माइनॉरिटीज को भी संरक्षण दे सकते हैं क्योंकि हमारा सेकुलरिज्म इसके लिए मना नहीं करता है और जब ये तर्क सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो मेरी व्यक्तिगत समझ है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज नहीं करेगा आसान नहीं होगा इसे खारिज करना मूल बात सिर्फ इतनी सी है तीसरी बात है कि जो तर्क दिया गया है अंडर इंक्लूसिविटी का वो तर्क थोड़ा जोरदार है लेकिन देखने की बात है कि वो कितना असर डाल पाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि ये जो सी ए है ये अंडर इंक्लूसिव एक एक्ट है ये जो तर्क है इस स्तर के अंतर्गत मैंने आपसे पहले कहा कि इस के चार हिस्से बनते हैं पहला हिस्सा बनता है कि तीन ही कंट्रीज को आपने क्यों चुना है क्यों तीन ही कंट्रीज क्यों भाई बाकी देशों को क्यों नहीं चुना बाकी देश भी तो आसपास थे उनको भी चुन लेते एक तो ये प्रश्न है दूसरा प्रश्न है कि सिर्फ रिलीजियस प्रोजिक्यूशन को ही क्यों चुना है तीसरा प्रश्न है कि छह रिलीजन्स को ही क्यों चुना है और चौथा प्रश्न यह है कि 2014 की 31 दिसंबर की तारीख को ही क्यों चुना है देखिए जब भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो आपको इन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा कि इतना ही क्यों बाकी क्यों नहीं ये जवाब तो देने पड़ेंगे सरकार को सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ है या नहीं है और इसका देखते कि सरकार के पास क्या तर्क है तीन ही देशों को क्यों चुना है तो सरकार ने सी जब कोई एक्ट आता ना शुरू में उसका पर्पस बताया जाता है ऑब्जेक्टिव बताया जाता है कि एक्ट हम क्यों लेके आ रहे हैं बिल क्यों लेके आ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है और उसमें भारत सरकार ने साफ साफ लिखा है कि हमारे आसपास पास जो देश उन सब देशों में तीन ही देश ऐसे हैं जिनके पास एक स्टेट रिलीजन है जो राजकीय तौर पर किसी धर्म विशेष को मानते हैं अब यह बात बहुत रोचक है अफगानिस्तान का स्टेट रिलीजन इस्लाम है पाकिस्तान का इस्लाम है जब बांग्लादेश बना था मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश तो वो तो धर्मनिरपेक्ष देश था लेकिन नाइनटीन में आके बांग्लादेश भी इस्लामी गणतंत्र हो गया तो इस्लाम वहाँ का स्टेट रिलीजन हो गया बाकी देशों की बात करें जैसे नेपाल है नेपाल में स्टेट रिलीजन नहीं है पहले हुआ करता था तो नहीं है बर्मा में भी नहीं है श्रीलंका में भी नहीं है इन देशों में ये जैसे बर्मा हुआ श्रीलंका हुआ भूटान हुआ इन सब देशों में ये जरूर है कि एक धर्म को विशेष महत्व दिया गया विशेष पहचान दी गई है किंतु राजकीय धर्म के रूप में उसको अनाउंस नहीं किया गया है श्रीलंका में बौद्ध है जैसे म्यांमार में या बर्मा में जैसे बौद्ध धर्म है भूटान में जैसे बौद्ध धर्म है इन सबको एक मान्यता है विशेष मान्यता है लेकिन राजकीय धर्म की, की मान्यता नहीं है नेपाल में हिंदू धर्म के पक्ष में कुछ कानून हैं लेकिन राजकीय धर्म की मान्यता नेपाल में हिंदू धर्म के नहीं है चीन में तो कोई धर्म राजकीय धर्म है ही नहीं वो तो नास्तिक विचारधारा वाला देश है तो सरकार का सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है कि क्योंकि इन तीन ही देशों में राजकीय धर्म है इसलिए धार्मिक उत्पीड़न का खतरा इन तीन देशों में ज्यादा है अब सी मेरे फायदे में है मेरे नुकसान में है आपके फायदे में आपके नुकसान में वो तो अलग बात है अभी केवल तर्क की बात करें तो मेरा अपना ख्याल है कि जब यह जवाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी तो यह जवाब सामान्यतः उस ऑब्जेक्शन को सेटिस्फाई कर देगा जो ऑब्जेक्शन इसके बेस पे लगाया गया है और मुझे नहीं लगता कि यह वाला ऑब्जेक्शन बहुत दूर तक चल पाएगा फिर दूसरा है केवल धार्मिक उत्पीड़न क्यों लिया है बाकी उत्पीड़न क्यों नहीं लिया है मैं इसका एक विस्तृत जवाब आपको देता हूं इसे यूं समझें जैसे भारत में सबसे पहले एससी और एसटी का आरक्षण शुरू हुआ तब ओबीसी का आरक्षण नहीं था भारत में एससी एसटी का आरक्षण तो संविधान लागू होने के समय से चल रहा था नाइनटीन में आके उन्नीस में पहली बार ओबीसी का आरक्षण शुरू हुआ और ओबीसी का आरक्षण हुआ लेकिन सवर्ण समुदाय में गरीबों का आरक्षण शुरू नहीं हो पाया हुआ रद्द हो गया हुआ रद्द हो गया और फाइनली 2019 के आसपास 2018-19 में आकर ईडब्ल्यू का आरक्षण शुरू हुआ महिलाओं का आरक्षण अभी भी सेंट्रल सर्विसेज में नहीं है लोकसभा अभी तो मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोकसभा विधानसभा में भी हो जाए पंचायती राज में हो गया है लेकिन बड़े जो संस्थाएं हैं लोकसभा है, है विधानसभा वहां तक नहीं हुआ है यूपीएससी में नहीं हुआ स्टेट पीसीएस में हो गया है तो हम यूपीएससी को ध्यान रख के बात करते हैं यूपीएससी में एस सी आरक्षण शुरू से चल रहा था ओबीसी का आरक्षण यूपीएससी में, में मेरे ख्याल से 1993 के आसपास शुरू हुआ ईडब्ल्यू का आरक्षण यूपीएससी में दो के एग्जाम से शुरू हुआ मान लीजिए कि महिलाओं का आरक्षण यूपीएससी शुरू करती है आज से दस साल के बाद तो हम कहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन भी यूपीएससी में आ गया कल्पना कर, कर लेते हैं 2028 के आसपास से आ गया अब एक सवाल का जवाब दीजिए जब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं हुआ था तब तक भी एस सी का आरक्षण तो जस्टिफाइड था ही एस सी का आरक्षण इस ग्राउंड पे कभी खारिज नहीं हुआ कि ये अंडर इंक्लूसिव है इसमें ओबीसी शामिल नहीं है इसमें ईडब्ल्यू शामिल नहीं है इसमें विमेन शामिल नहीं है फिर जब ओबीसी का आरक्षण में शुरू हो गया तो ये दोनों वैलिड हो गए इस ग्राउंड पर ये दोनों आरक्षण खारिज नहीं हुए थे कि इसमें गरीबों को आरक्षण नहीं मिला है आगे चल के ई को मिल गया आगे चल के हो सकता है महिलाओं को मिल जाए आगे चल के हो सकता है थर्ड जेंडर को मिल जाए आगे चल के हो सकता है एल को मिल जाए आगे चल के हो सकता है किसी और को भी मिल जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी अदालत अंडर इंक्लूसिविटी को अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आधार नहीं मानती है और यदि सरकार ने केवल इतना कह दिया कि भाई हम शुरुआत कर रहे हैं धार्मिक उत्पीड़न से तो रिलीजियस प्रोजिक्यूशन से हम शुरुआत कर रहे हैं और हम इसका रिजल्ट देख के आगे आने वाले समय में बाकी प्रोजिक्यूशंस को भी लेंगे यह सरकार यही कह दे कि पिछले पचास साल का अनुभव ये कहते हैं सत्तर साल का अनुभव यह कहता है कि उत्पीड़नों में धार्मिक उत्पीड़न सबसे ज्यादा मात्रा में होता है इन देशों में बाकी उतना नहीं होता है और अगर बाकी कोई केस आएगा तो हम वन टू वन बेसिस पर तो सरकार को अधिकार है ही नियम बनाने का तो बना देंगे लेकिन अभी एक पॉलिसी के तौर पर हम इससे शुरुआत कर रहे हैं आगे चल के देखेंगे इसको प्रोग्रेसिव इंक्लूजन कहते हैं प्रगतिशील समावेशन के समय के साथ हम समावेशन को और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे फिलहाल शुरुआत के लिए हम ये कर रहे हैं सरकार की नीयत कैसी मुझे नहीं पता हो सकता है कि सरकार की नीयत बहुत अच्छी ना हो हो सकता है लेकिन नीयत कैसी है इससे फर्क नहीं पड़ता आर्गुमेंट कैसा है इससे फर्क पड़ता है कोर्ट में और ये आर्गुमेंट ऐसा है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत स्कोप बचेगा नहीं विपक्षियों के पास बहुत स्कोप बचेगा नहीं सिर्फ इतना कह देना कि हम प्रोग्रेसिवली इंक्लूजन को बढ़ाएंगे प्रगतिशील तरीके से समावेशन को बढ़ाएंगे बात खत्म हो जाती है छह ही धर्म क्यों लिए हैं तीसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है तो जब कोई पूछेगा कि छह ही धर्म क्यों लिए हैं तो इसमें जो सवाल उठेगा वो ये उठेगा कि भाई आपने मुस्लिम्स को क्यों नहीं लिया एक सवाल तो ये उठ सकता है एक सवाल उठ सकता है कि आपने यहूदियों को ज्यूस को क्यों नहीं लिया तीसरा हो सकता है कि आपने जो नास्तिक लोग हैं जो अथीस्ट लोग हैं उनको क्यों नहीं लिया और चौथा कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के अंडर भी बहुत सारे सब सेक्ट्स हैं उनको क्यों नहीं लिया सूफी को क्यों नहीं लिया शिया को क्यों नहीं लिया अहमदिया को क्यों नहीं लिया हजारा को क्यों नहीं लिया इन सबको क्यों नहीं लिया इनके भी जवाब सरकार के पास मेरी समझ है कि विद्यमान है क्या जवाब है देखिए सरकार सीधा कहेगी मुसलमानों को इसलिए नहीं लिया कि वो मेजॉरिटी हैं और किसी भी देश में धार्मिक आधार पर मेजोरिटी के साथ शोषण हो रहा हो ये बात बोधगम्य नहीं है इंटेलिजिबल नहीं है इसलिए मुस्लिम राजकीय धर्म को मानने वाले देश में मुसलमानों के साथ उत्पीड़न हो गया हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं इसलिए उनको लेने का मतलब था ही नहीं यहूदियों को क्यों नहीं लिया तो सरकार इसका जो आर्गूमेंट दे सकती है देखिए यहूदी पाकिस्तान में कराची में करीब 700 परिवार यहूदियों के रहते हैं बांग्लादेश में बहुत थोड़े से परिवार हैं अफगानिस्तान में केवल एक आदमी है जो यहूदी है कुछ साल पहले दो थे अब उनमें से एक रहा नहीं तो केवल एक आदमी यहूदी है और एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है उन दो यहूदियों के बजर तक तो दो थे उनमें झगड़ा था एक ही बिल्डिंग में रहते थे दो कोनों में आपस में झगड़ा करते थे हमेशा और उन पर खूब नाटक बने यूरोप में खूब प्रसिद्ध नाटक हुए अब उनमें से एक बचा है बेचारा और जो बचा है उसकी फैमिली इसराइल में है और इसराइल में उसकी फैमिली ने इच्छा जताई कि वापस आ जाए तो उसने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊँगा मैं तो अपने इसी स्थान पर मरूँगा वो यहूदियों के एक धार्मिक स्थान का संरक्षक है उसका ध्यान रखता है ऐसा एक व्यक्ति है सरकार कह सकती है कि हम यहूदियों को शामिल कर लेते किंतु जितने भी हमारे पास केसेस हैं जो लोग आए हैं भारत में चाहे वो वीजा लेके आए हो परमिशन लेके आए हो या जिन्होंने शिकायत दर्ज की हो कि उत्पीड़न हुआ हमारे पास एक भी केस यहूदी का अब तक आया नहीं है लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो सरकार कहेगी ठीक है हुजूर हम यहूदियों को इसमें शामिल कर लेते हैं या सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम इसमें यहूदियों को भी शामिल करते हैं ताकि उनके साथ भी अन्याय ना हो बात है तब सरकार कहेगी हमें कोई दिक्कत ही नहीं है यहूदी आ जाए हमें क्या परेशानी है और यहूदी एक भी ऐसा है नहीं जो आ रहा हो क्योंकि यहूदियों का दुनिया भर में एक खास ट्रेंड है वो जहाँ बसे हुए ठीक से हैं और जब वो छोड़ते हैं अपनी जगह जनरली इसराइल जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो उनके समुदाय का उनके धर्म का एक पूरा देश है जहाँ उनको विशेष सुरक्षा महसूस होती होगी जो नास्तिक हैं उनको आपने क्यों नहीं शामिल किया तो सरकार कह सकती है कि अभी तक की स्थिति में नास्तिक हमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण वर्ग लगता नहीं है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है जब ऐसे केसेस आएंगे तो वन टू वन बेसिस पर हम देख लेंगे और ज़रूरी होगा तो आगे चल के रूल्स में संशोधन कर देंगे फिलहाल हमारे पास जो रिसर्च है जो सर्वे है ऐसे केसेस नहीं के बराबर हैं इसलिए हमने शामिल नहीं किया है पर्याप्त है जब आप इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है फिर सरकार कह सक मतलब विरोधी कह सकते हैं कि भाई मुसलमानों के अंदर भी तो माइनॉरिटीज होते हैं आपने इनको क्यों नहीं शामिल किया है इस पर सरकार का तर्क ये होगा कि फिलहाल हमने जो इंक्लूजन किया है धर्मों का किया है हमने धर्मों के उपधर्मों का या संप्रदायों का नहीं किया है प्रोग्रेसिव इंक्लूजन के तहत हो सकता है कि आगे चलकर हम इस पर भी विचार करें और अगर हम इस स्तर पर गए तो क्योंकि ये सवाल केवल यहाँ थोड़ है ये सवाल तो बाकी में भी हो सकता है यहूदी भी एक प्रकार के नहीं होते हिंदुओं में भी कई प्रकार के हिंदू हो सकते हैं सिखों में भी कई प्रकार के सिख हो सकते हैं तो हमने अभी एक स्तर तक का वर्गीकरण लिया है उसके बाद का वर्गीकरण हो सकता है कि हम अगले स्तर पर लें फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं लग रही अगर सरकार ये तर्क देती है तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इस पर भी विरोध नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रिजम्पन ये है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो सोच समझ के ठीक पॉलिसी बनाई होगी विरोधियों को साबित करना होगा कि सरकार की पॉलिसी गलत है और मुझे लगता है कि जब तर्कों की बात होगी तो साबित करना आसान नहीं होगा बेशक नीयत के स्तर पर आप कितना भी स्पष्ट हो कि सरकार ने कुछ और ही सोचा हुआ है लेकिन आप उसे साबित कैसे करेंगे कोर्ट में सवाल तो ये है अंतिम बात है तर्क आएगा कि भाई 2014 में आपने 31 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी तो सरकार कह सकती है कि हम कोई भी तारीख चुनते तो यह सवाल उठ ही जाता कि यही तारीख क्यों चुने आप कोई तारीख चुन के बता दीजिए और जब उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे सर देखिए 2014 में हमारी अपनी सरकार बनी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अवैध जो आप्रवासन है माइग्रेशन है वो रुके तो 2014 के बाद यदि माइग्रेशन गलत तरीके से हो रहा है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती ही है तो हमारी एक सिंपल पॉलिसी ये थी कि अब तक जो हो गया सो हो गया अब तो हम इलीगल इमिग्रेशन नहीं होने देंगे इसलिए हमने 2014 चुना और इकतीस दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी ताकि जो प्रक्रियागत चीजें हैं उसमें आसानी रहे तारीखों के फेर में ज्यादा ना पड़ना पड़े हमने पूरे वर्ष को मान लिया कि 2014 तक जो आ गए उनको हम परमिशन देंगे 2014 के बाद जो आएंगे उनको परमिशन नहीं देंगे तो ये एक मोटा मोटा तर्क है लेकिन सरकार कह सकती है कि हुजूर अगर आपको ठीक ना लगे आप तारीख चेंज कर लीजिए दो हजार तेरह कर लीजिए बारह कर लीजिए दस कर लीजिए अठारह कर लीजिए उससे हमें क्या दिक्कत है क्योंकि कोई ना कोई तारीख चुननी है और इसका तर्क सरकार ने दिया भी नहीं है अब तक जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी एक्ट का बिल का ना उसमें भी इसके बारे में लिखा नहीं है सरकार ने कि हमने ये तारीख क्यों चुनी है पर सरकार ये कह सकती है कि हम कोई भी तारीख चुनेंगे तो उस पर यह ऑब्जेक्शन आ सकते हैं कि यही तारीख क्यों चुनी है तो कोई तो तारीख चुननी है तो हमने एक सैद्धांतिक व्यवस्था के तहत एक तारीख को चुन लिया है व्यवहारिक रूप में चुन लिया है यदि आपको तारीख बदलनी है तारीख बदल दीजिए उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरा ख्याल है कि इन सारे ग्राउंड्स को तो देखने के बाद क्या होगा सुप्रीम कोर्ट पूरा सी ए खारिज करेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है हाँ सुप्रीम कोर्ट यह कर सकता है कि इनमें से कुछ बातों को जैसे यहूदियों को शामिल करने के लिए बोल दे डेट को चेंज कर दे या सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि भाई जो आपने इसके रूल्स बनाए हैं उन रूल्स में कुछ चेंजेस कीजिए क्योंकि कुछ रूल्स नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ हैं ये हो सकता है अभी तो रूल्स बन के आए ही नहीं है जब रूल्स बन के आएंगे तब उसको देखेंगे अभी तो सी ए प्रैक्टिकली अप्लाई हुआ भी नहीं है जब होगा तब रूल्स का सवाल उठेगा और तब उसको देखना होगा कि क्या करें तो एक पक्ष यहाँ खत्म हुआ सी ए की संवैधानिकता और मेरी अपनी समझ ये है कि सुप्रीम कोर्ट शायद ही इसकी संवैधानिकता पर कोई सवाल खड़ा करे या खारिज करे ज्यादा संभावना यह है कि कुछ छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास से सी पास हो जाएगा दिक्कत आएगी तो बाद में आएगी शुरू में अभी दिक्कत आएगी इसकी संभावना मेरे हिसाब से थोड़ी कम ही है चलिए अब सी पूरा पढ़ने के बाद हम देख सकते हैं कि जो एन है एनआरसी है उसका क्या मसला है और सबसे पहले बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा था कि सर जनगणना यानी कि सेंसस तो होता ही है तो सेंसस क्या है और ये एनपीआर क्यों उससे अलग है एनआरसी क्या मसला है इन सबको अलग अलग क्यों किया जाता है इन सबको एक ही क्यों नहीं मान लिया जाता है इस तरह के कुछ सवाल थे तो मुझे लगा एक बार आपको संक्षेप में समझा दें कि सेंसस यानी कि जनगणना और उससे इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है बहुत संक्षेप में समझ लेते हैं ताकि बात थोड़ी स्पष्ट रहे सेंसस जो है जिसको जनगणना कहते हैं आपको पता है कि हर दस साल में एक बार होता है पहली बार यह हुआ था अठारह में उसके बाद से एक जो अंत वाला साल होता है ना जैसे 2011 अब 2021 में होगा 2001 हजार एक उन्नीस सौ उसमें होता है 1948 में एक एक्ट बना था जिसका नाम था सेंसस एक्ट सेंसस एक्ट जब भी कोई आपसे पूछे जनगणना क्या है तो जनगणना इस एक्ट के तहत होने वाली एक कार्यवाही है एक प्रक्रिया है इस बात को हमेशा ध्यान रखिए तो सेंसस एक्ट के तहत ये होता है और यदि सेंसस एक्ट के बेस पर थोड़ा सा और जान लें कि इसमें क्या क्या जाना जाता है इसमें क्या होता है कि एक खास तारीख को देश भर में हर जगह कौन कौन व्यक्ति मौजूद है उन सबका लेखा जोखा बनता है इसका जो पर्पज़ है असल में जब 1948 में भारत के आज़ाद होने के बाद एक्ट बना नेहरू जी की अप्रोच थी इसके पीछे नेहरू जी मानते थे कि देश का डेवलपमेंट ठीक से रेगुलेट करने के लिए मॉनिटर करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए आजकल डेटा साइंस बोलते हैं ना कुछ कुछ वैसी बात नेहरू जी ने उस जमाने में की कि डेटा साइंटिफिक होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे तो हमें हर दस साल में डेटा मिलता रहे आंकड़े मिलते रहे कि हमारी स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुँची है तो हमारे लिए आगे की योजना बनाना पॉलिसी बनाना आसान रहेगा और इसलिए हर दस साल में जैसे 2021 में जो होने वाला है ना 2021 के लिए जो होने वाला है उसके भी दो चरण होते हैं इसके हमेशा दो चरण होते हैं पहले चरण को बोलते हैं हाउस लिस्टिंग और दूसरा चरण होता है जिसको एनुमरेशन कहते हैं यानी कि गणना करना व्यक्तियों की गणना करना इसको बोलते हैं एनुमरेशन जो हाउस लिस्टिंग है वो पहला चरण होता है पहला फेज जैसे अभी जो 2021 की जनगणना है उसके लिए 2020 के अप्रैल से लेकर सितंबर तक पहला चरण होना था हाउस लिस्टिंग का जो नहीं हो पाया कोविड की वजह से अब शायद लेट होगा जो सेकंड फेज है वो होता है उसमें फरवरी महीने में हम काउंट करते हैं और दिमाग में एक मार्च की तारीख रखते हैं तो फरवरी महीने में एक खास ड्यूरेशन में पूरे देश में लोग जाते हैं एक एक घर में वहां के लोगों की डिटेल्स को एंट्री करते हैं तो उससे हमारी जो पूरी प्रोसेस पूरा होता है उसको बोलते हैं जनगणना जनगणना के बारे में एक दो तथ्य मैं आपको और बताऊं जनगणना कौन करवाता है तो जनगणना होम मिनिस्ट्री के अंडर होती है एम एच ए और एम एच ए के अंडर कौन करवाता है तो एक अधिकारी है उस अधिकारी का नाम होता है रजिस्ट्रार जनरल तो रजिस्ट्रार जनरल आपने एक शब्द सुना होगा पंजी, पंजी एक बोलते हैं उसको है ना तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और इसी के लिए एक दूसरा नाम होता है सेंसस कमिश्नर तो इसका पूरा नाम है रजिस्ट्रार जनरल एक्स ऑफिशियो सेंसस कमिश्नर जो रजिस्ट्रार जनरल होता है वही सेंसस कमिश्नर भी होता है इसका मतलब ये हुआ ये जो अधिकारी है इसके अंडर देश के सब अधिकारी काम करते हैं इस प्रोसेस के दौरान और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है और सेंसस एक्ट के तहत इसको शक्तियां मिली हुई हैं कि यह इस प्रोसेस को पूरा करेगा तो यह जनगणना करवाता है अब मैं आपको एक रोचक सी बात और समझाता हूं कि आगे चल के उन्नीस में एक एक्ट एक बना जिसको बोलते हैं बर्थ एंड डेथ एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट बोलते हैं और जब ये एक्ट बन गया इसका मतलब था कि भारत में जितने बच्चे पैदा होंगे जितने लोग मरेंगे उन सबका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन करवाने का फायदा यह होता है कि जो सेंसस है वो लगातार अपडेट होता रहता है कितने लोग मर गए कितने लोग पैदा हो गए तो उससे जनसंख्या पता लगती रहती है ये शक्ति भी इसी व्यक्ति को दी गई होम मिनिस्ट्री को ही दी गई और इसको रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ भी कहा जाने लगा एक ही पद है वही रजिस्ट्रार जनरल है वही सेंसस कमिश्नर है वही रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ है एक ही बात है अलग अलग एक्ट एक में एक ही पद को ये शक्तियां दे रखी हैं सेंसस में होता क्या क्या है सेंसस में देखिए क्या क्या देखते हैं सेंसस में व्यक्ति की कास्ट भी देखते हैं बस कास्ट में ध्यान रखना कि एस और एस ही देखते हैं बाकी कास्ट नहीं देखते हैं 1931 में आखिरी सेंसस था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जाति नोट की गई थी उसके बाद से ये देखते हुए कि जातिवाद का असर खराब हो सकता है जाति को नोट करना बंद कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कुछ दिन पहले कि भाई आप ओ बी का रिजर्वेशन दे रहे हैं और ओबीसी की काउंटिंग उन्नीस के बाद से हुई ही नहीं है उन्नीस की काउंटिंग के बेस पर 1990 के दशक में आरक्षण देना शुरू किया ये कितनी अजीब सी बात है इसलिए अगर आपको आरक्षण को मतलब सैद्धांतिक रूप से ठीक बनाना है तो कम से कम आपको यह पता होना चाहिए कि ओबीसी की आबादी कितनी है तो 2011 में सेंसस होने के बाद एक विशेष सेंसस फिर से हुआ था जिसको बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक सेंसस ऐसा कुछ नाम था उसका और उस सेंसस में प्रत्येक व्यक्ति की जाति को लिस्ट किया गया अब रोचक बात यह है कि उस सेंसस की रिपोर्ट्स अब तक पब्लिश नहीं हुई सरकार के पास तो है पर सरकार उसको पब्लिश करने से रुकी हुई है क्यों रुकी हुई है इस पर कुछ लोग कहते हैं कि उस सेंसस में यह पता लगा है कि जो जातियों की गणना है संख्या है वो ऐसी है कि यदि वो सामने आ गई तो उससे जो पॉलिटिकल माहौल है उसमें तूफान मच सकता है और इसलिए उसको शो नहीं कर रहे हैं पता नहीं क्या वजह है हो सकता है कल दूसरी पार्टी की सरकार बने उसको फ़ायदा दिखे तो वो जारी कर दें आंकड़े जैसे मनमोहन सिंह की सरकार जो थी उसने अपने सरकार के जाने तक भी धार्मिक जनगणना के आंकड़े जनगणना में ही होता धार्मिक भी वो आंकड़े पेश नहीं किए थे जब एनडीए की सरकार 2014 में आई तो उसने वो धार्मिक जनगणना के आंकड़े पेश किए क्योंकि कांग्रेस सरकार को धार्मिक आंकड़ों के पेश होने से डर था क्योंकि उस जनगणना में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू समाज जो 1951 में 85 परसेंट के आसपास पॉपुलेशन थी 84-85 के बीच में थी उनकी जनसंख्या पहली बार 80 परसेंट से नीचे आ गई 79.8 परसेंट शायद हो गई या हाँ 79.8 परसेंट हुई कांग्रेस सरकार को भय था कि अगर ये आंकड़ा बाहर आ गया तो बीजेपी इलेक्शन कैंपेन में इसका दुरुपयोग करके हिंदू समाज को ये कहे के कि आप, आप अल्पसंख्यक होने वाले हैं वोट हासिल कर सकते हैं तो वो आंकड़े जारी नहीं हुए थे बाद में एनडीए सरकार बन गई मोदी सरकार बनी उसने आंकड़े जारी कर दिए क्योंकि वो आंकड़े जारी होने से इस सरकार को फायदा होता है जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी होने से सरकार को फायदा नहीं होता है तो वो आंकड़े जारी नहीं हो रहे हैं कल को सरकार को दूसरी आएगी उसको फायदा होगा तो वो जारी कर देगी तो जो हमें समझना है कास्ट इसमें होती है रिलीजन भी इसमें होता है इसमें लैंग्वेज भी होती है कि व्यक्ति कौन सी लैंग्वेज बोलता है उसकी मातृभाषा क्या है कौन सी भाषा को जानता है ये भी इसके अंतर्गत होता है इसके अलावा लिटरेसी कितनी है इसके अलावा जीवन की सुविधाएं कितनी हैं बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं पीने लायक पानी है या नहीं क्या कोई व्यक्ति विकलांग है या दिव्यांग है तो फिजिकली हैंडी कैप या चैलेंज जो शब्द चलता है कानून में सामान्यतः वो भी काउंटिंग करते हैं इसके अलावा जितने भी सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जैसे शहरीकरण अर्बनाइजेशन किस मात्रा तक हुआ ये कितने लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं कितने लोग बाकी इकोनॉमिक प्रोफेशनस में लगे हुए हैं ये भी वो सारी की सारी चीज़ें जिनसे हम किसी इलाके की डेवलपमेंट का जायज़ा ले सकें वो सारी की सारी इसके तहत काउंट की जाती हैं और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है इसका पर्पस ये नहीं है कि भारत में नागरिक कितने हैं इसका पर्पस ये नहीं है कि कौन कहाँ रहता है इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि कितने लोग हैं किस इलाके में डेवलपमेंट का सीनरियो किस तरह का है और ताकि हम आगे प्लानिंग कर सके कि इस क्षेत्र में इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और उस क्षेत्र में उन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है सेंसस का होता है एनपीआर और एनआरसी का जिक्र पहले नहीं था एनपीआर और एनआरसी का जिक्र हुआ 2003 के रूल्स में मैंने आपसे पिछले डिस्कशन में बताया था कि 2003 में बल्कि इस डिस्कशन में भी शुरू में आपको याद दिलाया था कि 2003 में एनडीए ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था सिटीजनशिप एक्ट में उसको सी ए ए कहते हैं जिसमें पहली बार इलीगल माइग्रेंट्स का जिक्र हुआ उनको नागरिकता के अधिकार से वंचित करने की बात हो यानी कि नागरिकता नहीं दी जाएगी वंचित नहीं कर देंगे नहीं दी जाएगी ये लिखा गया उसी समय रूल्स बनाए गए थे जिनका नाम था सिटीजनशिप और ब्रैकेट में लिखा था रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 उस एक्ट में भी और रूल्स में व्यवस्था ये थी कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक की गणना करेंगे नागरिक रजिस्टर बनाएंगे और उनको नेशनल आई कार्ड देंगे ताकि उन आई कार्ड के बेस पे उनकी नागरिकता तो की पहचान हो सके अब तक जो पासपोर्ट से होती है उसके लिए हम एक आई कार्ड बनाएंगे इन 2003 के रूल्स में ही एनपीआर का भी जिक्र है और इन 2003 के रूल्स में ही एनआरसी का भी जिक्र है जिसको मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा पांच दस मिनट के बाद उसका नंबर आएगा तो विस्तार में देखेंगे फिलहाल ये समझ लीजिए कि सेंसस से अलग है लेकिन रोचक बात क्या है अगर आपसे कोई पूछे कि एनपीआर कौन करता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कौन बनाता है इसका उत्तर है कि यही जो सेंसस कमिश्नर है वो ही ये रजिस्टर भी बनाता है एनआरसी कौन करता है तो 2003 के एक्ट में एक प्रावधान है और रूल्स में भी एक प्रावधान है कि रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन एक नया पद है वो ये काम करेगा और रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन कौन है तो साथ में क्या लिखा है वही जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ है कितना घुमा फिरा के रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर भी है बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रार भी है एनपीआर यही करता है सेंसन कमिश्नर करता है और साथ में क्या लिखा है एनआरसी कौन करेगा एनआरसी करेगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन और ये कौन है ये वही है जो बर्थ एंड डेथ एक्ट के तहत रजिस्ट्रार है बर्थ और डेथ का कुल मिला के सार ये है एक ही अधिकारी है एक ही व्यवस्था है होम मिनिस्ट्री के अंडर है वही करवाती है जनगणना वही करवाएगा एन वही करवाएगा एनआरसी वही करवाता है बर्थ एंड डेथ एक्ट के तहत जितने भी जन्म होते हैं मृत्यु होती है उन सब के आंकड़ों का मतलब वो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन तो जो सिविक बॉडीज है ना म्यूनिसपल बॉडीज वो करती हैं बेसिकली लेकिन वो सब डेटा सारा पहुंचता है उस पूरे आंकड़े का जो व्यवस्थापन करना है उन सबको जो प्रोसेसिंग करनी है वो वाला काम जब होता है तो वो इस पद पर जाके होता है ये इसका पूरा सार है अब इसमें डिबेट क्या क्या निकलती है वो इसके बाद का हिस्सा है यहां से हम आगे देखना शुरू करते हैं अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर थोड़ा सा संक्षेप में सो समझ लेते हैं क्या होता है देखिए इस पर हम दो बातें समझ लेते हैं क्योंकि आजकल डिबेट यही चल रही है बहुत ज्यादा और कई लोग परेशान है कि उनकी नागरिकता बचेगी या नहीं बचेगी एक तो ये कि ये क्या है दूसरा ये कि कब होता है कैसे होता है और तीसरा इसको कैसे और इसी में हम समझ लेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए जाते हैं क्योंकि आजकल पूरे देश में एक ही भय है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे और हम देश के नागरिक माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे ये वाला भय है एनपीआर क्या होता है मैंने आपको हल्का सा संकेत कर दिया कि एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है और पॉपुलेशन शब्द पे जरा गौर कीजिए पॉपुलेशन क्या है सेंसस तो सिंपल सी बात है जो जो व्यक्ति उपलब्ध है उन सबकी काउंटिंग कर लेते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है कि ये व्यक्ति कब से यहाँ रह रहा है कहाँ से आया है क्यों है कुछ नहीं जो व्यक्ति एक स्थान पर है एक घर में रहता है उसी काउंटिंग कर लेंगे नाम और नोट कर लेंगे सेंसस में तो ऐसे होता है पॉपुलेशन का मतलब देखिए पॉपुलेशन में जो होते हैं इस एक्ट के हिसाब से पॉपुलेशन का मतलब ये है एक शब्द का इस्तेमाल किया गया इस एक्ट में Uh, 2003 के रूल्स में और वो है यूजुअल रेजिडेंट्स यूजुअल का मतलब है सामान्यतः निवासी किसी क्षेत्र विशेष में सामान्यतः निवास करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि वो वहां की पॉपुलेशन का हिस्सा है तो पॉपुलेशन रजिस्टर के हिसाब से पॉपुलेशन का मतलब है यूजुअल रेजिडेंट सामान्यतः निवासी या सामान्य निवासी सामान्य निवासी की कसौटी क्या रखी गई कसौटी ये है कि जो व्यक्ति एक स्थानीय क्षेत्र में छ महीने से रह रहा है या अगले छ महीने रहने की मंशा रखता है तो छ महीने से रह रहा है या छ महीने रहने की मंशा रखता है या दोनों कैटेगरीज में आता है उसको मान लेंगे कि वो वहां की पॉपुलेशन का हिस्सा है और एनपीआर में उसको शामिल कर लिया जाएगा इतनी सी बात है अब देखिए पॉपुलेशन में तो ऐसा हो सकता है ना जैसे मैं कहूँ कि पॉपुलेशन है कल्पना कीजिए कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जब जनगणना हुई तो उसके आसपास हमने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम भी किया और मान लीजिए कि वहाँ एक फ्लैट में कुछ कोरियन बच्चे रहते हैं कोरिया के बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास रहता हूँ इसलिए मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ उनसे पूछा गया कि भाई तुम कब आए थे भारत में उन्होंने कहा कि हमें आए हुए एक साल हो गया है तो अब क्या कर रहे हैं तो हम डेली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर हमारा हो गया अब दो साल और है ये भी पॉपुलेशन है ये नागरिक नहीं है ये पॉपुलेशन है क्यों क्योंकि ये यूजुअल रेजिडेंट हैं उस इलाके में छह महीने से रह रहे हैं छह महीने कम से कम और भी रहने वाले हैं तो ये भी एनपीआर का हिस्सा बनेंगे इसे ध्यान रखना है पॉपुलेशन में सिटीजन भी हो सकते हैं और नॉन सिटीजन भी हो सकते हैं नागरिक तो हो ही सकते हैं लेकिन जो भारत के नागरिक नहीं है किंतु भारत में एक दीर्घ आवास एक लॉन्ग स्टे के मूड से रह रहे हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं तो पॉपुलेशन का मतलब यहां पर ये यह है दूसरा सवाल है कि पॉपुलेशन का रजिस्टर जो बनता है कब बनता है तो देखिए जो रूल्स हैं रूल्स में बहुत स्पष्ट रूप में लिखा नहीं है लेकिन इसका जो सामान्य मतलब लिया गया वो ये है कि जब सेंसस होता है मैंने आपसे कहा ना कि सेंसस के दो चरण होते हैं तो सेंसस का जो पहला चरण है उसको बोलते हैं हाउस लिस्टिंग जिसमें सारे घरों का एक वो मैपिंग कर लेते हैं कहाँ कितने घर हैं कहां मतलब बस्तियां पर कितनी कितनी है उसको हाउस लिस्टिंग कहते हैं तो व्यवस्था यह कि सेंसस के हाउस लिस्टिंग चरण के साथ ही एनपीआर का, का काम हो जाता है और ये कब हुआ जब 2003 में रूल्स बन गए तो अगला सेंसस कब हुआ? 2011 में हुआ 2011 के सेंसस के लिए जो हाउस लिस्टिंग वाला चरण था 2010 में हुआ तो 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने पहली बार एनपीआर करवाया जो कि 2011 की जनगणना के पहला चरण यानी कि हाउस लिस्टिंग वाले चरण के साथ किया गया था ये हो गया कोई शोर शराबा नहीं हुआ कोई इसमें धूमधाम नहीं हुई आराम से हुआ क्योंकि बीजेपी ने नियम बनाए थे कांग्रेस करवा रही थी तो हल्ला कौन मचाता तो उन्होंने सहमति थी जब एनडीए की सरकार बन गई तो एनडीए की सरकार ने 2015 में इसका अपडेशन करवाया यानी कि 2010 में जो एनपीआर हुआ था उस एनपीआर को अपडेट करवा लिया और अपडेशन के प्रोसेस को वैसे ही करके एक एक घर में लोग गए वहां पूछा पता क्या कौन नए लोग हैं जो पॉपुलेशन में आते हैं उन सबकी लिस्ट भी शामिल करवा ली अब 2015 के बाद ये जो अगला होने वाला है एनपीआर जिस पर आजकल खूब शोर मचा हुआ है वो एनपीआर आप कह सकते हैं कि दूसरा एनपीआर क्योंकि अब तो एक ही हुआ है 2015 में तो अपडेशन हुआ था 2010 के एनपीआर के बाद दूसरा एनपीआर होने वाला है 2020 में जो कि अभी चल रहा है ध्यान रखना है 2021 के सेंसस के लिए जो पहला चरण था हाउस लिस्टिंग वाला फेज वो फेज अप्रैल से सितंबर 2020 में होना था और एमएचए का डायरेक्शन यही थी कि उसी चरण के साथ में हम एन को कर लेंगे लेकिन कोविड 19 की वजह से वो चरण तक शुरू हो नहीं पाया है इसका मतलब एन जो सितंबर 2020 तक खत्म हो जाना चाहिए था अभी नवंबर शुरू हो गया है अब तक वो शुरू हुआ नहीं है तो था तो यही लेकिन अभी हुआ नहीं है अब आपके मन में सवाल आएगा इसको लेकर इतना शोर क्यों था शोर था डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और ये एनपीआर कैसे होता है एनपीआर कैसे होता है ये तो मैं आपको समझा दिया कि जब जनगणना का पहला चरण होता है लोग घरों घरों में जाते हैं वहां पर इंफॉर्मेशन जुटाते हैं तो उसी समय साथ में वो सब फॉर्म वगैरह भर लेते हैं तो उससे एनपीआर हो जाता है डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं देखिए 2010 में जो एनपीआर हुआ था उसमें चौदह डिटेल्स लोगों से ली गई थी इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना आवश्यक नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स को दिखा के वेरीफाई करवाना काफी होता है लेकिन हाँ वो डिटेल्स नोट की जाती हैं उन चौदह में क्या था अगर मैं सेंसस से तुलना करूं सेंसस तो मैंने दिया इसमें जाति नहीं पूछते इसमें धर्म नहीं पूछते हैं इसमें भाषा नहीं पूछते हैं इसमें साक्षरता को लेकर विशेष बात नहीं होती है इसमें क्या होता है कुछ बेसिक बातें हैं जिनका संबंध सामाजिक आर्थिक विकास से नहीं होता है बिजली आती है घर में नहीं आती है पानी आता है कि नहीं आता है ये सब नहीं पूछता इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह की कि आप करते हैं वो सब इसमें रुचि नहीं है इसमें जो एक्स्ट्रा चीज होती है इन चौदह में एक तो है बायोमेट्रिक्स और बायोमेट्रिक्स आते आप समझ सकते हैं कि यह मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है क्योंकि देश की सरकार को चिंता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन लोग रहते हैं ये भी जस्टिफाइड बात है किसी भी संप्रभु देश की सरकार को ये तो पता होना ही चाहिए कि उसके देश में कौन कौन लोग रहते हैं अमेरिका हो फ्रांस हो इंग्लैंड हो ऑस्ट्रेलिया हो चीन हो किसी भी देश में जितने भी लोग रहते हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं उन सब के बारे में जानकारी सरकार को है कौन रहता है कहाँ रहता है किस स्टेटस में रहता है सबको पता ही है और पता होना ही चाहिए किसी भी देश को पता होना चाहिए अब जब एनडीए की सरकार आई तो एनडीए की सरकार ने क्या किया यानी कि दो में जो ये होने वाला था इसमें सरकार ने इन चौदह इंफॉर्मेशन में सात इंफॉर्मेशन और बढ़ा के इक्कीस कर दिया इस पर शोर है वो जो सात चीजें बढ़ाई हैं वो क्या क्या बढ़ाई हैं उनमें एक बढ़ाया है मदर और फादर का प्लेस ऑफ बर्थ इसका मतलब यदि सरकार के लोग मेरे पास आएंगे मुझसे कहेंगे भैया आपका नाम हम वो चौदह डिटेल्स तो ले लेंगे पहले फिर उस साहब से पूछेंगे एक बात और बताइए कि आपके जो पेरेंट्स हैं आपकी माता जी का जन्म कहाँ हुआ था आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ था बहुत लोगों को पता होता है बता देते हैं बहुत लोगों को नहीं पता होता बहुतों को तो अपना ही नहीं पता होता है अधिकांश लोगों को तो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता जो पुराने लोग हैं उनसे डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे बोलते हैं कि जिस साल बाढ़ आई थी उसके अगले साल जन्म हुआ था हमारा तो वो बाढ़ के हिसाब से काउंट करते हैं कि हमारा जन्म बाढ़ के पहले हुआ था कि बाढ़ के बाद में हुआ था तो कैसे करेंगे तो एक तो है कि मदर और फादर का प्लेस ऑफ बर्थ हालांकि सरकार ने कहा कि कंपल्सरी नहीं है हम फॉर्म में क्वेश्चन रखेंगे जिनको पता है बता दें जिनको नहीं पता वो ना पता लेकिन हाँ ये फॉर्म में है फिर कहा है कि भाई आपका पासपोर्ट नंबर क्या है अगर पासपोर्ट है तो उसका नंबर बता दीजिए अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो उसका नंबर बता दीजिए डिटेल दे दीजिए उसकी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी डिटेल दे दीजिए इसके अलावा यदि आप मोबाइल फोन रखते हैं तो मोबाइल फोन का नंबर अपना दे दीजिए और यदि आपके पास आधार कार्ड है और अगर आप देना चाहें ऑप्शनल है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंपल्सरी नहीं कर सकते हैं आधार कार्ड यदि है और नंबर देना चाहते हैं तो वो नंबर भी दे दीजिए हमारे आंकड़ों में चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो पाँच ये और दो ये मदर फादर का प्लेस ऑफ बर्थ ये सात एंट्रीज नहीं हैं जिनको लेकर खूब शोर है बहुत सारे राज्य सरकारों ने कहा कि ये गलत है हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे आदि 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 आगे हम थोड़ी देर में ये भी समझेंगे कि राज्य सरकारें जो विरोध कर रही हैं विरोध करने का हक है भी ये यूं ही झुंझुना बजा रही हैं ये भी समझेंगे लेकिन हाँ ये विरोध हुआ है तो ये है एन का पूरा स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से एन को लेकर आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा तो चलिए एन समझने के बाद अब देखते हैं कि जो एनआरसी है वो क्या चीज़ है क्योंकि उसको लेकर भी इस समय शोर बहुत ज़्यादा है एनआरसी को लेकर जो समझना है सबसे पहली बात कि ये क्या है इसमें भी दूसरी बात समझेंगे कब यानी कि ये कब हुआ था या कब होगा जो भी है और तीसरा समझेंगे कि ये कैसे होता है इसकी प्रक्रिया क्या होती है और डॉक्यूमेंट्स को लेकर बड़ा आजकल विवाद है कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स है नहीं बाढ़ में बह गए या, या किसी वजह से स्पेलिंग मिस्टेक है आदि 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 वो जो सारे डर हैं उन डरों को ब्याज निकालते हैं समझते हैं कि क्या मसला है देखिए एनआरसी क्या है एनआरसी का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा रजिस्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट एक ऐसा डेटाबेस कह लीजिए जिसमें भारत के सभी नागरिकों का जिक्र हो यानी कि सिटीजन्स की सूची हो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि सिटीजन्स का रजिस्टर होना एक सामान्य बात है जो किसी भी देश में होता है जैसे अमेरिका की बात करें उदाहरण के लिए अमेरिका में जितने भी लोग हैं कौन है या तो हैं वहाँ के या वो लोग हैं जो घूमने के लिए आए हुए हैं या वो हैं जो वहाँ नौकरी करने के लिए आए हुए हैं जो घूमने के लिए गए हैं वो टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं जो नौकरी करने गए हैं वो एच वन बी वीज़ा पे गए हैं और जो वहाँ के नागरिक हैं उनके पास वहाँ के पासपोर्ट हैं डॉक्यूमेंट्स हैं यदि किसी व्यक्ति के पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो अवैध प्रवासी है इलीगल इमिग्रेंट है सिंपल सा फार्मूला है किसी भी संप्रभु देश के पास ये शक्ति तो होती ही है होने भी चाहिए कि उसको ये पता हो कि उसकी देश की सीमाओं के भीतर कौन कौन रहता है और उसके नागरिक कौन हैं कितने हैं कहाँ रहते हैं ये जो स्टेटस है कि हमें अपने सिटीजन्स की पूरी जानकारी हो उसको बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एन सिटीजन्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं एक सिटीजन्स वो हो सकते हैं जो हमारे देश में रेजिडेंट भी हैं जैसे हर रेजिडेंट सिटीजन नहीं होता मैंने भी आपसे कहा था ना कि जैसे हमने एन किया पॉपुलेशन में हमने शामिल किया उन लोगों को जो तो छह महीने से यहाँ रह रहे हैं या छः महीने रहने वाले हैं विदेशी भी हो सकता है जो वीजा लेके आया हुआ है वो भी एनपीआर का हिस्सा है ऐसे ही सिटीजन्स में रेजिडेंट भी हो सकते हैं नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं रेजिडेंट का मतलब है वो सिटीजन जो भारत में रह भी रहे हैं जैसे मैं हूँ आप वीडियो देख रहे हैं आप में से अधिकांश लोग ऐसे ही होंगे लेकिन जो लोग भारत के सिटीजन्स हैं सिटीजन कोई है या नहीं इसकी सिंपल सी पहचान है कि उसके पास पासपोर्ट किस देश का है या किस देश से पासपोर्ट बनवाने की अर्हता है हम पासपोर्ट बनवाएंगे भारत का बनेगा तो हम भारत के नागरिक हैं अब अगर भारत का कोई व्यक्ति भारत का पासपोर्ट बनवा के किसी दूसरे देश से वीजा लेके वहाँ चला गया है कुछ सालों के लिए कुछ महीनों के लिए पढ़ने के लिए नौकरी के लिए रिसर्च के लिए किसी भी काम के लिए बिजनेस के लिए गया है लेकिन पासपोर्ट इंडियन है तो उसको हम क्या बोलते हैं एन आर आई नॉन रेजिडेंट इंडियन नॉन रेजिडेंट इंडियन में ध्यान रखना है इंडियन का मतलब ही है कि वो भारत का नागरिक है उसके पास पासपोर्ट भारत का है तो सिटीजन्स के रजिस्टर में हम उन सब की एंट्री करते हैं जो भारत के नागरिक हैं वो नागरिक चाहे भारत में रहते हों चाहे भारत में ना रहते हों अगर उन सबका एक डेटाबेस हमारे पास होगा तो उसी को हम कहेंगे कि वो हमारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है जो कि सामान्यता है एक सामान्य बात है इसमें कोई खास बात नहीं है ये किसी भी देश में होता है होना चाहिए मैं इसमें कोई बुरी बात है ना कोई चिंता की बात है अब सवाल है कि भारत में एनआरसी वाली बात जो है कब हमारे सामने आई इसके उत्तर दो तरह से दिए जा सकते हैं सबसे पहली बात है कि उन्नीस में पहली बार भारत में एक एनआरसी हुआ नेहरू जी ने करवाया और वह एनआरसी केवल असम में हुआ था ध्यान रखिएगा उन्नीस तो सौ का असम एनआरसी असम में ही एनआरसी क्यों हुआ था मैंने पिछली क्लास में आपको विस्तार में बताया था कि 1950 सौ होते होते नेहरू जी को समझ में आया था कि बांग्लादेश की तरफ से मतलब जो उस समय ईस्ट बंगाल था ईस्ट पाकिस्तान था सोरी वहां से बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है लियाकत नेहरू समझौते में यह हुआ था कि मना नहीं करेंगे वापस नहीं भेजेंगे लेकिन नेहरू जी को लग गया था कि जो लोग वहां के माइनॉरिटीज नहीं है बल्कि इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर जमीन ज्यादा मिल रही है यहाँ संसाधन ज्यादा है उनको भेजना जरूरी है तो उस समय नेहरू जी ने एक एक्ट पारित करवाया था संसद से जिसमें आ, इमिग्रेंट्स रिपल्शन एक्ट बोलते हैं असम का कि जिसमें ऐसे आप्रवासियों को वापस भेजने की बात थी जो माइनॉरिटीज में नहीं आते हैं किंतु भारत में आ गए हैं और उसी समय इसी का भविष्य अनुमान करते हुए नेहरू जी समझ गए थे कि भविष्य में बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है उन्होंने 1951 के जो सेंसस हुआ था ध्यान रखना है 1951 में सेंसस मैंने आपसे पहले ही कहा कि सेंसस हर दस साल में होता है और उन वर्षों में होता है जिनके अंत में एक लगा होता है उन्नीस सौ इकतीस इकतालीस इक्यावन इकसठ इकहत्तर इस तरह से होता है तो उन्नीस सौ इक्यावन के सेंसस के बाद नेहरू जी ने एक आदेश दिया कि उस सेंसस के बेस पे ही एक एनआरसी बनाओ जो कि केवल और केवल किसके बारे में होगा असम के बारे में होगा ताकि ये पता लगे कि उन्नीस की जनगणना में कितने ऐसे लोग थे जो भारत के नागरिक थे और असम में रह रहे थे ये काम 20 दिन में हो गया था जनता को नहीं बताया गया था इंटरनल प्रोसेसिंग से हुआ था इसके बारे में थोड़ी सी बात हमने पिछली बार की थी थोड़ी सी होगा तो आज फिर से बात करेंगे उसके बाद असम में आपको पता है कि खूब झगड़े हुए असम आंदोलन हुआ असम समझौता उन्नीस हुआ उसमें कहा गया था कि जनता जो बाहर के लोग आए हैं 1971 25 मार्च के बाद उनको वापस भेजेंगे इस सब के लिए जरूरी था कि वहां पर फिर से एक एनआरसी हो ताकि ये पता तो लगे कौन कौन नागरिक हैं और जो नागरिक नहीं हैं उन पर हम कोर्ट केस चला के ट्रिब्यूनल में केस चला के अगर वो विदेशी हैं तो उनको वापस भेजें और यदि वो विदेशी नहीं है तो उनको भारत का नागरिक मान लें एक पूरा प्रोसेस था जो होना था पर वो प्रोसेस हुआ नहीं होते होते जब बहुत दबाव बना तो 2010 में 2010 में सेंटर में यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की और स्टेट में असम में जो सरकार थी तरुण गोगोई जी की कांग्रेस की सरकार थी मैंने पहले कहा कि कांग्रेस की सरकार आमतौर पर इस मुद्दे पर शांत रहती है क्योंकि अब सीधी भाषा में कहें तो वो उनका वोट बैंक है बीजेपी का वोट बैंक हिंदू वोट बैंक है और कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है तो अपने अपने हिसाब से दोनों पार्टियां अपनी पॉलिसी बनाती हैं और ये भी अपने आप में शायद सामान्य बात है हर देश की पॉलिटिकल पार्टी जैसी बिहेव करती हैं तो 2010 में एक कोशिश की गई एनआरसी करने की और जब एनआरसी करने की बात आई तो उन्होंने क्या किया कि, कि दो सब डिविजन्स में प्रयास किया दो अलग अलग जिलों की एक एक सब डिविजन में एक पायलट प्रोजेक्ट किया कि हम कैसे कर सकते हैं एनआरसी पर इस पर इतना शोर मचा इतना हंगामा हुआ कि चार हफ्ते होते होते इतनी हिंसा इतनी आगजनी हुई कि इस पूरे प्रोसेस को रोक देना पड़ा और उसके बाद से ऐसा माहौल बन गया कि शायद अब इस देश में या कम से कम असम प्रांत में एनआरसी नहीं हो पाएगा ऐसा माहौल बन गया था लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन थी उस पिटीशन का फैसला दो जज की बेंच ने किया उनमें से एक जज थे जो बाद में हमारे चीफ जस्टिस हुए और आजकल राज्यसभा के मेंबर भी हैं मिस्टर रंजन गोगोई रंजन गोगोई संयोग से असम से ही थे और उनके पिता भी चीफ मिनिस्टर असम के रह चुके हैं दो महीने के लिए ये बात 1979 के आसपास की है जब उनके पिता जनता पार्टी से सीएम बने थे केवल उन्नीस में सॉरी दो महीने के लिए और फिर उन्नीस से 85 कांग्रेस की सरकार जो थी जिसको हितेश्वर सैकिया की सरकार कहते हैं उसमें भी वो एक मिनिस्टर के रूप में कांग्रेस में रहे थे तो एक अतीत पॉलिटिकल रहा उनका वहां उन्हीं के सुपुत्र बाद में सुप्रीम कोर्ट में के चीफ जस्टिस बने और संयुक्त से इस बेंच में वो भी शामिल थे और 2013 के इस फैसले में जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस रोहिंटन जो नरीमन है उन्होंने फैसला किया कि असम सरकार और भारत सरकार तुरंत एनआरसी करवाने की व्यवस्था असम में करे ताकि असम एकॉर्ड का सम्मान पूर्वक तरीके से पालन किया जा सके 2013 के अंत में फैसला हो गया नोटिफिकेशन हो गया दिसंबर में कि एनआरसी होगा और होते होते ये हुआ 2019 में जाके फाइनल हुआ तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ दो से दो तक असम में एक एनआरसी हुआ इसकी बात मैं आगे विस्तार में करूंगा क्योंकि ये अभी करंट में चलने वाली एक बड़ी डिबेट है इसका मतलब यह हुआ 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 कि एनआरसी एनआरसी क्या है है आपने समझ कब हुआ? अब तक तीन बार हुआ है। तीनों बार असम में हुआ है उन्नीस में हुआ दो में होने की कोशिश हुई हो नहीं पाया और 2013 से 19 के बीच में एक बार फिर से हुआ सेकंड टाइम हुआ लेकिन सवाल यह है कि एनआरसी केवल असम में क्यों तो पूरे देश में होने की बात है तो पूरे देश में जब होगा तो कैसे होगा तो इसका संबंध इस बात से है जो 2003 के रूल्स हैं 2003 के सिटीजनशिप रूल्स जो बनाए थे एनडीए की सरकार ने उसमें एनआरसी का जिक्र एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है उसके पहले हल्का सा एक रेफरेंस देखना हो उन्नीस और 2010 के बीच में तो जब 1964 में शास्त्री जी, जी की सरकार थी लाल बहादुर शास्त्री जी की उसने एनआरसी की कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश भी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उससे पहले युद्ध हो गया पाकिस्तान से फिर उनकी मृत्यु हो गई तो प्रोसेस वहां रुक गया था लेकिन हाँ एक ईमानदार कोशिश उन्होंने भी की थी 2003 के रूल्स में एनआरसी की पूरी व्यवस्था है जिन रूल्स में एनपीआर की व्यवस्था है उन्हीं रूल्स में जो एनआरसी है उसकी व्यवस्था भी है और एनआरसी कैसे होता है वो एनपीआर के साथ होता है असम की तरह से नहीं होता है एनपीआर के साथ क्लब करके एक प्रोसेस है प्रोसेस के भी आपको समझाऊंगा तो बेसिक बात सिर्फ इतना समझे कि एनआरसी में केवल भारत के नागरिकों की लिस्ट होती है ऐसी कोशिश अब तक असम में हुई है दो तीन बार पूरे भारत में अब तक ऐसी कोशिश नहीं हुई है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका मानना है कि ये होना चाहिए और प्रेजेंट एन गवर्नमेंट से जो पहले एनडीए की सरकार थी उसके होम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी जी ने 2003 के रूल्स में एनआरसी की पूरी व्यवस्था करवा दी थी और उसी के बेस पे अब एनपीआर और एनआरसी करवाने की बात पूरे देश में चल रही है अब कोई पूछ सकता है कि एनपीआर और एनआरसी में क्या संबंध है इसको लेकर अगर आप भारत सरकार की बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अगर उससे पूछें तो वो बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है उनसे पूछो कि सी ए ए और एनआरसी और एनपीआर में क्या संबंध है कोई संबंध नहीं है एनपीआर एनआरसी में क्या संबंध है कोई संबंध नहीं है अगर आप विपक्षी लोगों से पूछें, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे पूछें, तो वो कहते हैं कि संबंधी संबंध सम्मंध है गहरा संबंध दोनों के बीच में और एन पहला चरण है उसके बाद दरअसल तो एनआरसी होगा और एनआरसी होने के बाद बहुत सारे लोगों को देश से बाहर निकाला जाएगा इस तरह का भय उनके मन में दिखाई पड़ता है सच क्या है अगर आपको इसका सच समझना हो तो सच समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2003 के रूल्स में और अगर आप मुझसे पूछें कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है तो इस मामले में विपक्ष जो कह रहा है वो सच कह रहा है इनके बीच में गहरा संबंध है और वो गहरा संबंध देखना हो तो कुछ नहीं करना है किसी से पूछना नहीं है वो केवल 2003 के रूल्स में से कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेनी है और पढ़नी भी कहें मैं बताए रहा हूँ केवल सुन लेनी है देख लेनी है जरूरी लगे तो कुछ नोट्स में नोट कर लेनी है नहीं तो सुन लीजिए बात खत्म की 2003 के रूल्स में क्या लिखा है मैं आपको समझाता हूं देखिए 2003 के रूल्स कहते हैं कि सबसे पहले एनपीआर होगा ठीक एनपीआर तो मैंने आपको बता दी कैसे होगा सेंसस का जो पहला फेज होता है जिसको बोलते हैं हाउस लिस्टिंग फेज उसमें एनपीआर हो जाता है और सबके बारे में बेसिक जानकारियां जुटा ली जाती है एनपीआर कैसे होता है तो सेंसस करने वाले लोग ही एनपीआर कर लेते हैं तो इतना ही मामला है डिटेल्स आ जाती है अब जब एनपीआर हो जाता है एनपीआर होने के बाद अगला जो स्टेप है वो स्टेप है एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कैसे होता है प्रोसेस समझ लीजिए कई लोग कह रहे हैं कि केवल असम में एनआरसी करवाने में बारह हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए पूरे देश में करवाएंगे तो पता नहीं वो कितने लाख करोड़ खर्च हो जाएंगे सब बेकार की बातें ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे देश में जो एनआरसी होगा वो असम वाले स्टाइल से नहीं होगा असम में क्यों ऐसे हुआ थोड़ी देर में समझेंगे पूरे देश में जो एनआर होना है वो एन ऐसे नहीं होना है वो केवल एनपीआर के बेस पे ही हो जाएगा अंदर ही अंदर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा इस तरह से होगा कैसे होगा 2003 के रूल्स में लिखा हुआ है मैं उन्हीं रूल्स के बेस पे आपको समझा रहा हूं कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा देखिए एनआरसी ऐसे होगा कि जैसे मान लीजिए कि सेंसस हुआ और सेंसस के साथ में एनपीआर हो गया अब एनपीआर का जो डेटा है रजिस्टर है वो रहेगा अथॉरिटीज के पास देखिए एक है लोकल रजिस्ट्रार किसी जो जैसे गांव समझ लीजिए किसी गांव में जो अधिकारी जिम्मेदार है जनसंख्या के रजिस्ट्रेशन के लिए या नागरिक रजिस्ट्रेशन के लिए उसको बोलते हैं लोकल रजिस्ट्रार कई लोकल रजिस्ट्रार्स के ऊपर जो अगला स्तर है उसको बोलते हैं सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मोटी भाषा में समझ लीजिए कि जो एक सब डिविजन होती है किसी जिले में जैसे एस होता है ना आप समझ लीजिए एस ही इसमें सब डिविजन रजिस्ट्रार होगा और सब डिविजनल रजिस्ट्रार के ऊपर होगा जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मोटे तौर पे कलेक्टर या डीएम को समझ लीजिए कि वही डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार भी होगा इसका मतलब नागरिक के रजिस्ट्रेशन के लिए जिले के अंदर तीन पद हैं एक है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो कि डीएम है एक है सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो कि एसडीएम के इक्विवेलेंट है सब डिविजनल रजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट है एक है लोकल रजिस्ट्रार जो गांवों में पंचायत के स्तर का कोई अधिकारी आमतौर पर पटवारी को आप मान सकते हैं शहरों में जो वार्ड होते हैं उन वार्ड के स्तर का या दो वार्ड या चार वार्ड मिला के उस स्तर का एक अधिकारी होगा वो वहां पर उस तरह से काम करेगा ये सिस्टम है और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के बाद एक होगा स्टेट रजिस्ट्रार स्टेट रजिस्ट्रार के बाद एक होगा नेशनल रजिस्ट्रार और नेशनल रजिस्ट्रार वही है जिसको हमने कहा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन जो होम मिनिस्ट्री में बैठता है ये वही व्यक्ति है जो सेंसस का भी कमिश्नर है जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का भी प्रमुख है जो एनपीआर का भी प्रमुख है और जो ये जो सिस्टम है एनआरसी उसका भी प्रमुख है यह सिस्टम ऐसे काम करता है अब देखिए ध्यान से देखिए क्या सिस्टम है जब एनपीआर हो जाएगा एनपीआर हो चुका है कुछ नहीं करना है जनता से नहीं पूछना है सबसे पहले लोकल रजिस्ट्रार का यह काम है लोकल का मतलब जो पंचायत के स्तर का गांव के स्तर का अधिकारी है उसका यह काम है वो अपने गांव के एनपीआर को ध्यान से देखेगा अब वो क्योंकि लोकल अधिकारी वो सबको जानता है गांव में कौन रहता है कहां रहता है सबके बारे में उसको आइडिया रहता ही उसका रोज का उठना बैठना है मिलना जुलना है सबके साथ जब वो सबकी लिस्ट देखेगा सबका नाम ऑक्यूपेशन क्या है पेरेंट्स का नाम क्या है फिर पासपोर्ट है ड्राइविंग लाइसेंस है वोटर कार्ड है वो सब देखेगा उसको गांव के लगभग हर व्यक्ति के बारे में पता है कि कौन कब से यहाँ पर रहता है और किसकी बैकग्राउंड क्या है उसको अच्छे से पता है कि कौन व्यक्ति इस गाँव का यूजल रेजिडेंट है और कौन नकली तरीके से डिटेल्स अपने देना चाहता है तो जिन केसेस में उसको डाउट होगा वो उन केसेस के सामने एक शब्द का इस्तेमाल करेगा डाउटफुल या केवल डी लिखेगा डाउटफुल ये उसको सबसे पहले करना है ध्यान रखना है कि एनआरसी के लिए घर घर नहीं जाना है एनपीआर के डेटा को मैच करना है और जहां लोकल रजिस्ट्रार को लगेगा कि डेटा में कुछ मिस है डाउटफुल है वो उस घर में जाके बातचीत करेगा वेरीफाई करेगा और जब वेरिफिकेशन करने के बाद उसको लग गया कि मामला गड़बड़ है तो वो उसके सामने लिखेगा डाउटफुल जब डाउटफुल लिख देगा तो सेकंड स्टेप क्या है सेकंड स्टेप ये है कि वो उस व्यक्ति को सूचना भेजेगा कि भाई हम बना रहे हैं एनआरसी और हमें आपकी जो एंट्री है एनपीआर वाली वो डाउटफुल लग रही है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाना चाहते तो दिखा दीजिए ताकि हम फैसला कर सकें इसको आप कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का केस डाउटफुल है उसको सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा फिर वो व्यक्ति आएगा अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा प्रमाण लेके आएगा आस पड़ोसी को लेके आएगा पंचायत ले के प्रमुख को लेके आएगा कि इनसे पूछिए इनके दादाजी मेरे दादाजी एक ही जमाने के लोग हैं हम साथ ही थे ऐसे कई प्रमाण देगा वो और मेरा ख्याल है कि इन प्रमाणों का बहुत मूल्य है बर्थ सर्टिफिकेट का बहुत मूल्य है अगर कोई व्यक्ति वोट डाल रहा है पिछले दस बीस चालीस पचास साल में वोट डालता आया है उसके पेरेंट्स वोट डालते आए हैं तो ये पर्याप्त है साबित करने के लिए कि वो भारत का नागरिक है इसलिए आप में से जिसके पास डॉक्यूमेंट्स का भय है चिंता मत कीजिएगा अगर आपके परिवार के लोग वोट डालते आए हैं वोटर कार्ड उनके पास कार्ड हो ना हो वोटर लिस्ट में शामिल हैं तो ये अपने आप में ठोस प्रमाण है कि आप इसी देश के नागरिक हैं इसी इलाके में लंबे समय से रहते आए हैं यदि आपके पास वहाँ कोई संपत्ति है ज़मीन आपके नाम पर आपके नाम का मतलब आपके आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स किसी के भी नाम पर है ये अपने आप में एक प्रमाण है कि आप इस इलाके के रहने वाले हैं और यहाँ के नागरिक हैं तो इतना जो अफवाहें है, फैली हैं उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है इतना बुरा हाल नहीं है देश का जितना हम सोच रहे हैं इस समय सुनवाई करेगा सुनवाई करने के बाद लोकल रजिस्ट्रार अपने विवेक से जो उसको लगेगा वो फैसला कर लेगा और फैसला करके पहला चरण पूरा हुआ कि उसको जिस जिस पे डाउट था उसने फैसला कर लिया अब फैसला करने के बाद चौथा जो चरण है उसमें वो क्या करेगा चौथे चरण में वो एक ड्राफ्ट एनआरसी तो ड्राफ्ट लोकल एनआरसी कह लीजिए कि हमारे इलाके में कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ के नागरिक माने जा सकते हैं वो सबमिट कर देगा अपने वरिष्ठ अधिकारी सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को अब सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास ड्राफ्ट मतलब वो भेजेगा सूचना जो सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है वो इसको तो फाइनल कर लेगा अपने हिसाब से चेक कर लेगा जो जो केसेस है उनको देखने के बाद और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार इसको पब्लिश कर देगा ड्राफ्ट के तौर पर पब्लिश करेगा ड्राफ्ट पब्लिश करने का मतलब है कि भैया हमारी जानकारी के हिसाब से ये एनआरसी है सब लोग देख लें किसी को ऑब्जेक्शन हो तो हमारे पास अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दे जब ड्राफ्ट आएगा तो ड्राफ्ट के बाद अगला चरण क्या होगा अगला चरण ये होगा कि जिन लोगों की ऑब्जेक्शन हैं जिन लोगों का कोई आपत्ति है उनकी आपत्तियाँ मंगवाई जाएंगी वो ऑब्जेक्शन जमा करेंगे किसके पास सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करेंगे वो ऑब्जेक्शन होगी किसके बारे में लोकल रजिस्ट्रार के बारे में होगी कि उसने हमारा नाम इसमें से छोड़ दिया है सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट्स आएंगी ऑब्जेक्शन आएंगे सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार उन सबकी सुनवाई करेगा उन सब से बात करेगा उन सब के कागजात को देखेगा उनके तर्कों को सुनेगा और उसके बाद इसका निर्णय अपने स्तर पे करेगा निर्णय कर लिया निर्णय करने के बाद यह व्यक्ति पब्लिश कर देगा जो लोकल क्या कहना चाहिए जो लोकल एनआरसी होगा वो उसे पब्लिश कर देगा और पब्लिश करके कौन पब्लिश कर देगा ये सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पब्लिश करके ये भेज देगा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर का मतलब डीएम समझ लीजिए कलेक्टर समझ लीजिए उसके पास चला गया यानी कि हर एस ने अपनी सब डिवीजन के सभी गांवों का अलग अलग रजिस्टर के इकट्ठा करके अपने सब डिवीज़न का भेज दिया डीएम के पास डीएम ने सभी सब डिविजन के रजिस्टर बना के एक बना लिया डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफ सिटीजन और तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो है डीएम है वो इस रजिस्टर को भेज देगा सीधे नेशनल रजिस्ट्रार के पास होम मिनिस्ट्री में, में स्टेट रजिस्ट्रार को नहीं भेजेगा सीधे नेशनल लेवल भेजेगा लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग कहना चाहें कि भाई हमने ऑब्जेक्शन की थी सुनवाई से हम संतुष्ट नहीं है मैं अपील का अधिकार मिले तो उसकी व्यवस्था भी है उसकी व्यवस्था क्या है कि डीएम भेज तो देगा लेकिन उसके बाद भी सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने जो फैसले किए हैं उन फैसलों के खिलाफ आपत्ति या ऑब्जेक्शन या अपील यदि कोई करना चाहे तो वो अपील डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास कर सकेगा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सुनवाई करेगा और सुनवाई के बाद यदि फैसला नहीं बदला तो कोई बात नहीं अगर फैसला बदल गया तो बदले हुए फैसले को वो नेशनल रजिस्ट्रार के पास सूचना के तौर पर भेज देगा ताकि उस व्यक्ति का नाम भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में शामिल किया जा सके इस प्रोसेस के तहत एनआरसी होना है 2003 के रूल्स के तहत और इसके साथ में क्लब कर दिया कि एनआरसी को लगातार कर अपडेट करने के लिए क्या करेंगे जो बर्थ एंड डेथ है उसको बेस बना लेंगे मैं एक बार आपको ही बना के दिखाता हूँ जो अपडेशन ऑफ एनआरसी है वो कैसे होगा क्योंकि एक बार एनआरसी बन गया ये तो पर्याप्त नहीं है अपडेशन तो होते रहना चाहिए अपडेशन में क्या होगा कुछ नाम जोड़ने होंगे कुछ नाम हटाने होंगे तो जो नाम जोड़ने होंगे जो घटाने होंगे उनका तरीका क्या है जब नाम जोड़ने की बात आएगी तो एक तो जितने बर्थ हुए यह ध्यान रखना है कि नेशनल लेवल पे जो रजिस्ट्रार है बर्थ एंड डेथ का वही सिटीजनशिप का भी रजिस्ट्रार है तो डेटा उसके पास है ही जितने बच्चे पैदा होंगे भारत में उन सबको नागरिकता तो रजिस्टर में शामिल करते जाएंगे इसी प्रकार से अगर किसी विदेशी व्यक्ति को नागरिकता दी गई है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर किसी को दिया गया है तो उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे इसी प्रकार से इस बीच में जितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है डेथ हुई है उनका नाम सिटीजन रजिस्टर से हटाते जाएंगे अगर यदि किसी की नागरिकता टर्मिनेट हुई है या किसी व्यक्ति ने नागरिकता अपने आप छोड़ दी है या चला गया है किसी और देश की नागरिकता ले ली है उसका नाम हटाते जाएंगे और इस प्रकार से बर्थ और डेथ के साथ सिटीजनशिप दिए जाने और सिटीजनशिप छोड़े जाने के जो डेटा हैं उन डेटा को लगातार अपडेट करते हुए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये एक बार बना के छोड़ देंगे ऐसा नहीं है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है चलता रहेगा बनता रहेगा चलता रहेगा अपने आप में एनआरसी कोई बुरी चीज नहीं है आप देख रहे होंगे इसको कोई संप्रभु देश कोई भी स्वतंत्र देश अपने नागरिकों का रजिस्टर बनाए इसमें कोई आपत्ति की बात है ही नहीं होना ही चाहिए आपत्ति की जो बातें हैं वो दूसरी बातें हैं उस पर थोड़ी देर में हम आएंगे जिस पर अभी ऑब्जेक्शन ज्यादा हैं वो ऑब्जेक्शन कितने वैलिड हैं वो भी देखना है केवल ऑब्जेक्शन होने से वो वैलिड नहीं हो जाता ऑब्जेक्शन का जो मूल तर्क है और उस तर्क में जो वजन है वो भी देखना जरूरी है हम इसके बाद देखते हैं अब जहां से विवाद शुरू होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विवाद है असम का एनआरसी 2019 का असम के 2019 के एनआरसी के बारे में जो समझने वाली बातें हैं पहले तो हम ये समझते हैं कि ये क्या है या बल्कि करते हैं क्यों हुआ ये हुआ ही क्यों एक तो ये है दूसरा कर सकते हैं कि ये क्या है या साथ में देख लेंगे कैसे इसका प्रोसेस क्या था चौथा देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या रहा और पांचवा देखेंगे कि इसका प्रेजेंट स्टेटस क्योंकि पिछले साल खूब हल्ला मचा रहा 2019 में कि एनआरसी हो गया हो गया हो गया तो उसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है इस मामले में एक बार यह समझने का प्रयास करेंगे इसके बाद ये भी समझेंगे कि अगर आप एनआरसी में नहीं आ पाए कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल नहीं हो तो उसका क्या होगा ये भी समझेंगे क्योंकि चिंता का असली सवाल तो वही है ना तो उसको भी देखेंगे तो सबसे पहली बात असम का एन क्यों हुआ मैंने इसे जिक्र वो कर दिया था हल्का सा याद कर लीजिए कि उन्नीस से उन्नीस तक एक हुआ था असम मूवमेंट जबरदस्त आंदोलन हुआ था असम में जिसमें उन्नीस में तो करीब 2000 से ज़्यादा हत्याएं भी एक दिन में हुई थी नैली जनसंहार जिसे कहते हैं उसके बाद उन्नीस सौ में ही एक आई एक्ट भी आया था लेकिन उससे बात नहीं बनी थी तो राजीव गांधी जैसे ही पीएम बने थे उन्होंने एक असम एकॉर्ड किया था उन्नीस में ये भी आपको ध्यान होगा ही पिछली क्लास में या इसी डिस्कशन के पहले लेक्चर में मैंने बहुत विस्तार में आपको समझाया था कि असम एकॉर्ड में क्या क्या था ये पूरा आंदोलन अवैध आप्रवासियों के खिलाफ हुआ था और इसमें जो असम समझौते में सहमति बनी जो सहमति इंदिरा गांधी के साथ नहीं बन पाई थी जो यहां बनी वो ये थी कि 1966 तक एक जनवरी 1966 से पहले जो लोग आ चुके थे वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे एक जनवरी 66 से 25 मार्च 1971 के बीच में जो लोग आए थे उनको भी नागरिक मान लेंगे उनको पासपोर्ट भी जारी कर देंगे लेकिन उनको हम फॉरनर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्नीस का एक्ट था ये और 10 साल तक वो उसमें रजिस्टर्ड रहेंगे 10 साल के बाद उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे इन 10 सालों के लिए वोटिंग राइट्स उनके समाप्त हो जाएंगे और जो लोग 25 मार्च उन्नीस के बाद भारत में आए थे उनको हम क्या करेंगे सबसे पहले डिटेक्शन करेंगे डिटेंशन करेंगे उनको डीलिस्ट करेंगे यानी कि डिलीट करेंगे इलेक्टोरल रोल में से और उसके बाद डिपोर्ट कर देंगे यानी कि बांग्लादेश वापस भेज देंगे ये सहमति बनी थी और कांग्रेस सरकार ने उस समय वायदा किया था कि हम इस पर काम करेंगे वायदा तो हो गया था लेकिन उसके बाद उतनी शिद्दत से काम नहीं हुआ काम क्यों नहीं हुआ इसी क्लास में वो सब बातें हम कर चुके थे अब असम एकॉर्ड को सफल करने के लिए इसी असम एकॉर्ड की वजह से उन्नीस और छियासी में सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन भी हुए थे ध्यान रखिएगा याद रखिएगा इस असम एकॉर्ड को जमीन पे उतारने के लिए जरूरी था कि नागरिकों की पहचान हो असम में हर व्यक्ति की पहचान हो नागरिकता के लिए यह पहचान उसके बाद की सरकारों ने सीरियसली करने का प्रयास नहीं किया और जब नहीं किया और जब सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होने लगा उसने 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था वो जो एक्ट था जो इंदिरा गांधी जी ने उन्नीस में पास किया था आई एक्ट इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट ये ऐसा एक्ट था जो अवैध आप्रवासियों के खिलाफ दिखने की कोशिश करता था किंतु दरअसल उनके पक्ष में था क्योंकि उसमें उनको विदेशी साबित करना बड़ा मुश्किल था ओनस ऑफ प्रूफ राज्य पे था ना कि उस व्यक्ति पे था सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इसे खारिज कर दिया इस ग्राउंड पे कि जब पूरे देश में फॉरिनर्स सेक्ट चल रहा है तो एक राज्य में अलग एलोग क्यों चलेगा 2010 में जब दबाव ज्यादा हुआ तो 2010 से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक एनआरसी की कोशिश की गई किंतु वो कोशिश भी सफल नहीं हुई केवल दो सब डिविजन्स में हुआ और उसके बाद खूब हिंसा आगजनी हुई तो वो रुक गया उसके बाद ऐसा लगने लगा कि अब शायद नहीं होगा किंतु 2013 में एक रिव्यू पिटिशन रिव्यू नहीं सॉरी एक रिट को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट में दो जजेस की बेंच ने एनआरसी का आदेश दिया उसके बाद एनआरसी का नोटिफिकेशन निकला उसके बाद भी सरकार की कोशिश थी कि किसी तरह से काम चला लें ऐसा ना करना पड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी काम की स्पीड नहीं बढ़ी तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने एक अभूतपूर्व सक्रियता दिखाई क्या सक्रियता दिखाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है अब असम का एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में होगा सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में होगा हम डायरेक्ट करेंगे कैसे कैसे करना है इतना एक्टिविज्म दिखाया और जब कुछ लोगों ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में एक आर्टिकल है एक तो सौ ध्यान से पढ़ लो उसके बाद पूछना मत कुछ भी हमारे संविधान का अनुच्छेद एक कहता है कि देश के सभी सिविल तथा न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में काम करेंगे इस समय सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि देश के सारे जुडिशियल ऑफिसर्स यानी सभी अदालतों के सभी जजेस और सभी सिविल ऑफिसर्स सिविल सर्विसेज के सभी ऑफिसर्स आई हो आई हो पी हो कोई भी हो वो सभी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में काम करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो कोई चूं भी नहीं कर सकता उसके खिलाफ इतनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल एक के तहत है और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल एक को इस मामले में यूज किया और कहा कि इसके तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हम घोषणा कर रहे हैं कि एनआरसी ईमानदारी से हो इस बात की देखरेख हम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने एक काम और किया था इस प्रोसेस में असम में कौन व्यक्ति कन्वीनर होगा इस एनआरसी के प्रोसेस का उस व्यक्ति की नियुक्ति अपने स्तर पर की एक वहां सीनियर आईएएस ऑफिसर थे असम का में उस समय जिनका नाम था प्रतीक हाजेला मध्य प्रदेश के रहने वाले थे 1995 ऑफिसर ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने खुद नियुक्त किया कि असम स्टेट के एनआरसी को जो पूरा प्रोसेस पूरा करना है उसके जो कन्वीनर होंगे ये होंगे इनके तहत ये पूरा प्रोसेस चले रहा सारा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि आप पूरा प्रोसेस बना के दिखाइए कि कैसे होगा इसका प्रोसेस क्या होगा एनआरसी कैसे होगा और जो प्रोसेस था अगर मैं अलग पेज पर आपको बताऊं कि असम एनआरसी का जो प्रोसेस था वो कैसे हुआ थोड़ा सा ये भी समझते हैं देखिए इस प्रोसेस के बारे में में एक लाइन कहना हो एक शानदार प्रोसेस था सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में हुआ था पर शानदार से शानदार प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ कमियां छूट जाती हैं तो इस तरह का मामला समझ लीजिए ऐसा प्रोसेस था देखिए क्या प्रोसेस था इसमें सबसे पहले क्या किया गया जैसे अगर आप पासपोर्ट बनवाएंगे आजकल तो पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ एक ऐसे सेटअप बनाए गए उनको बोलते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएस के या बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ कोई व्यक्ति पासपोर्ट बनवाने के लिए जाए तो बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ उसको ट्रीट करते हैं और चीजें ठीक से हो जाती हैं उसी की तर्ज पर एन आर सी सेवा केंद्र बनाए गए और इन सेवा केंद्रों में क्या था ये डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इनमें पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इनसे युक्त सुविधाएं यहां पर इकट्ठी की गई थी और ये हर इलाके में एक एक सेंटर खोल दिया गया जो नोडल सेंटर था जो एनआरसी की प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए बनाया गया था फिर तय यह हुआ था कि कौन व्यक्ति नागरिक होंगे तो डॉक्यूमेंट्स के मामले में तय किया गया कि सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को उनके लिए एक शब्द चलता है लेगेसी डाटा लेगेसी डाटा का मतलब यह होता है कि एक तो उन्नीस का एनआरसी मैंने भी आपको बताया ना कि नेहरू जी ने उस समय एक एनआरसी करवा लिया था और दूसरा क्योंकि उन्नीस तक जो लोग आ चुके थे उनको भारत का नागरिक माना जाना था इसलिए तय हुआ कि जो वोटर्स लिस्ट थी 1971 तक अगर किसी व्यक्ति का नाम इसमें या इनमें से किसी वोटर लिस्ट में है 1971 तक की लिस्ट में है तो उसे कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं है उसे और उसके परिवारजनों को कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं है। उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा इसको लेगेसी डेटा कहा गया था और भी डॉक्यूमेंट्स है बहुत सारे लगभग चौदह डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे कि जिनको स्वीकार किया जा सकता है जैसे किसी को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिला हो उसको मान लेंगे भारत का नागरिक जैसे उस समय कई लोग ऐसे थे ना कि जो आज़ादी के साथ ही भारत में आ गए थे उनको सर्टिफिकेट दे दिए गए थे तो उनके पास सर्टिफिकेट है तो पर्याप्त है यदि किसी ने ज़मीन खरीदी है ज़मीन खरीदने के डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं उसको मान लेंगे लैंड रिकॉर्ड्स को देख लेंगे और लैंड रिकॉर्ड्स में अगर किसी का नाम आ रहा है पेरेंट्स का नाम आ रहा है पुराना तो मान लेंगे मान लीजिए कोई बाद का व्यक्ति है उसके पेरेंट्स का नाम इसमें है और उसके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट है जिससे पेरेंट्स का सर लिंक समझ में आ रहा है उसको मान लेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण आधार था लेगेसी डेटा जिसमें दो चीजें थी तो इस संस्था ने क्या किया इस लेगेसी डेटा को जो बहुत फटा मुड़ा थोड़ा सा था बहुत पुराना डॉक्यूमेंट से इन सब डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करवाया स्कैन करवाया स्कैन करवा के इंटरनेट पे उपलब्ध करवाया और जो ये जो एनआरसी एस के थे सेवा केंद्र थे वहां पर में सबको रखवा दिया तो एक तो इनको इजीली अवेलेबल करवाया गया इंटरनेट के माध्यम से दूसरा इन सारे सेंटर्स भी उपलब्ध करवा दिया ताकि कोई व्यक्ति अगर इंटरनेट को लेके सहज ना हो तो वहां जाए वहां लोग देख लेंगे इन डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना है तो बेचारा अनपढ़ आदमी इंग्लिश में तो नहीं करेगा तो सर्च करने के लिए इंग्लिश में बांग्ला में असमीज में इन सब भाषाओं में इसके सर्च के ऑप्शन क्रिएट कर दिए गए ताकि व्यक्ति अपनी भाषा में इन डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने में सहज हो सके ये सारी सुविधाएं इसमें बना दी गई ये सब कुछ किया गया ये सब करने के साथ में तीसरा काम किया था सबसे पहला प्रोसेस था एप्लीकेशन कि असम के सभी लोगों से कहा गया कि भाई एनआरसी शुरू हो रहा है इसमें आपका नाम भारत के उन नागरिकों में जो असम में रहते हैं उसमें आ जाए तो सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए सबमिट कहां करनी है यहीं आगे करनी है एसी में जब सबने एप्लीकेशन सबमिट कर दी कई लोग तो हीरो बन रहे थे कि हम एप्लीकेशन सबमिट नहीं करेंगे तो बाद में रोते हुए परेशान भी वही हुए अधिकांश लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट कर दी जब एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो अगला स्टेप क्या था वेरिफिकेशन तो अधिकारियों ने उन एप्लीकेशंस को प्राइमरी बेसिस पे वेरीफाई किया कि भाई मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग वो थे जिनके पास या तो ये था या ये था या कुछ और डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको नागरिक मान लिया उन सबको फ्री कर दिया कि आपका काम हो गया आप निश्चिंत होकर जाइए प्राइमरी वेरिफिकेशन में जो व्यक्ति जिनपे कुछ डाउट थे उनको प्राइमरी वेरिफिकेशन के बाद एक बार बताया गया कि ये दिक्कतें हैं और उनको एक तरह से आप कह लीजिए कि सुनवाई का मौका दिया गया कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स देना चाहें तो दे सकते हैं ये कह के बेसिक लेवल पे एक लेवल की स्क्रूटनी की गई ये प्रोसेस हुआ जब यह भी हो गया तो उसके बाद अगला स्तर यह था कि प्राइमरी ड्राफ्ट अब यहां पर आके बनना शुरू हुआ क्योंकि एक बेसिक लेवल की सुनवाई हो गई और ड्राफ्ट एनआरसी बनने लगा तो पहले लोकल लेवल पर प्राइमरी ड्राफ्ट बनाया गया पब्लिश किया गया उसमें जो ऑब्जेक्शन है उनको ठीक किया गया और करते करते अंत में जो पूरे एनआरसी का ड्राफ्ट बना ये 2018 की बात है वो ड्राफ्ट फाइनल किया गया ड्राफ्ट का मतलब है कि हमने जो एनआरसी बनाया है ये है इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बता सकते हैं हम फाइनल करने से पहले उसको ठीक कर लेंगे ये जो ड्राफ्ट बना इस ड्राफ्ट में 40 लाख लोग ऐसे थे जो असम के नागरिक यानी असम में रहने वाले भारतीय नागरिक नहीं बन पाए थे रिजेक्ट हो गया था तो इन सबको ये मौका दिया गया कि आप अपनी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं इनमें से अधिकांश लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाई या अपील दायर की उन ऑब्जेक्शंस और अपील्स पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद उनके केसेस को सेटल करने के बाद फाइनल जो एनआरसी बना असम का वो पब्लिश हुआ ये जो फाइनल एनआरसी पब्लिश हुआ अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि उस समय जो पॉलिटिक्स थी वो किस लेवल पे चली गई थी जब फाइनल एनआरसी पब्लिश होने वाला था उससे पहले ऐसा लगने लगा था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो बांग्लादेश के अवैध हाप्रवासी हैं देखिए भारत में डॉक्यूमेंट्स तो बने जाते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या अवैध आपसन नहीं है भारत की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है कोई विदेशी व्यक्ति भारत में घुस जाए एक बार पहली बार तो घुसने में भी भ्रष्टाचार हो सकता है मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ बहुत हास्यास्पद सी बात है हंसी मजाक की बात आपको लगेगी लेकिन ऐसा खूब हुआ 1970s और 80s में बांग्लादेश और भारत जैसे मान लीजिए ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है इतने सारे लोग जो भारत में आ गए करोड़ों लोग कैसे आ गए इसकी एक वजह तो ये है कि बॉर्डर इतना बड़ा बॉर्डर है और हर जगह आप चेकिंग नहीं कर सकते सीधी सी बात है एक तो ये कारण है केवल ये कारण नहीं है एक ऐसा दौर रहा है जहां भ्रष्टाचार खूब जम के हुआ और भ्रष्टाचार कैसा हुआ क्योंकि मुझे असम के एक दो मित्रों ने बताया कि किस तरह से होता है अब मैं उनकी बात को सही मान के बात कर रहा हूं अब मुझे नहीं पता कितनी सच बात है कितनी झूठ बात है लेकिन ऐसा उन्होंने बताया और बताया तो मेरा माथा तब से ठनका हुआ है जैसे मान लीजिए एक चेक पोस्ट है भारत में एक चेक पोस्ट है बांग्लादेश में यहाँ कुछ अधिकारी यहाँ कुछ अधिकारी है और मान लीजिए कि उनमें साठ गांठ हो गई जो कि असंभव नहीं है भ्रष्टाचार एक मानवीय समस्या है वो भारत की या बांग्लादेश की समस्या नहीं है एक ग्लोबल प्रॉब्लम है नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है और इस बात का पूरा खतरा है कि राष्ट्रवाद अपनी जगह भ्रष्टाचार अपनी जगह कल्पना कीजिए कि इन दोनों व्यक्तियों ने आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग बना ली और ये कहा कि भाई दस आदमी तुम भेज दो अपने हमारे देश में कोई बात नहीं उसके बदले इतने पैसे दे देना ऐसे बहुत आरोप लगे उस जमाने में आजकल तो मैंने सुना है कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं लेकिन पहले के ज़माने में क्योंकि उस समय सर्वेलेंस उतना बेहतर नहीं था हमारे सीमाएं बहुत सुरक्षित नहीं थी उस दौर में तब ये खूब होता था कैसे होता था अगर आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर देखेंगे इस समय तो वो तो काफ़ी सेफ बॉर्डर है वहाँ पर किसी का पार करना आसान नहीं है पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर में आज से दस बीस साल पहले तक चीज़ें बड़ी अलग किस्म की थी बड़ी आसान होती थी लेकिन डर तो लगता ही था कि कहीं पार करें उसी समय गोली लग जाए तो ऐसे कई लोग थे जो कोशिश करते थे कि वहां भी कुछ ऐसे लोग थे यहां भी कुछ ऐसे लोग थे जो सेटिंग्स करवाने का काम करते थे तो जो मैंने सुना एक व्यक्ति के मुंह से वो ये सुना कि क्या होता था जैसे मान लीजिए बांग्लादेश से किसी को भारत में आना है तो उसे क्या करते थे बांग्लादेश बॉर्डर के पास ले जाके छोड़ते थे और वो तेजी से वापस बांग्लादेश की तरफ भागता था तेजी से और जैसे वो बांग्लादेश में तो भागता था बांग्लादेश का ही है बांग्लादेश में ही है बांग्लादेश की ये तरफ ही भाग रहा है और तब उसको बांग्लादेश के जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग थे अरेस्ट कर लेते थे और खूब मारते थे कस के और बोलते थे कि भारत से आदि बांग्लादेश में आ गया देखिए भागरा हमने पकड़ लिया है फिर भारत की जो चौकी पे लोग थे उनको बोलते थे कि भारत का आदमी भागरा हमने इसको अरेस्ट कर लिया है और उसे सुपुर्द कर दिया और उसको भारत में दो चार लात लातवात मार के भगा दिया कि ऐसे क्यों करते और सच क्या है उस आदमी ने बांग्लादेश से भारत में घुसने के लिए रिश्वत दी हुई है मुझे नहीं पता कि अब की क्या स्थिति है भगवान करे कि ऐसा कभी ना हो ना होता हो ना पहले होता हो लेकिन ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है और भ्रष्टाचार जो ना करवाए और अगर ये आदमी भारत में घुस गया तो उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि उसको डॉक्यूमेंट्स बनवाना कितना मुश्किल काम है सबको पता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तो भारत में हालत ये है कि आप दिल्ली में रह कर कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बन किया जाता है आपको जाना भी नहीं पड़ता एक बार भी ऐसे देश में कोई अगर अपना फ़ोन लगवाना चाहे फोन लग जाएगा फ़ोन का बिल आएगा फोन का बिल दिखा के एक और डॉक्यूमेंट बन जाएगा बिजली का बिल आना शुरू हो जाएगा ये दोनों बिल दिखा के राशन कार्ड भी बन जाएगा राशन कार्ड बन जाएगा तो वोटर कार्ड भी बन जाएगा आधार कार्ड भी बन जाएगा कौन बनेगा और इसलिए जब एनआरसी पूरा होने लगा तो ये समझ में आ गया कि जिन लोगों को एनडीए ए की सरकार देश से निकालना चाह रही थी उनमें से अधिकांश लोग तो एनआरसी में शामिल हो चुके हैं और उसी समय फाइनल रिपोर्ट आने से पहले फाइनल रिपोर्ट तो आई थी इसकी अगस्त में ये जो फाइनल एनआरसी पब्लिश हुआ यह पब्लिश हुआ है अगस्त 2019 में और सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक निवेदन किया और निवेदन ये किया कि हमें ऐसा लग रहा है कि एनआरसी में कुछ घपला हुआ है चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है तो हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर बीस परसेंट और बाकी जिलों में दस परसेंट एनआरसी में जो लोग आए हैं उनको क्रॉस चेक करें फिर से चेक कर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया प्रतीक हजेला जी को मैंने नाम लिखा था यहाँ पर अच्छा पिछले पेज पर था जो कन्वीनर थे असम के उनको बुलाया उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 27 प्रतिशत केसेस को पहले से री चेक कर चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी जब 27 परसेंट केस चेक हो ही चुके हैं तो अब 20 परसेंट या 10 परसेंट चेक करके क्या फ़ायदा उठाएंगे छोड़िए मना कर दिया और वो मना करने के बाद असम का एनआरसी फाइनल पब्लिश हुआ और जब ये पब्लिश हुआ तो डेटा क्या कहता है डेटा यह कहता है कि असम में कुल तीन दशमलव तीन करोड़ लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया इनमें से तीन दशमलव एक एक करोड़ यानी कि तीन करोड़ ग्यारह लाख लोग जो हैं वो सिटीजनशिप रजिस्टर में शामिल हो गए जो शामिल नहीं हुए उनकी संख्या है उन्नीस लाख अब कई लोग परेशान हैं कि इतने कम क्यों हैं ये तो चालीस लाख पचास लाख साठ लाख होने चाहिए थे तो उन्नीस लाख ही हैं और उसके ऊपर से जो वर्तमान सरकार है असम की उसके लिए चिंता की बात यह है कि इन उन्नीस लाख में से लगभग बारह लाख लोग गैर मुसलमान हैं हिंदू हैं उनका तो ये अरमान था उनका तो ये सपना था उनकी तो ये समझ थी कि इसमें अधिकांश लोग तो मुसलमान निकलेंगे इसमें तो अधिकांश हिंदू निकल गए हैं इस बात से ये समाज बहुत नाराज है इस बात से असम में नाराजगी बहुत ज्यादा है और इसलिए असम का फाइनल एनआरसी जिसने 19 लाख लोगों को असम का नागरिक नहीं माना उसके अंतर्गत बीजेपी का मानना है कि वो फेल हो गया सबका मानना है कि फेल हो गया अलग अलग वजहों से सबको लगता है कि वो फेल हो गया है और इसलिए एनआरसी का प्रोसेस अगर आप मुझसे पूछे कैसा था मैं कहूंगा कि प्रोसेस बहुत साइंटिफिक था कन्वीनर जो थे उन्होंने बहुत ताकत लगाई टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया कोशिश की कि न्यूनतम समस्याओं के साथ सारी चीज़ें हों इतने बड़े प्रोजेक्ट में समस्याएं ना हो ये हो नहीं सकता है समस्याएं होती हैं बहुत लोग परेशान होते हैं परेशानियां झेलनी पड़ती हैं सही बात है इसके बावजूद उन सीमाओं के इन उन सीमाओं के बावजूद अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के देख में हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ कन्वीनर ने भी बड़ी अच्छी मेहनत की लेकिन अंत में जब निष्कर्ष निकला तो निष्कर्ष ऐसा था जिसको लेके अधिकांश लोग असहमत थे कोई तो बहुत सहमति इससे बन नहीं पाई ये असम एनआरसी की बात थी मैंने क्यों हुआ समझा दिया कैसे हुआ समझा दिया इसका रिजल्ट क्या था ये समझा दिया अब सवाल है कि इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है उसके लिए फिर हम एक और स्लाइड ले समझते हैं कि असम एनआरसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है देखिए अगस्त 2019 में असम एनआरसी फाइनली आ गया अगस्त महीने की बात है जब वो पब्लिश हुआ तो जब पब्लिश हुआ तो ये मान लिया गया कि फाइनल हो गया लेकिन उसके बाद असम में जो एनडीए के घटक थे उन्होंने कहा कि ये तो अपर्याप्त है बेकार है उन्नीस लाख ही लोग आए हैं बहुत सारे अवैध अप्रवासियों ने नकली डॉक्यूमेंट दिखा के इसमें अपने को स्वीकार करवा लिया है हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक बार कह दिया कि असम का एनआरसी बहुत सफल नहीं हुआ है हम पूरे देश में एनआरसी करवाएंगे और जब पूरे देश में एनआरसी होगा तो उसके साथ में असम में भी एनआरसी हो जाएगा ये कहते तो और आग लग गई तब अंत में प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है देश भर में एनआरसी करवाने की ये केवल असम का मामला था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से था ये हमारी सरकार की मंशा से नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है अब 2019 में जब ये हो गया तो असम सरकार के मन में ये बात बैठ गई थी कि जो इससे कन्वीनर थे प्रतीक हजेला जिनका नाम था ये एस थे वो सरकार की बात बहुत सुनते नहीं थे सरकार से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी बहुत अच्छी नहीं थी तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि बहुत खतरा है इनकी जान को आदि आदि करते करते तो अक्टूबर 2019 में प्रतीक हजेला जी जो थे कन्वीनर थे उनका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको अपॉइंट भी किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफ़र क्यों किया कोई बहुत स्पष्ट कारण नहीं बताया पर जो बात उस समय चर्चाओं में रही वो ये थी कि इनकी जान को खतरा था पता नहीं कितना खतरा था कितना नहीं था लेकिन हाँ ये बात कही गई कि सिक्योरिटी का सेट था इसलिए उनको असम से निकालना जरूरी था उनको असम से निकाल के मध्य प्रदेश भेज दिया गया जहां के रहने वाले मूल रूप से वो थे भी कि वहां वो काम करें और जब ये हट गए तो उसके बाद एक नए व्यक्ति को कन्वीनर बनाया गया एनआरसी का और उनका नाम है हितेश देव शर्मा हितेश देव शर्मा असम पब्लिक सर्विस के हैं पीसीएस ऑफिसर हैं काफी सीनियर लेवल के उनको बनाया गया एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रांत के लिए जब एक कोऑर्डिनेटर बन गए तो इनकी रुचि इस बात में थी कि जो त्रुटियां हुई हैं वो ठीक होनी चाहिए अब देखिए अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूं यानी कि अभी हाल ही की बात कर रहा हूं बीस पच्चीस दिन पहले की बात कर रहा हूं अक्टूबर 20 में हितेश देव शर्मा जी ने एक आदेश निकाला सभी डीसी के नाम डीसी का मतलब डेप्यूटी कमिश्नर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो समझ लीजिए और उनसे कहा कि भाई देखो एनआरसी में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं और मिस्टेक्स मुख्य रूप से तीन प्रकार की मिस्टेक्स हैं वो तीन मिस्टेक्स कौन सी हैं पहला ऐसे लोग जिनको फॉरनर्स ट्रिब्यूनल खुद घोषित कर चुका है कि वो फॉरेनर हैं यानी डिक्लेयर्ड फॉरेनर डीएफ यानी फॉरेनर्स एक्ट के तहत जो ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं उन ट्राइब्यूनल्स ने जिन व्यक्तियों को फॉरेनर घोषित कर दिया था उनमें से भी कुछ लोग एनआरसी में नागरिक बन के आ गए हैं ये गलती कैसे हुई इसलिए पहले तो इनको लिस्ट निकालना जरूरी है दूसरा हमारे इलेक्शन कमीशन ने जिन वोटर्स के नाम के आगे लिखा हुआ था डाउटफुल वोटर्स क्योंकि पहले वो वोटर नहीं थे अचानक वोटर बन गए और पीछे के उनके एंटीसीडेंट्स नजर नहीं आते हैं तो ऐसे इलेक्शन कमीशन ने उन सबकी एंट्री के सामने लिखा हुआ था डाउटफुल वोटर्स तो इन्होंने कहा कि जो डाउटफुल वोटर्स की लिस्ट में हैं वो एनआरसी में कैसे शामिल हो गए और तीसरा जिन व्यक्तियों पर फॉरनर ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है पेंडिंग केसेस इन फॉरनर ट्राइब्यूनल अभी जब फॉरिनर ट्राइब्यूनल ने साबित किया ही नहीं कुछ उनके बारे में तो वो एनआरसी में नागरिक कैसे मान लिए गए इन तीन तरह के व्यक्ति और इनके डिसेंडेंट्स यानी इनके जो वंशज हैं इनके जो बेटे हैं बेटियां हैं पोते हैं पोतियां हैं इन सब को एनआरसी की लिस्ट से बाहर निकालना है और उसके लिए प्रोसेस शुरू करना चाहिए और ध्यान रखना अब तक एनआरसी यहां से पब्लिश हुआ है किंतु हमारे देश के जो नेशनल रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन है होम मिनिस्ट्री वाले उनकी तरफ से नोटिफाई नहीं हुआ है और जब तक उनकी तरफ से नोटिफाई ना हो तब तक ये फाइनल नहीं है और इस बीच में असम के हाई कोर्ट ने भी एक केस को लेकर एक सवाल पूछ लिया सरकार से वो केस किसका है तो एक महिला है रहीमा बेगम अगर आप चर्चा देखना चाहें तो इनके नाम से सर्च कीजिए इंटरनेट पर मिलेगा रहीमा बेगम का मामला रहीमा बेगम एक ऐसी महिला है जिनका नाम एनआरसी में आ गया नागरिक के तौर पर लेकिन फॉरनर्स ट्रिब्यूनल ने उनको विदेशी घोषित कर दिया था जब ये गई कोर्ट में फॉरनर ट्रिब्यूनल के खिलाफ तो हाई कोर्ट ने जो एनआरसी के प्रमुख हैं उनसे ये सवाल पूछा कि आपके प्रोसेस में ऐसी क्या त्रुटि थी कि फॉरनर्स ट्रिब्यूनल से विदेशी घोषित होने वाले व्यक्ति भी एनआरसी में शामिल हो गए उस प्रोसेस में क्या मिस्टेक है हम ये समझना चाह रहे हैं इन सब चीजों को देखते हुए अभी असम सरकार ने फिर से एक मन बना लिया है असम सरकार सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक पिटीशन डालने वाली है और वो पिटीशन वही है जो पिछले साल डाली थी 2019 के जून में पर कैंसिल हो गई थी कि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर 20 परसेंट और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में 10 परसेंट जो लोग एनआरसी में आए हैं उनको रीचेक किया जाए उनका एक बार फिर से चेकिंग हो जाए ताकि कोई मिस्टेक ना हो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था क्योंकि कन्वीनर के एफिडेविट ने कहा था इसकी जरूरत नहीं है अब कन्वीनर जो है वो खुद इस पक्ष में है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह चुकी है कि हम भी इस पक्ष में हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसके विपक्ष में जो लोग खड़े हो रहे हैं उसमें एक संस्था का नाम है ए एम एस यू आमसू ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ये भी एक संस्था है जो आंसू के खिलाफ होनी नहीं आंसू अब सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा या नहीं मुझे नहीं पता है अभी की स्थिति प्रेजेंट स्टेटस ये है कि असम का एनआरसी असम के कन्वीनर की ओर से पब्लिश हो चुका है किंतु केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफाई नहीं हुआ है जब तक नोटिफाई नहीं होगा फाइनल नहीं होगा और असम के नए कन्वीनर ने उसमें कुछ संशोधन करने की बात उठा दी है इससे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आठ दस हज़ार व्यक्तियों का नाम बाहर निकलने का एक स्कोप ऐसा उनको दिख रहा है ऐसा खतरा हो सकता है या संभावना हो सकती है और इस केस की वजह से असम का जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसने भी क्वेश्चन रेस कर दिया है हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट असम सरकार की इस याचिका को स्वीकार कर ले और तब हो सकता है कि एनआरसी में जितनी एंट्रीज हुई हैं उन एंट्रीज़ में से कुछ जिलों में 20 परसेंट में 10 परसेंट को री किया जाए फिर से चेक किया जाए डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं और थोड़ा सावधानी से चेक किए जाएँ कि अगर आप कोई राशन कार्ड अगर कोई दिखा रहा है कोई आधार कार्ड दिखा रहा है या कोई लैंड रिकॉर्ड दिखा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहा है तो बर्थ सर्टिफिकेट तो नकली नहीं है उस लेवल पर जाँच हो जाए शायद इस तरह की कोशिश जल्दी होने वाली है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा लेकिन अभी का स्टेटस असम के एनआरसी का अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वही स्टेटस है यहाँ तक हम बात पूरी कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को तो जिज्ञासा ये है कि अगर किसी का नाम एनआरसी में नहीं आ पाया असम में जैसे तो उसके बाद उसका क्या होगा तो अगर कोई व्यक्ति एनआरसी में नहीं है तो कई लोगों ने अनुमान कर लिया कि इसका मतलब उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा ऐसा नहीं एन आर सी में नहीं होने का मतलब ये हुआ जैसे एनआरसी में किसी ने अप्लाई किया एनआरसी में अप्लाई करना जरूरी था असम में है ना इसने जैसे एनआरसी में अप्लाई किया अप्लाई करने के बाद दो परिणाम आ सकते हैं एक परिणाम ये हो सकता है कि उसको एनआरसी में शामिल कर लिया जाए अगर शामिल कर लिया तो हमने उसको सिटीजन मान लिया तो उसकी तो समस्या खत्म हो गई ठीक है तो एनआरसी में नाम होना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति सिटीजन है किंतु एनआरसी में नाम न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि व्यक्ति सिटीजन नहीं है अगर किसी व्यक्ति को एनआरसी की अथॉरिटीज ने स्वीकार करने से मना कर दिया उसके डॉक्यूमेंट्स देखे उनको लगता है कि नहीं एनआरसी के लिए पर्याप्त हमारे पास डॉक्यूमेंट्स इस व्यक्ति के पास नहीं है तो नियम यह है कि उस व्यक्ति को एनआरसी की अथॉरिटीज रिजेक्शन स्लिप देंगे रिजेक्शन स्लिप अभी असम में दी नहीं गई है और इस पर आजकल एक बात यह भी आ रही है कि इतना टाइम सरकार क्यों लगा रही है रिजेक्शन स्लिप जो होगी उसका मतलब यह है कि सरकार या जो अथॉरिटीज हैं एनआरसी की वो एक डॉक्यूमेंट देंगे उस व्यक्ति को जिसमें साथ में कारण लिखे होंगे कि किन वजहों से आपकी एप्लीकेशन को एनआरसी के लिए उपयुक्त तो नहीं माना गया क्यों हमने आपको एनआरसी में शामिल नहीं किया अब जब ये रिजेक्शन स्लिप मिल जाएगी रिजेक्शन स्लिप एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर यह व्यक्ति जाएगा फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में और ये फॉरनर्स ट्राइब्यूनल वही है जो 1946 के फॉरनर्स एक्ट और 1964 के उस एक्ट के तहत जो आदेश निकला था शास्त्री जी की सरकार में उसके तहत बनता है आपको ध्यान होगा मैंने पिछली क्लास में आईएमडीटी का विस्तार में जिक्र किया था जो असम के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने व्यवस्था की थी आईएमडीटी के तहत जो ट्राइब्यूनल थे आईएमडीटी यानी इलीगल माइग्रेंट्स डिटरमिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट उन्नीस के एक्ट था जो असम में संदिग्ध विदेशियों को एक विशेष अधिकार प्रदान करता था कि वो विदेशी हैं या नहीं ये साबित करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी जबकि बाकी पूरे देश में कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं इसके लिए प्रमाण देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती थी फॉरनर्स एक्ट के तहत 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आई खारिज कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि असम पर भी फॉरनर्स एक्ट ही लागू होगा और असम एकोर्ड जो था असम एकोर्ड में केंद्र सरकार राज्य सरकार और आसू के बीच जो सहमति बनी थी उसमें फॉरनर्स एक्ट का ही जिक्र था आईएमडीटी का जिक्र उसमें था भी नहीं तो फॉरनर्स एक्ट के तहत जो फॉरनर ट्राइब्यूनल है उस ट्राइब्यूनल में ये केस जाएगा क्योंकि रिजेक्शन सिप मिलने का मतलब है कि अब इस व्यक्ति की जो दावेदारी है सिटीजनशिप की वो संदिग्ध है ये वाला मामला जाएगा फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में असम सरकार ने इन मामलों को देखते हुए 200 सौ फॉरनर्स ट्राइब्यूनल नए गठित करने की व्यवस्था की है हालांकि वो पूरा काम हो नहीं पाया पेंडेमिक की वजह से वो ऐसा कह रहे हैं जजेस की नियुक्ति हो गई है स्टाफ की नियुक्ति हो गई है किंतु तो काम अभी शुरू नहीं हुआ है और बताया यही जा रहा है कि इसकी वजह पेंडेमिक है अब ये रिजेक्शन स्लिप्स लेके लोग जाएंगे फॉरनर ट्राइब्यूनल में वहां केस चलेगा यहां पर जजमेंट में फिर दो बातें हो सकती हैं फॉरनर ट्राइब्यूनल हो सकता है ये मान ले कि ये व्यक्ति भारत का सिटीजन है या हो सकता है कि वो ये फैसला कर ले कि ये व्यक्ति फॉरेनर है हमेशा ध्यान रखना है फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर है यदि उस व्यक्ति ने साबित कर दिया कि मैं भारत का नागरिक हूं उसके पास प्रमाण ऐसे हैं तब तो वो सिटीजन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यदि वो साबित नहीं कर पाया तो जो प्रिजम्पन है फॉरनर्स ट्राइब्यूनल की वो प्रिजम्पन यही है कि ये व्यक्ति फॉरनर है अगर फॉरनर्स ट्राइब्यूनल ने कह दिया कि ये व्यक्ति फॉरनर है तो उसके पास क्या चांस बचता है तब उसके पास एक रास्ता बचता है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करे हाई कोर्ट में कि एक अपील का अधिकार उसके पास रहेगा और हाई कोर्ट की अपील के बाद कुछ रेयर केसेस में अपील सुप्रीम कोर्ट में करने का अधिकार होगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश में अपील रेयर मामलों में होती है जहां सब्सटांटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ कानून का सारवान प्रश्न छिपा होता है जिस मामले में अगर हाई कोर्ट खुद एक प्रमाण पत्र जारी करे कि हमारी राय में इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए तो ही सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है वरना नहीं होती है

हमारे डॉक्यूमेंट्स में फॉरेनर ही माना जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट इस मामले का केस या फैसला पलट ना दे तब तक के लिए वो सिद्ध यानी साबित हो चुका कन्विक्टेड फॉरेनर होगा और अभी आरोप की बात नहीं है एक ट्राइब्यूनल ने एक कोर्ट ने साबित कर दिया है अब ये वाली बात ऐसी हो गई है अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति को फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने अनाउंस कर दिया कि वो फॉरेनर है तो उस फॉरेनर व्यक्ति के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा क्या किया जाएगा इसके भी हमारे पास रूल्स हैं फॉरनर सेक्ट में रूल्स हैं उन रूल्स की सारी व्यवस्था होती है जब यह साबित हो गया कि यह व्यक्ति फॉरेनर है तो उसके बाद एक ही कार्रवाई बेसिकली होती है, उसको है, दिपोर्टेशन। और दिपोर्टेशन का मतलब है इस व्यक्ति को वापस उस देश भेजना जिस देश का ये नागरिक है अब जिन व्यक्तियों के मामले में ये स्पष्ट प्रमाण हमारे पास है कि ये व्यक्ति वहां का नागरिक है जैसे मान लीजिए बांग्लादेश का नागरिक है तो हम बांग्लादेश की अथॉरिटी से बात करेंगे कि ये व्यक्ति हमारा मतलब हमारे देश में इलीगल तरीके से रह रहा है जबकि आपका नागरिक है हम वहाँ इसको भेजना चाहते हैं तो दोनों देशों की जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं वो बात करती हैं उनके अधिकारी बात करते हैं और प्रोसेसिंग उन एप्लीकेशन से ही करते हैं जब तक इस व्यक्ति का डिपोर्टेशन नहीं होगा तब तक के लिए दुनिया के लगभग हर देश में एक सिस्टम होता है उसको बोलते हैं डिटेंशन सेंटर डिटेंशन सेंटर का मतलब ये होता है डिटेन करना निरुद्ध रखना एक तरह से गिरफ्तारी जैसा मामला होता है और इसका मतलब हम इस व्यक्ति को बाहर नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये एक तरह का गलत तरीके से लहरा व्यक्ति हमारे देश में है इसको हमें बांग्लादेश या जिस भी देश का व्यक्ति है वहाँ वापस भेजना ही भेजना है और तब तक के लिए हम इसको डिटेन करके निरुद्ध करके रखेंगे अपने देश में और ऐसे सेंटर्स को बोलते हैं डिटेंशन सेंटर्स अभी भारत में कुल दस डिटेंशन सेंटर्स हैं इस समय जिनमें से असम में छह हैं और बाकी पूरे देश में जैसे एक दिल्ली में है एक बेंगलोर के पास है एक राजस्थान में है और एक गोवा में है इतना ही है 2009 से केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि राज्यों को कन्विंस करे कि वो और सेंटर्स बनाए क्योंकि ऐसी जरूरत पड़ती है ये केवल इस मामले में नहीं होता किसी भी देश का कोई विदेशी व्यक्ति आए वीज़ा खत्म हो गया उसके बाद जा ही नहीं रहा है अगर वो पकड़ में आता है तो उसको तब तक इस सेंटर में रखते हैं जब तक कि उसको देश से वापस न भेज दिया जाए अमेरिका में लगभग 200 डिटेंशन सेंटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में करीब 400 हैं चीन में करीब 400 हैं और अमेरिका में तो एक साल में करीब चार लाख लोगों को इन सेंटर्स में रखते हैं और यहाँ से फिर डिपोर्ट करते हैं उनके देश वापस ऐसे इंग्लैंड में करीब बीस पच्चीस हजार व्यक्तियों को एक साल में डिटेन करके डिपोर्ट करने का लगभग आंकड़ा दिखाई पड़ता है ये हर देश में होता है कोई ऐसी रेयर बात नहीं होती है चिंता ये होती है कि डिटेंशन सेंटर्स के अंदर का माहौल कैसा है उसके अंदर जिन व्यक्तियों को हमने रखा है उन व्यक्तियों को जो बुनियादी मानवाधिकार हैं वो मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं उसको लेकर डिबेट होती है और जो डर है लोगों के मन में वो ये कि अगर वो खुद को साबित नहीं कर पाए कि वो भारत के नागरिक हैं तो उनको डिटेंशन सेंटर में जाना होगा और ये डर उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा है जो भारत के सचमुच नागरिक हैं किंतु तो उनको भय है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उनको डिटेंशन सेंटर में जाना पड़े ये भाई कितना वास्तविक है कितना काल्पनिक है थोड़ी देर के बाद मैं स्पष्ट करूंगा अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो एनआरसी में नहीं है उनको मिलेगी रिजेक्शन स्लिप उस बेस पर केस चलेगा फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में ट्राइब्यूनल ने अगर कह दिया कि वो सिटीजन है तो बात खत्म एनसीआर में नाम आ जाएगा अगर कहा कि फॉरनर है तो मान लिया जाएगा कि वो विदेशी हैं उसके बाद से उनको डिटेन करने की प्रक्रिया शुरू होगी और यदि वो अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में तो जब तक अपील का फैसला नहीं आता उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो डिटेन रहेंगे अपील के फैसले के बाद यदि हाई कोर्ट ने कहा कि वो नागरिक हैं तो बात खत्म हो गई वो एन में चले गए यदि हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि वो फॉरनर हैं तो वो यहीं रहेंगे और यहां से डिपोर्ट जब तक नहीं होंगे तब तक के लिए प्राय ही रहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें थोड़ा सा एक संशोधन किया है मैं आपको उसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ डिटेंशन सेंटर्स में जो लोग रहते हैं उनकी दशा को लेकर हमारे एक भूतपूर्व सिविल सेवक रहे हैं भारत में हर्ष मंदर जो कि समाज सेवी हैं उन्होंने असम के एक डिटेंशन सेंटर का सर्वे किया 2018 में और पाया कि वहां परिस्थितियां बहुत खराब हैं और सबसे रोचक बात तो यह कि डिटेंशन सेंटर जेल से अलग होता है किंतु जेल के नियमों के मुताबिक जेल मैनुअल के तहत ही वो चलाया जा रहा था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की उन व्यक्तियों के मूल अधिकारों को लेकर उन व्यक्तियों के मानवाधिकारों को लेकर जो डिटेन किए गए हैं कई व्यक्तियों की डिटेंशन सेंटर्स में ही मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है वहां पर जब तक जब तक उनका देश उनको स्वीकार ना करे डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो जाएं तब तो वहां रहना ही पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये कही कि डिटेंशन सेंटर्स का मैनेजमेंट एक नए मैनुअल से होगा जेल मैनुअल से नहीं होगा दूसरा ये भी कहा यहाँ पर जो लोग हैं ऐसा नहीं कि वो सारे अपराधी हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मान लीजिए कोई विदेशी जोड़ा है उनका छोटा सा बच्चा है उस बच्चे ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है किसी व्यक्ति की उम्र अस्सी नब्बे साल के आसपास है बहुत बड़ी उम्र का व्यक्ति है उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो साबित नहीं कर पाया एक संभावना ये भी हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति डिटेंशन सेंटर्स में हैं वो अपराधी नहीं हैं वो सजा नहीं भुगत रहे हैं इसलिए उनके बुनियादी अधिकारों का पूरा ध्यान रखना विशेष रूप से जरूरी है जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिलना चाहिए स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी और जो जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो वहाँ पर पूरी होनी चाहिए इतनी खुली जगह कम से कम हो कि वो ठीक से सांस ले सकें उठ बैठ सकें इतनी जगह का होना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा वो अपने वकीलों से संपर्क कर सकें और यदि उनके पास पैसा नहीं है तो कम से कम विधिक सहायता की व्यवस्था उनके लिए लीगल एड की सहायता उनके लिए हो सके इसके अलावा जिस देश के वो नागरिक हैं उस देश की एम्बेसी के साथ उससे संपर्क लगातार हो सके ये सारी व्यवस्थाएं डिटेंशन सेंटर में होना ज़रूरी है और साथ में ये भी कहा 2020 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई व्यक्ति डिटेंशन सेंटर में तीन साल रह चुका है और डिपोर्ट नहीं हुआ है तो उसे दो भारतीय नागरिकों की जमानत पर छोड़ा जा सकता है एक एक लाख रुपए की जमानत दोनों भारतीय नागरिक देंगे अपना बायोमेट्रिक उसमें प्रमाण भी देंगे और साथ में जिस व्यक्ति को छोड़ेंगे उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी होगा कि वो निकटवर्ती थाने में रेगुलर अपनी अटेंडेंस लगाता रहे लेकिन उसके बाद तीन साल के बाद उसको बाहर किया जा सकता है तो मोटी मोटी बात यह हुई कि यदि कोई डिटेंशन सेंटर में गया और डिपोर्टेशन उसका नहीं हो पा रहा क्यों नहीं हो पा रहा आगे समझेंगे तो तीन साल के बाद इस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है उसके बाद वो सामान्य रूप से रहेगा लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड्स में उसकी एक एंट्री रहेगी और वो लगातार जिम्मेदारी होगी कि वो पुलिस के टच में रहे ये प्रमाण देता रहे कि मैं यहां पर रहता हूं इसके बाद सवाल ये है कि क्या पूरे देश में एनआरसी होने वाला है क्योंकि आजकल एक बहुत जोर शोर से जो विवाद चल रहा है वो ये भी है कि अगर देश भर में एनआरसी हुआ तो क्या होगा और इस बात से कई लोग डरे हुए हैं जो असम में नहीं रहते हैं उनको छोड़ के बाकी सबका मूल भय ये है कि अगर देश भर में एनआरसी हुआ और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो हमारा क्या होगा ये भय इस समय ठीक ठाक मात्रा में दिखाई पड़ता है इस मामले में जो सरकार का स्टैंड है जो हमारे गृह मंत्री हैं जिनका नाम है श्री अमित शाह उन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दी थी और वो स्टेटमेंट ये थी कि हम पूरे देश में एनआरसी करवाएंगे तो जब ये कहा कि पूरे देश में एनआरसी करवाएंगे उस समय तक असम का एनआरसी एक तरह से फेल हो गया था उनकी निगाह में फेल होने का मतलब है कि केवल 19 लाख लोग ही एनआरसी में शामिल नहीं हुए तो ये एक जो कहा गया था जो वायदे थे कि 40 लाख 50 लाख 60 लाख अवैध आप्रवासी हैं जो एन में छट जाएंगे सारे लेकिन उन्नीस लाख ही जब नाम आए और उन उन्नीस लाख में भी जो ज़्यादा मात्रा में थे दो तिहाई लोग थे वो हिंदू लोग थे तो बीजेपी पर ये दबाव था कि इस एनआरसी का महत्व कम दिखना चाहिए तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जब देश भर में एनआरसी होगा तो स्वाभाविक रूप से असम में भी पुनः एनआरसी होगा एक स्टेटमेंट ऐसी दी इस स्टेटमेंट के बाद जैसा कि स्वाभाविक था खूब शोर मचा और उसके कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक स्टेटमेंट दी और ये कहा कि हमारा फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है कि देश भर में एनआरसी हो हमारी योजनाओं में ऐसी कोई योजना भी शामिल नहीं ये तो है कि सरकार ने क्या कहा प्रधानमंत्री ने क्या कहा और गृह मंत्री ने क्या कहा लेकिन यदि हम इस चीज से हटकर अपने कॉमन सेंस से कानूनों की निगाह से तथ्यों की निगाह से देखें तो इसका उत्तर कुछ दूसरा निकलेगा इसके उत्तर की शुरुआत यहां से होती है कि एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसकी जो कार्यवाही होनी थी वो भारत सरकार ने निर्देश निकाला था अप्रैल से सितंबर 2020 तक होगी जो जनगणना है सेंसस से है 2021 का उसका जो पहला चरण है हाउस लिस्टिंग उसके साथ होगी यह निर्देश था अभी तो कोविड की वजह से वो फेज अभी हो ही नहीं पाया तो अभी तक नहीं हुआ वरना अब तक तो जो पहला फेज था जनगणना का वो हो चुका होता और एनपीआर की जो एंट्रीज होनी थी कम से कम वो हो चुकी होती अब एनपीआर जिन रूल्स के तहत होता है वो सिटीजनशिप रूल्स 2003 हैं। अगर आप इन्हीं रूल्स को आगे पढ़ेंगे तो ये रूल्स कहते हैं कि जब एनपीआर हो जाएगा एनपीआर होने के बाद उन्हीं एनपीआर की जो डेटा है उनके माध्यम से शुरुआत होगी एनआरसी की अभी रूल्स तो ये कहते हैं कि एनपीआर के बाद एनआरसी होगा बस ये ध्यान रखना कि ये एनआरसी असम के एनआरसी जैसा नहीं है कुछ लोग कह रहे हैं कि असम के एनआरसी में बारह हजार करोड़ खर्च हो गया तो इस पर तो पता नहीं एक लाख करोड़ खर्च हो जाएगा पचपन हजार करोड़ खर्च हो जाएगा ये सब बेकार की बातें हैं ऐसा कुछ नहीं असम का एनआरसी अलग तरीके से हुआ जिसकी वजह थी असम समझौता और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बाकी पूरे देश में अगर एनआरसी होगा भी तो वो उस प्रक्रिया में नहीं होगा बाकी देश में एनआरसी होगा तो एनपीआर के थ्रू होगा और मैंने आपको विस्तार में समझाया इसी वीडियो की शुरुआत में बीच में कि जो लोकल रजिस्ट्रार होगा लोकल रजिस्ट्रार का मतलब जो किसी वार्ड क्षेत्र का या पंचायत क्षेत्र का रजिस्ट्रार होगा जो अधिकारी होगा पटवारी स्तर का अधिकारी होगा वो बेसिकली एन की एंट्रीज को चेक करके देखेगा कि कौन सी एंट्रीज इसमें से डाउटफुल हैं वो वेरीफाई करेगा उन लोगों से मिलकर देखेगा घर जाके बात करेगा उनको बुलाएगा डॉक्यूमेंट देखेगा और जब उसको तसली नहीं मिलेगी किसी व्यक्ति से बात करके तो उसकी एंट्री को डाउटफुल मानेगा डाउटफुल एंट्री जिसकी होगी उसको ये अधिकार होगा कि वो सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास अपनी बात रखे जो एसडीएम डी एम रैंक का अधिकारी होगा उसके सामने अपनी बात रखे यदि वहां से भी उसको स्वीकार नहीं किया गया एनआरसी में तो जो फाइनल एनआरसी पब्लिश होगा लोकल एरिया का वहां का उस जिले के उस क्षेत्र का उसके खिलाफ उसको फिर एक अधिकार होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार यानी कि डीएम या कलेक्टर के पास अपनी अपील कर सकेगा और यदि वो उससे पास हो गया तो फिर उसको एन में शामिल कर लेंगे यदि पास नहीं होगा वहां पर तो एनआरसी में ध्यान रखते हैं लोकल रजिस्ट्रार है फिर सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है एक तरह से डाउटफुल केसेस को पहला मौका मिलेगा यहाँ अपनी बात रखने का दूसरा मौका मिलेगा यहाँ अपनी बात को साबित करने का प्रयास करने का मतलब औपचारिक मौका यहाँ से शुरू होगा और उसके बाद एक अपील का मौका मिलेगा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास यदि इन सब लेवल्स पर वो साबित नहीं कर पाया कि वो क्यों उसको हम एन का हिस्सा माने तो उसका केस हो जाएगा डाउटफुल और इसका मतलब है कि अब उसका केस चला जाएगा फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में और फॉरनर्स ट्राइब्यूनल के जो एक्ट है और जो रूल्स हैं उसके उसमें कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं वो ज़रूरत के अनुसार फॉरन ट्राइब्यूनल्स के गठन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं तो फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में वो व्यक्ति उसका केस जाएगा वहाँ फिर वही होगा उसको साबित करना होगा अगर साबित कर दिया तो एनआरसी में शामिल हो जाएगा साबित नहीं कर पाया तो उसको विदेशी मान लिया जाएगा यदि विदेशी मान लिया जाएगा तो डिटेंशन सेंटर में उसको भेजा जाएगा डिपोर्ट करने के लिए लेकिन इस बीच में उसको अधिकार होगा कि वो उस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील कर सके और यदि मामला संवैधानिक महत्व का है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकेगा और ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस होता है और इस पूरे समय में तीन साल तक डिटेंशन सेंटर में रहना होगा और उसके बाद वो व्यक्ति सामान्य तरीके से रहेगा किंतु एक विदेशी के तौर पर रहेगा जो भारत सरकार या राज्य सरकार की निगाह में रहना चाहिए और उस पर एक तरह का सरकार की अवेयरनेस रहती है कि हमारे इलाके में कौन कौन विदेशी व्यक्ति रहते हैं इस बारे में सरकार को जागरूक रहना पड़ता है तो मेरा ख्याल है कि राष्ट्रव्यापी एनआरसी होगा लेकिन वो किसी खास तमाशे के साथ नहीं होगा धूमधाम के साथ नहीं होगा वो किसी खास घोषणा के साथ नहीं होगा कोई एक तिथि होगी उस तिथि पर छुट्टियां होंगी उस पर सब एनआरसी एनआरसी खेलेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा लोकल रजिस्ट्रार अपने अपने स्तर पे एनआरसी का प्रोसेस पूरा करते रहेंगे रूल्स के तहत और जहाँ जहाँ कोई व्यक्ति डाउटफुल होगा केवल उसको बुला के बात की जाएगी इसमें पूरे देश के इन्वॉल्व होने का मसला नहीं है और जो असली भय है वो ये है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स किस तरह के लगेंगे उस पर हम थोड़ी बात करते हैं कि एन पी एनआरसी को लेकर चिंताएँ जो आम आदमी के दिमाग में हैं वो चिंताएँ कौन सी हैं देखिए पहली चिंता तो इसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट्स की ही है और हमने भी जब प्रश्न मंगवाए थे इस मुद्दे पे तो लगभग 50 परसेंट प्रश्नों में डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही चिंताएं पूछी गई थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहला प्रश्न है है तो है कि अगर एनआरसी होगा तो कौन से डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे यानी हर व्यक्ति कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले और दूसरी बात अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सबके पास नहीं होते हैं नहीं है तो उसका क्या होगा यही दो मुख्य चिंताएं हैं तो पहली बात तो है कि एनआरसी के लिए कोई डॉक्यूमेंट अलग से होगा ऐसा नहीं मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो एनपीआर इस बार हो रहा है पिछली बार के एनपीआर में फोर्टीन एंट्रीज थी इस बार के एनपीआर में इक्कीस एंट्रीज हैं जो सात एंट्रीज बढ़ गई हैं उसमें माता और पिता का जन्म स्थान क्या था ये बताना है पासपोर्ट है तो वो दिखाना है उसका नंबर वंबर देना है ड्राइविंग लाइसेंस वोटर्स कार्ड आधार कार्ड अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर दिखाने हैं सरकार ने कहा है कि एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है केवल वेरिफिकेशन वो जो व्यक्ति जाएगा घर में वो केवल वेरीफाई कर लेगा डॉक्यूमेंट देख के इतना ही तो करना है और उसमें भी जैसे किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो कह देना कि पासपोर्ट नहीं है बात खत्म यदि कोई कहे कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है क्योंकि ड्राइविंग नहीं आती मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया तो कोई बात नहीं उसमें लिख देंगे नोट एप्लीकेबल पेरेंट्स का जन्म स्थान अगर किसी को नहीं पता है मान लीजिए जैसे कोई मान लीजिए साठ साल का व्यक्ति है पेरेंट्स उसकी मृत्यु हो चुकी है दोनों की और संयोग से उसको ये नहीं पता कि पेरेंट्स का जन्म कहाँ हुआ था तो वो भी ये कह सकता है कि मैं नहीं जानता हूँ नोट एप्लीकेबल या कोई ऐसा कॉलम कोई ऐसा फॉर्मेट होगा जब वो भर सकेगा इस तरह से बात होगी लेकिन हाँ यदि ऐसे प्रश्नों का उत्तर लगातार नेगेटिव है तो व्यक्ति के डाउटफुल केस होने का खतरा बढ़ता है ये अपनी जगह खतरा है लेकिन एनआरसी के लिए कोई अलग डॉक्यूमेंट का मसला नहीं है वो एनपीआर की ही एंट्रीज के बेस पे तय होगा कि किसी व्यक्ति को डाउटफुल केस मानना है या नहीं मानना है तो डाउट का संबंध इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे है जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उसका डेटा देखा गया और सबसे पहले वेरिफिकेशन करना है लोकल रजिस्ट्रार को ही लोकल रजिस्ट्रार के साथ सबसे अच्छी बात इस सेंस में यह है कि वो अपने इलाके के एक एक व्यक्ति को जानता है एक आध व्यक्ति को नहीं भी जानता हो तो वो ऐसे व्यक्तियों को जानता है जिनके माध्यम से पता कर सकता है कि ये व्यक्ति यहाँ का नागरिक है या नहीं है या बाहर से आया है कब से यहाँ रहता है इसके पेरेंट्स कौन थे पेरेंट्स कब से यहाँ पर थे उनके पास क्या संपत्ति थी उनके पास वोटिंग राइट्स थे या नहीं थे कम से कम लोकल एरिया पर ये जानना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है ये जो पटवारी सर का अधिकारी होता है उसको गाँव के चप्पे चप्पे की एक एक व्यक्ति की डिटेल्स टिप्स पे रहती हैं उसका यही महत्व होता है क्योंकि लोकल रजिस्ट्रार को ही प्रोसेस की शुरुआत करनी है इसलिए हम ये अनुमान कर सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट कम है कोई नहीं भी, तो भी अगर लोकल का व्यक्ति इस बात को अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि आस पड़ोस से जांच करने पर या पंचायत के लोगों से जांच करने पर पाया गया कि यह व्यक्ति पिछली कई पीढ़ियों से यहीं रहता है इसके माता पिता यहाँ के वोटर्स रहे हैं उनका वोटर नंबर ये था आदि 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 तो मेरा अपना अनुमान ये है हालांकि अभी रूल्स सारे बहुत क्लियर नहीं है तो मेरा अपना अनुमान ये है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति फंस जाएगा ऐसा मामला नहीं है फंसेंगे वही व्यक्ति जिनके पास सचमुच कोई ऐसा ठोस ग्राउंड नहीं है कि वो भारत के नागरिक होने का दावा कर सके जो सचमुच बाहर से आए हुए हैं और चाह रहे हैं कि बिना डॉक्यूमेंट के उनको भारत का नागरिक मान लिया जाए आमतौर पर दिक्कत उन्हीं को आने वाली है ये मेरा अनुमान है बाकी तो सरकार किस तरह से काम करेगी समय के साथ देखेगा ही अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या होगा किसी का डॉक्यूमेंट बाढ़ में बह गया किसी का डॉक्यूमेंट किसी त्रासदी में खत्म हो गया कोई अपने घर से जा रहा था बड़े शहर नौकरी के लिए रास्ते में ब्रीफ के स्टोरी हो गया डॉक्यूमेंट्स का ये सब लोग क्या करेंगे इसमें जो मेरा ख्याल है अभी तक ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं जब तक होगा नहीं कैसे कहा जा सकता है लेकिन मेरा ख्याल है कि जब भी ऐसे केसेस डाउटफुल होंगे तो लोकल रजिस्ट्रार जब उन व्यक्तियों से बात करेगा तो उसके पास कई तरीके होंगे ये जांचने के कि ये व्यक्ति कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है मान लीजिए कोई कहे कि मेरा वोटर कार्ड गुम हो गया है कोई बात नहीं उसको ये तो पता ही होगा कि वो कहाँ का वोटर है और अगर लोकल रजिस्ट्रार उससे एक एफिडेविट ले ले जिस लिखा हो कि मैं वोटर हूँ मेरा नाम ये है पिता का नाम ये है या माता का नाम ये है मैं इतने समय से वोटर हूँ इस इलाके का मेरा वोटर कार्ड गुम हो गया है ये शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट जमा करे तो लोकल रजिस्ट्रार के लिए यह पता करना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि ये बात सही है या गलत है पता कर लेगा बर्थ सर्टिफिकेट इसे गुम हो गया है लेकिन अगर बर्थ सर्टिफिकेट बना था तो सरकार के पास तो डेटा है ही और यदि वो व्यक्ति बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी हुई बातें एफिडेविट के रूप में जमा कर दे तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल नहीं है इस बात की जांच कर लेना कि ये प्रमाण या जो बात कह रहा है व्यक्ति वो सही है या गलत है मेरा अनुमान है मेरी विशफुल थिंकिंग है मेरी मनोकामना है कि सरकार इन प्रक्रियाओं में इस तरह से काम करे ताकि अनावश्यक रूप से एक भी व्यक्ति को परेशान न होना पड़े एक भी नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने की चुनौती न झेलनी पड़े ये मैं चाहता हूं अब देखिए क्या होगा ये तो बात की बात है इसमें जिन लोगों को डर है डॉक्यूमेंट्स के मामले में सबसे ज्यादा डर महिलाओं को होना लाजमी है और आपको ये जान के शायद आश्चर्य होगा कि असम एनआरसी में जो 19 लाख लोग बाहर हुए हैं उनमें से अधिकांश मेरे ख्याल से ये 60 से 70 परसेंट के बीच में संख्या है जो महिलाएं हैं पुरुष उतरे नहीं है महिलाएं ज्यादा हैं महिलाएं क्यों ज्यादा हैं अपने घर की महिलाओं को ध्यान में रखिए तो ये बात समझना थोड़ा सा आसान रहेगा पहली बात है कि महिलाओं का विवाह के बाद नाम बदल जाता है हमारे समाज में सरनेम तो चेंज होता ही है कहीं कहीं नाम ही चेंज हो जाता है अब उनके बचपन के सर्टिफिकेट जिस नाम से होते हैं विवाह के बाद के सर्टिफिकेट किसी और नाम से होते हैं और ऐसे में कई बार ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये दोनों सर्टिफिकेट्स एक ही व्यक्ति के हैं एक तो ये दबाव है दूसरा क्योंकि हमारे देश में कुछ समाजों को छोड़ के बाकी सारे समाज पैट्री लोकल हैं पैट्री लोकल का मतलब पितृस्थानिक बोलते हैं हिंदी में इसका मतलब होता है कि विवाह के बाद लड़की लड़के के घर चली जाती है इसको बोलते हैं पैट्री लोकल कुछ समाज ऐसे भी होते हैं कि लड़का लड़की घर चला जाता है उसको बोलते हैं मैट्रीलोकल मात्र स्थानिक परिवार जिसमें लड़का लड़की के घर चला जाता है वहीं रहता है फिर उसके बाद वो दुनिया भर की बात मैं कर रहा हूं कुछ होते है नियो लोकल नव स्थानिक परिवार जहां लड़का लड़की शादी करने के बाद ना इस घर में ना उस घर में बल्कि अपना एक अलग घर बनाते हैं उसको बोलते हैं नियो लोकल फैमिली स्ट्रक्चर भारतीय पारिवारिक ढांचा सामान्यतः पैट्रीलोकल है इसका मतलब लड़की शादी के बाद लड़के के घर में जाती है और जब लड़की लड़के के घर चली जाती है उसका स्थान बदल जाता है उसके पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स किसी और शहर के थे किसी और गांव के थे अब वो किसी और गांव में रहती है यहाँ उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है जहाँ डॉक्यूमेंट्स है वहाँ वो रहती नहीं है इस बात का पूरा स्कोप बनता है कि जब वहाँ आगे अपडेशनस हुए होंगे तो वो मिली नहीं होगी वहाँ पर यहाँ उसके पुराने नाम के रिकॉर्ड्स आ नहीं पाए होंगे और इसलिए महिलाओं को विवाह के बाद स्थान बदलने से भी डॉक्यूमेंट्स के खत्म होने का खतरा रहता है तीसरा है महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान हमारे समाज का बहुत कम है इसलिए स्कूल और कॉलेज का सर्टिफिकेट लड़कियों के मामले में प्राय नहीं मिलता जबकि लड़कों के मामले में एक डॉक्यूमेंट वहां साबित हो जाता है तो लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती ही नहीं है तो डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा मतलब लड़कों की तुलना में कम जाती है इस सेंस में और चौथी बात है संपत्ति संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स को एनआरसी में एनपीआर में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है लेकिन हमारे देश में संपत्ति आमतौर तो पर पुरुषों के हाथ में है पुरुषों से उनके बेटों को ही मिलती है बेटियां संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स में आमतौर तो पर नहीं आती हैं इसलिए महिलाएं अपनी नागरिकता कैसे साबित करें उनका नाम चेंज हो गया स्थान विवाह के बाद चेंज हो गया स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट है नहीं संपत्ति में उनका नाम है नहीं इन वजहों से यह खतरा ज्यादा बनता है कि हमारे घरों की महिलाओं के सामने ये चुनौती ज्यादा हो कि वो अपनी नागरिकता कैसे साबित करें मेरा अनुमान है कि सरकार इस वक्त ध्यान रखती होगी लोकल रजिस्टर इस वक्त ध्यान रखेगा ही रखेगा कि कोई ऐसी गलत फहमी ना हो लेकिन हाँ असम एनआरसी को देखकर ऐसा लगता है कि इस तरह की चिंता ज्यादा हो सकती है किसी भी समाज के सामने दूसरी चिंता डॉक्यूमेंट से हटकर अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की बात अगर करें जितने भी वंचित लोग हैं समाज के जितने भी डिप्राइब सेक्शन हैं उन सबके सामने संकट होता है डॉक्यूमेंट्स का जैसे मान लीजिए कोई जनजाति है और जनजाति पहली बात तो जो ट्राइबल सोसाइटी है ट्राइबल सोसाइटी की डॉक्यूमेंट्स में उतनी रुचि होगी भी नहीं स्वाभाविक सी बात है तो कल को आप उनको डॉक्यूमेंट से जज करना शुरू कर देंगे तो कैसे काम चलेगा फिर जनजातियों में जो घुमंतु जनजातियां हैं है, या नोमेडिक ट्राइब्स हैं या खानाबदोश जनजातियां हैं उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट वैसे भी नहीं मिलेगा उनके को तो स्थान भी फिक्स नहीं है तो कैसे मैनेज करेंगे इसी प्रकार से जो बच्चे अनाथ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं रहे जो दुनिया में अकेले हैं उनके डॉक्यूमेंट्स किसने बनवाए होंगे इसी प्रकार से जिन बच्चों को उनके माता पिता ने छोड़ दिया है परित्यक्त हैंडेंट बच्चे जिनको बोलते हैं वो हैं उनका क्या होगा जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई नहीं है वो भिखारी है भीख मांगता है उससे आप कहेंगे कि डॉक्यूमेंट दिखाओ वरना तो मैं हम बांग्लादेश भेज देंगे तो कैसे बात बनेगी उसके पास डॉक्यूमेंट से आएंगे इस बात का खतरा उन बच्चों को लेकर भी है जिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा है इस बात का पूरा खतरा बनता है कि उस बच्चे के डॉक्यूमेंट कभी तैयार ना हुआ फिर जो बच्चे नॉर्मल से अलग होते हैं मेंटली चैलेंज है जैसे मान लीजिए कोई बच्चा या कोई बच्चा एलिजी क्यू में आता है या जो थर्ड जेंडर के लोग हैं उनके मामले में डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत हमेशा ज़्यादा रहेगी गरीब घरों में डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि गरीब लोगों के पास आमतौर तो पर संसाधन भी कम है समय भी कम है कि वो डॉक्यूमेंट्स की रेस में शामिल हो सके उनके डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं जिनका जन्म अस्पताल में नहीं हुआ घर में हुआ हो जो तो स्कूल ना जा पाए हो कॉलेज ना जा पाए हो संपत्ति है नहीं डॉक्यूमेंट कहाँ से लेके आएंगे इसलिए एक सामान्य खतरा ये भी है कि जब डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे लोग नुकसान में रहेंगे जो वंचित समुदायों से हैं और जहाँ जहाँ वंचन ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ एन आर का खतरा ज़्यादा नजर आएगा तो बेहतर यह है कि सरकार जब भी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए तो इस बात को सुनिश्चित करे कि ऐसा एक भी व्यक्ति जायज़ व्यक्ति जेनविन व्यक्ति इस प्रक्रिया में छूट ना जाए बाहर ना निकल जाए उसके पास पर्याप्त मौका हो अपने आप को भारत का नागरिक साबित करने के लिए और इसी वजह से भारत के समाज में इस समय चिंता थोड़ी सी ज्यादा है और यह चिंता कम करना हमारे सरकार की जिम्मेदारी है एनआरसी को लेकर जो बाकी चिंताएं हैं अगर मैं एक दो चिंताओं का और थोड़ा सा संक्षेप में जिक्र करना चाहूं एक चिंता यह है कि जो फाइनेंशियल कॉस्ट है इसकी वो कितनी ज्यादा होगी देखिए कुछ लोग जो मैंने आपसे कहा ना कुछ लोग कह रहे हैं कि असम में बारह हजार करोड़ खर्च हो गया पूरे देश में तो एक लाख करोड़ होगा वो तो बेकार की बात है क्योंकि तो देश भर का एनआरसी अगर होगा भी तो वो एनपीआर के थ्रू होगा उसमें अलग से बहुत खर्चा होने वाला नहीं है वो रूटीन एक्सपेंस में हो जाएगा लेकिन जो डिटेंशन सेंटर्स हैं उन डिटेंशन सेंटर्स के खर्चे की अगर मैं बात करूं आपसे अभी हमारे देश में दस डिटेंशन सेंटर्स हैं सिर्फ और मोटा मोटा अनुमान यह है कि हमारे देश की एक सौ करोड़ आबादी में कम से कम सवा से डेढ़ करोड़ या दो करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो अवैध आप्रवासी हैं ये वो संख्या है जो बार बार सुनाई पड़ती है कई आर्टिकल्स में दिखाई पड़ती है एक सेकंड को अगर मान ले कि डेढ़ करोड़ लोग ऐसे हैं और भारत सरकार ने बड़ी मेहनत करके उनको ढूंढ लिया उनको रखेंगे कहा एक डिटेंशन सेंटर में यदि एक हजार लोग भी रहेंगे तो पंद्रह हजार ऐसे सेंटर की से जरूरत पड़ने वाली है और यदि आपने बहुत बड़े सेंटर्स बना लिए पांच पांच हजार लोगों को रखा उसमें तो भी तीन हजार सेंटर की से जरूरत पड़ने वाली है तो सवाल है कि इतने सारे डिटेंशन सेंटर्स हम कैसे बनाएंगे बनाना आसान काम तो है नहीं फिर मान लीजिए कि बना भी लिए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत उसमें जो लोग रहेंगे उनके बुनियादी अधिकारों का ध्यान भी रखना होगा मानवाधिकारों का भी ध्यान रखना होगा अगर आप एक व्यक्ति पर बहुत मोटा सा एस्टिमेट महीने का पांच हजार रुपए का खर्चा मानने जो कि सरकारी केंद्रों में सामान्य बात है बहुत ज्यादा खर्चा नहीं माना जाएगा ये डेढ़ करोड़ व्यक्तियों पर पांच हजार प्रति व्यक्ति खर्चा जिसका मतलब वो पैंतालीस सौ करोड़ प्रति माह का खर्चा और साल भर का खर्चा ये हो गया चौवन हजार करोड़ रुपए क्या इतना ज्यादा खर्चा इस चीज पे करना और वो लोग अगर बाहर होते तो अपना काम धंधा कर रहे होते अब वो जेल के अंदर हैं डिटेंशन सेंटर में हैं तो काम धंधा भी नहीं कर रहे हैं उनके सारी जिम्मेदारी हमारी है उनके दवाइयों का खर्चा भी हमारा है उनके सारी जो भी बुनियादी जरूरतें हैं उसका खर्चा देश की सरकार को करना है सरकार को करना है यानी टैक्स पेयर्स को करना है टैक्स चुकाने वाले व्यक्तियों को खर्चा उठाना है उनका वो खर्चा क्यों उठाया जाना चाहिए एक सवाल यह बार बार उठ रहा है फिर एक तीसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि ये पक्की बात है कि जितने भी लोग एनआरसी से बाहर होंगे जैसे असम में उन्नीस लाख हुए और यदि एनआरसी में संशोधन जैसा कि लग रहा है कि सरकार करना चाह रही है तो शायद उन्नीस लाख से बढ़ के कुछ और संख्या बढ़ा लीजिए बीस लाख मान लीजिए या पच्चीस लाख मान लीजिए जितने भी लोग बाहर होंगे वो स्वाभाविक सी बात है कि वो फॉरेन ट्राइब्यूनल में केस तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे खुद को साबित करने का प्रयास करेंगे कि भारत के नागरिक हैं जब फॉरेनर ट्राइब्यूनल से खारिज होगा मामला तो वो हाईकोर्ट में जाएंगे उनकी सहायता करने के लिए ऐसे कुछ ना कुछ ग्रुप जरूर बनेंगे कुछ ऐसी एनजीओ जरूर बनेंगे जो उनको लीगल हेल्प देंगी फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में उन्नीस लाख मामले और उसके बाद उनमें से करीब दस लाख मामले कल्पना कर लेते हैं हाई कोर्ट में जाएंगे एक तो इनमें समय कितना लगेगा मान के चलिए किसी भी स्थिति में यह प्रोसेस दस साल से कम का तो नहीं है इस दस साल में जितना खर्चा अदालतों पे होगा जजेस तो हम ही अपॉइंट करेंगे स्टाफ भी हम अपॉइंट करेंगे जजेस के लिए बैठने के लिए जगह भी हम बनाएंगे अदालतों का खर्चा भी उठाएंगे और हाईकोर्ट में भी वो खर्चा हो होगा ही होगा और इस सब प्रोसेस में जितने सारे लोग बिजी रहेंगे उतना सारा प्रोडक्टिव काम जो हो सकता था वो सारा काम छोड़ के अदालतों के चक्कर काटेंगे और इसका मतलब ये भी हुआ कि हम अपने देश के बहुत बड़ी संख्या के लोगों का जो अवैध आप्रवासी हैं उनका तो हो ही रहा है उसके अलावा उस प्रोसेस में जो अवैध आप्रवासी नहीं है उनका भी बहुत बड़ा समय हम गुजारेंगे उन अनप्रोडक्टिव कामों में जिनके बदले हम कुछ प्रोडक्टिव कुछ बेहतर काम कर सकते थे एक ऑब्जेक्शन इस प्रोसेस को लेकर यह भी हो रहा है और एक अंतिम ऑब्जेक्शन जो चिंता की बात हो सकती है वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस में जो सोशल टेंशन होंगी सोशल टेंशन की भी तो अपनी भूमिका है एक जमाने में असम में टेंशन थी स्थानीय बनाम विदेशी की अब वो हो गई है हिंदू बनाम मुस्लिम की भी और स्थानीय बनाम विदेशी की भी आठ दस साल में पंद्रह साल में जब केसेस चलेंगे कुछ ऐसे लोग होंगे जो विदेशी हैं किंतु तो साबित कर देंगे कि विदेशी नहीं आखिर कितने साल से सुन रहे हैं कि चालीस पचास साठ लोग असम में अवैध हैं लेकिन उन्नीस लाख ही साबित हुए हैं एनआरसी में इसका मतलब है कि करीब बीस तीस लाख लोगों ने जो कि अवैध अप्रवासी थे डॉक्यूमेंट्स बनवा के खुद को एनआरसी में शामिल करवा लिया इसका मतलब तो यही हुआ अब करप्शन हमारे देश में खूब ज्यादा है और जब करप्शन होगा तो डॉक्यूमेंट्स बनवाना कौन सी बड़ी बात है हमने बात इस पर पहले भी की हुई है इस वजह से ये बात समझना जरूरी है कि इस पूरे दस साल के प्रोसेस में कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको लेकर एक समुदाय मानता होगा कि विदेशी है वो साबित हो जाएगा विदेशी नहीं है या साबित हो गया कि विदेशी है तो ये समुदाय नाराज कभी वो समुदाय नाराज और समुदायों के बीच में जो झगड़े होंगे जो कम्युनल क्लैशिज होंगे मतलब कहने वाले यहां तक कहते हैं कि तनाव असम में या बाकी क्षेत्रों में इतना ना बढ़ जाए कि समाज का संतुलन जैसा हमेशा से रहता आया है वैसा हम ना बना पाए ये चिंता की बात हो सकती है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब प्रक्रियाएं पूरी तरह से खारिज कर देनी चाहिए इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम जब भी कोई स्टेप लें सरकार को स्टेप ले इन सारी चिंताओं को ध्यान रख के अपने कदम उठाए ऐसा ना लगे कि सरकार ने इन सारे संभावित खतरों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे कोई फैसला कर दिया अगली बात यह है कि क्या CAA और NPR, NRC में कोई लिंक है जैसा कुछ लोग कहते हैं या ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर मांगेंगे हमारे देश के मंत्री श्री अमित शाह से या भारत सरकार कहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगेंगे इसका उत्तर तो वो कहेंगे कि इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है और तथ्यों के हिसाब से उनकी बात भी पूरी तरह से गलत नहीं लगती है बात ठीक लगती है क्यों ठीक लगती है वो कह रहे हैं कि सी ए ए तो एक नया एक्ट है और हमने इस एक्ट की कोशिश 2016 में की थी फिर 2019 में की फिर नई सरकार बनने के बाद 19 में फिर से कि तब जाके वो एक्ट बना है एक अलग चीज है जहां तक एनपीआर की बात है और एनपीआर से लिंक निकलता है एनआरसी का एन पी आर और एन आर सी के बारे में वो कहते हैं कि जहाँ तक इनके लिंक की बात है ये तो 2003 के रूल्स के तहत हो रहा है और एन पी आर पहली बार कांग्रेस की सरकार ने यूपीए की सरकार ने 2010 में करवाया था तो सेंसस के साथ एन पी आर होना है ये रूल पहले से चला रहा है कांग्रेस सरकार ने ही पहली बार करवाया था अब क्योंकि दो के बाद दो में सेंसस होना है जनगणना होनी है तो जनगणना के साथ स्वाभाविक रूप से एन हो रहा है और एन के बेस पर एन का होना 2003 के रूल्स का हिस्सा है इसका सी से कोई रिलेशनशिप नहीं है इस तरह का दावा सरकार की ओर से सामान्यतः किया गया है हालांकि एक अच्छ जगह हंसी मजाक में या व्यंग्य में ऐसी बात सरकार के कुछ लोगों ने कही है कि अगर आप इन चीज़ों की टाइमिंग देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इनमें आपस में क्या लिंक हो सकता है मेरा अपना ख्याल इस मामले में यह है कि बेशक यह कहा जाए कि इनके बीच में लिंक नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक लिंक आपको नजर आएगा और उसी लिंक को लेकर जो विरोधी पक्ष है उसके अंदर नाराजगी ज्यादा है थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं ठीक है थीक? आप सी ए को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए सी अलग चीज है हम सिर्फ एनपीआर पे आते हैं 2020 में तो मुश्किल लग रहा है मान लीजिए कि इक्कीस की शुरुआत में या कोरोना का संकट खत्म होने के बाद जब भी चीजें ठीक होंगी सेंसस शुरू होगा तो एनपीआर तो हो ही जाएगा तो एनपीआर को हम मान लेते हैं कि 2021 में हुआ एनपीआर होने के बाद स्वाभाविक प्रक्रिया में एनआरसी भी शुरू हो जाएगा जब एनआरसी बनेगा तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एनआरसी में शामिल नहीं हो पाएंगे और उनको फॉरिनर ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा फॉरनर ट्रिब्यूनल में हो सकता है कि वो फॉरनर घोषित हो जाए अब क्योंकि वो व्यक्ति फॉरेनर घोषित हो चुका है किंतु उसके पास उस देश का पासपोर्ट नहीं है या पासपोर्ट है भी तो भारत में रहने का वीजा तो है नहीं परमिशन तो है नहीं तो जो फॉरेनर भारत में बिना अनुमति के रह रह रहा है उसी को बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट अवैध प्रवासी हो गया इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ जो कानून है फॉरेनर एक्ट है या पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 है उसके तहत जो सजा है वो तो एक अलग पक्ष है वो तो एक चीज है कि सजा हो सकती है केस चल सकता है वो तो एक अलग चीज है वो न भी हो तो भी ध्यान रखना है कि इलीगल माइग्रेंट होते ही यहां पर एक पेज खुल जाता है और वो ये है कि सी ए के तहत जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी परिभाषा बदली गई है परिभाषा के अंत में लिखा है कि इलीगल माइग्रेंट्स की परिभाषा में वो लोग लो शामिल नहीं होंगे जो नंबर एक तीन देशों अफगानिस्तान पाकिस्तान या बांग्लादेश से हैं दूसरी कंडीशन जो 2014 की दिसंबर इकतीस से पहले भारत में आ गए थे नंबर तीन जो हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी या ईसाई हैं नंबर चार जो अपने देश में हुए धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में आए थे नंबर पांच भी लिखा हुआ कि जिनको दो और 16 में जो रेगुलेशन चेंज हुए थे पासपोर्ट रेगुलेशन वगैरह उनके तहत छूट दी गई थी ये पांच कसौटियां जो पूरी करते हैं उन व्यक्तियों को इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट घोषित होगा तो सी में जिन व्यक्तियों को छूट मिल गई है उन व्यक्तियों को एनआरसी में शामिल न होने के बावजूद इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा उन पर कोई केस नहीं चलेगा और साथ में क्योंकि वो सी ए में छूट के हकदार हैं उनके पास भारत की नागरिकता हासिल करने का एक रास्ता बचा रहेगा और वो ये है कि वो ये क्लेम कर दें और जरूरत पड़ने पर साबित कर दें कि वो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में आए थे लेकिन जो इलीगल माइग्रेंट्स इस प्रोसेस से आएंगे और जो मुस्लिम हैं या यहूदी हैं या हैं, मुसलमान हैं यहूदी हैं या नास्तिक हैं या ऐसे अवैध आप्रवासी जो इन तीन देशों को छोड़कर अन्य किसी देश से आए हैं अदर कंट्रीज जैसे मान लीजिए कोई श्रीलंका से आया हुआ है कोई बर्मा से आया हुआ है कोई चाइना से आया हुआ मान लीजिए या ऐसे जो 2014 के बाद आए हैं अदर वाले में तो 2014 के पहले भी होंगे और बाकी में 2014 के बाद वाले होंगे इसका मतलब ये हुआ सरल भाषा में कि एनआरसी के प्रोसेस के बाद फॉर्नर ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद जब लोग इलीगल माइग्रेंट्स में कन्वर्ट होंगे इलीगल माइग्रेंट्स में से कुछ को ये बेनिफिट मिलेगा कि वो एनआरसी सॉरी सी का फायदा उठाकर भारत की नागरिकता के लिए एक अंतिम प्रयास कर सकें जबकि जो लोग मुसलमान होंगे यहूदी होंगे या नास्तिक होंगे या इन तीन देशों के अलावा किसी और देश से आए होंगे उनको ये मौका नहीं मिलेगा और इसका मतलब यह हुआ कि सी ए ए अब ध्यान से समझ लीजिए सी ए ए भारतीय नागरिकों से भेदभाव नहीं करता एकदम ठीक बात है सरकार की सी ए ए किसी की नागरिकता छीनता भी नहीं ये बात भी एकदम ठीक है सी ए ए अवैध आप्रवासियों में से कुछ को नागरिकता प्रदान करता है ये बात भी ठीक है लेकिन अगर अवैध आप्रवासियों में बराबरी की बात करें तो वहाँ बराबरी का मसला इसमें नहीं आता है वहाँ मुसलमान यहूदी नास्तिक और इन तीन देशों को छोड़कर बाकी देशों से आने वाले अवैध आप्रवासियों को एक दर्जे पर रखा गया है जबकि इन वर्गों को एक दूसरे दर्जे पर रखा गया है ये बात एकदम सही है और यहाँ आकर एन पी एनआरसी के साथ सी का लिंक बनेगा और देश के बुद्धिजीवियों में अधिकांश की समस्या मूल रूप से यही है ऐसे कई बुद्धिजीवी देश में हैं जो सी ए ए का समर्थन कर रहे थे और सी ए ए धर्मों के नाम साफ साफ ना लिखे हों तो वो अपने आप में एक प्रोग्रेसिव लॉ है कि हम भाई दूसरे देशों की माइनॉरिटीज जो प्रसिक्यूटेड हैं जो परेशान हैं उनको अपनी ओर से रिलीफ देना चाहते हैं तो इतनी एक व्यापक भावना है उदार भावना है इसके लिए कोई क्यों मना करेगा लेकिन कई बुद्धिजीवियों ने एनपीआर एनआरसी के साथ सी का लिंक यही लिंक समझने के बाद कहा कि इनका कॉम्बिनेशन अपने आप में स्वस्थ नहीं है इनका कॉम्बिनेशन इस बात का खतरा पैदा करता है कि किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध कोई कदम सरकार द्वारा उठाया जा सकता है ये एक आशंका है अब सरकार इस चीज कैसे करेगी हो सकता है कि को सरकार ये कह दे कि जो एनआरसी से बाहर होंगे लोग असम के बाहर वाले उनको इसमें हम उन ट्रीट नहीं करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी सरकार हो सकता है कि यह कहे कि हम उसके बाद भी ट्रीट करेंगे तब श्रीलंका का सवाल उठेगा अभी कई सवालों के उत्तर तो मिला ही नहीं सरकार ने अभी हर बात को स्पष्ट नहीं किया है कुछ दिन अभी वेट कीजिए देखिए सरकार क्या स्पष्ट करती है कुछ और ही लोग हैं जिन्होंने एक नया जुमला छोड़ दिया है एक नया शगुफा छोड़ दिया है वो ये है कि एनपीआर और एनआरसी इसलिए लाया गया है ताकि अवैध आप्रवासियों में जो मुस्लिम्स हैं उन मुस्लिम लोगों को किसी और धर्म में कन्वर्ट करवा दिया जाए छह में से किसी धर्म में करवा दें हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी या क्रिश्चियन में से किसी धर्म में कन्वर्ट करवा दें और क्योंकि सरकार मुख्य रूप से बीजेपी की है तो कहने वाले कहते हैं कि उनकी योजना ये है कि बहुत सारे मुसलमानों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवा दिया जाए ये कितना वजनदार तर्क है ये कितनी गहरी बात है इस पर थोड़ा पड़ताल करने की जरूरत है मेरे ख्याल से यह बात गलत है क्यों गलत है पहले मैं आपको समझाता हूं कि जो कह रहे हैं उनके पास कहने का आधार क्या है जो कहने वाले हैं उनके पास कहने का आधार ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एन पी आर एन आर सी के प्रोसेस में बाहर हो गया मान लीजिए और वो फॉरेनर साबित हो गया और फॉरेनर होते ही वो हो गया इलीगल माइग्रेंट और इलीगल माइग्रेंट तो सीधी सी बात है कोई हिंदू है सिख है जैन है पारसी है ईसाई है या बौद्ध है तो उसको छूट मिल सकती है मुसलमान को छूट नहीं मिलेगी तो ये व्यक्ति क्या करेगा ये व्यक्ति अपना धर्म बदल के हिंदू हो जाएगा और हिंदू होने के बाद कहेगा क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी मान लीजिए बांग्लादेश से ही आया हूँ और मेरा भी वहां पर रिलीजियस पर्सिक्यूशन हुआ था इसलिए मुझे भी भारत की सिटीजनशिप दे दी जाए तो इस तरह से बहुत सारे व्यक्तियों को भारत की सिटीजनशिप देने के प्रलोभन में हिंदू बनाने की चाल है इस तरह का आरोप कुछ लोग लगाते हैं मेरी व्यक्तिगत समझ में ये एक हास्यास्पद सा आरोप है इसमें कोई तथ्य नहीं है क्यों तथ्य नहीं मैं समझाने का प्रयास करता हूं उसके बाद आप अगर आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बात को लिखिएगा ये इसलिए गलत है कि जब देश में एनपीआर होगा तो उसमें हर व्यक्ति की एंट्री होगी उसमें वो व्यक्ति अपनी एंट्री करवाएगा अपना तो नाम बताएगा पिता का नाम माता का नाम अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं राशन कार्ड वगैरह वो सब बताएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड है तो वही बताएगा फिर जब एनपीआर के बाद एनआरसी की बारी आएगी तो देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं या डाउट का मामला है मान लीजिए उसका केस डाउटफुल केस है संदिग्ध मामला है तो डाउटफुल केसेस में एक दो बार उसको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का मान लीजिए मौका मिलने से बात नहीं बनी तो मामला जाएगा फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में मान लेते हैं कि फॉरनर्स ट्राइब्यूनल में भी बात नहीं बनी और उसको डिक्लेयर कर दिया कि फॉरनर है और फॉरनर होते ही वो हो गया इलीगल माइग्रेंट यही रूट जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था अब जो इलीगल माइग्रेंट घोषित हो गया अब ये ध्यान रखना है कि इलीगल माइग्रेंट घोषित होने से बहुत पहले से ही वो अपना नाम अपने पिता का नाम माता का नाम अपना जन्म स्थान अपने कुछ सर्टिफिकेट सब जमा कर चुका है और यदि उसका नाम उसमें मान लीजिए इमरान अहमद है या कोई मुस्लिम नेम है तो इमरान अहमद यहाँ से लेकर यहाँ तक इमरान अहमद ही है अब यहाँ आके इमरान अहमद अचानक ये कहे कि नहीं 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 मेरा नाम इमरान अहमद नहीं मेरा नाम तो संजीव गोयल है तो ये बात नहीं बनेगी क्योंकि उसने खुद सरकार के सामने कई डॉक्यूमेंट्स में पहले ही अपना नाम अपना परिवार सब बातें घोषित की हुई हैं अपने जो माता पिता हैं उनका नाम भी मुस्लिम नेम है अपनी जो वाइफ है या हस्बैंड है उसका नाम भी मुस्लिम है बच्चों के नाम में मुस्लिम नाम है उन सबको एक झटके में चेंज करके वो खुद को हिंदू डिक्लेयर कर देगा ऐसा कैसे हो जाएगा और कर भी देगा मान लीजिए अब वो हिंदू बन गया तो भी सी ए ए उनके लिए है जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से अपना देश छोड़ के आए हैं अगर ये बांग्लादेश में मुसलमान था तो मुसलमान होने की वजह से उत्पीड़न तो हुआ नहीं था वहाँ ये हिंदू होता उत्पीड़न होता तब अलग बात थी यहाँ आके हिंदू हो गया उससे तो बात बनेगी नहीं और अंतिम बात ये भी है कि सी ए ए के रूल्स अभी आने बाकी हैं उन रूल्स में ये भी बताया जाएगा कि धार्मिक उत्पीड़न जिनका हुआ था वो साबित कैसे करेंगे केवल एफिडेविट देंगे कि मैं उस शहर में रहता था वहां मेरे साथ ये घटना घटी थी इस तारीख की बात है और भारत सरकार का जो रॉ डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसकी टीम इस बात को चेक करेगी या हम एफिडेविट को यूं ही मान लेंगे अब तक रूल्स सामने स्पष्ट रूप से आए नहीं हैं जब रूल्स आएंगे पता लगेगा लेकिन मैं 99 नाइन परसेंट श्योर हूँ कि इस एनपीआर एनआरसी और सी ए ए से रिलीजियस कन्वर्जन का कोई लिंक ढूंढना एक तरह की मूर्खता है क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद धर्म बदलने से कोई फायदा सी ए में नहीं हो सकता है तो इस हास्यास्पद बात को दिमाग से निकाल देना ही ठीक है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मसला इस समय हमारे सामने है जब सी ए आया तो बहुत सारे राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया एनपीआर एनआरसी आया तो और सरकारों ने विरोध किया केरल सरकार ने एक अभूतपूर्व स्टेप लेते हुए एक रिजोल्यूशन यानी कि संकल्प पारित किया अपनी विधानसभा में इस एक्ट के खिलाफ और उससे देश भर में एक हंगामा हो गया कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो खतरे में है संघवाद खतरे में है ये संकल्प जब पारित हुआ तो उसकी देखा देखी करते करते लगभग उन्नीस राज्य सरकारों ने ऐसे संकल्प अपने विधानमंडलों में या विधानसभाओं में पारित करवा दिए इनमें केरल भी है दिल्ली भी है और बहुत सारे हैं। यहां तक कि एन की सरकार बिहार में चल रही थी बिहार ने भी उसको पारित कर दिया अब इससे एक बात दिमाग में आने लगी कई लोगों के कि और कई राज्यों ने तो यहां तक कह दिया सीएम ने कि हम इस एक्ट को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे इससे ऐसा लगने लगा कि इसका मतलब केंद्र सरकार कोई एक्ट पास करे और राज्य सरकार ना उसको लागू करना चाहे तो उसके पास छूट है कि वो मना कर सकती है तो इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है हमारा संविधान क्या कहता है थोड़ा सा इस बात को समझ लें कई बार पॉलिटिकल पार्टीज के सामने एक मजबूरी होती है ऐसा तमाशा करने की कि जनता को ये लगे कि सरकार उनके साथ में काम कर रही है लेकिन वो तमाशा ही होता है जैसे भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बिल्स थे उस पर कुछ सरकारों ने घोषणा कर दी कि हम इसको लागू नहीं करेंगे भी हास्यास्पद बात है कैसे इस बात को यहाँ समझें क्या राज्य सरकारें खारिज कर सकती हैं तो इसका एक उत्तर है हां खारिज कर सकती हैं इसका दूसरा उत्तर है नहीं खारिज कर सकती हैं ठीक है तो मैं आपको दोनों पक्ष समझाता हूं हां कैसे और नहीं कैसे इसमें जो हाँ है वो है व्यावहारिक तौर पर जो प्रैक्टिकल लेवल है वहां कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कैसे हो सकती है देखिए एम पी आर और सेंसस के लिए कौन जाता है राज्य सरकार के एम्प्लॉज होते हैं वही जाते हैं घर घर में सर्वे करने के लिए एनपीआर भी वही करेंगे सेंसस भी वही करेंगे और जब एनपीआर के बेस पर एनआरसी होगा जरा कल्पना कीजिए कि एनपीआर हुआ और एनपीआर में से डाउटफुल केसेस ढूंढने किसको हैं लोकल रजिस्ट्रार को पटवारी स्तर के अधिकारी को लोकल रजिस्ट्रार अनिवार्यतः राज्य सेवा का ही एक एम्प्लॉय होता है तो लोकल रजिस्ट्रार स्टेट गवर्नमेंट का एंप्लॉय है और यदि राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी लोकल रजिस्ट्रार्स को कह दिया कि ऐसा है एक भी व्यक्ति को डाउटफुल नहीं मानना है बात खत्म लिखित आदेश में नहीं मौखिक संदेश दे दिया तो कोई भी लोकल रजिस्ट्रार कोई डाउटफुल केस बनाएगा ही नहीं और डाउटफुल केस बनाएगा ही नहीं तो किसी की नागरिकता जाने का मतलब ही नहीं है यहां तक कि अवैध आप्रवासी है तो भी उसकी नागरिकता सुरक्षित हो जाएगी लोकल रजिस्ट्रार के ऊपर जो बैठा है वो सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है जो एसडीएम डी स्तर का अधिकारी है एसडीएम डी स्तर के अधिकारियों में बहुसंख्यक अधिकारी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लॉईज होते हैं कुछ ऑल इंडिया सर्विस के आई ऑफिसर्स होते हैं जो नए नए होते हैं एकदम उन पर भी सरकार की पूरी ताकत चलती है हाँ जब बात डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाएगी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में अधिकांश लोग आईएएस होते हैं और जो व्यक्ति आईएएस होता है ध्यान रखने की वो ऑल इंडिया सर्विस है और ऑल इंडिया सर्विस का नियम ये होता है कि ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी जब किसी राज्य में अपनी सेवाएं दे रहा होता है तो उस समय उसके ऊपर इमीडिएट कंट्रोल राज्य सरकार का होता है किंतु किसी भी स्थिति में उसके ऊपर जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो केंद्र सरकार का ही होता है लेकिन हाँ जब तक तो कोई राज्य सरकार में आईएस है तो राज्य सरकार का दबाव उसके ऊपर भी रहता तो है ही तो राज्य सरकार ये कर सकती है कि अपने मुलाजिमों को अपने एम्प्लॉयज को ये चुपचाप कह दे कि भैया ऐसा है केंद्र सरकार कुछ भी कहे हमें अपने राज्य में तमाशा नहीं चाहिए तो एक भी व्यक्ति को कोई भी लोकल रजिस्ट्रार जो संदिग्ध मामला होता है डाउटफुल केस होता है वो मानेगा ही नहीं तो बात ही खत्म हो जाएगी केंद्र को एक्ट बनाने दो हम उस एक्ट की हवा निकाल देंगे ये भाव आ सकता है पर ये भाव कितना प्रैक्टिकल है अब इसका दूसरा पक्ष भी समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है और इसके लिए हमें अपने संविधान के कुछ खास प्रावधानों पर एक नजर डाल लेनी चाहिए देखिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल है तीन जिसका जिक्र मैं आज शायद पहली बार आपके सामने कर रहा हूं आर्टिकल तीन अगर इसके साथ एक और आर्टिकल को रख लीजिए तीन सौ छप्पन और एक और रख लीजिए दो तो सौ छप्पन पूरी कहानी पूरी रामायण आपको समझ में आ जाएगी इससे ठीक है क्या रामायण समझ में आएगी तीन सौ पैंसठ में लिखा है तीन सौ छप्पन तो आप जानते हैं तीन सौ छप्पन का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन लगाना प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में लगाना हो तो ठीक है तीन सौ छप्पन में क्या लिखा हुआ है अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उसके बिना यह विश्वास हो जाए कि, कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाना संभव नहीं रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राज्य आपात की घोषणा कर सकता है या राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है ठीक है संविधान में जो लिखा है मैंने उसको उस सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया राष्ट्रपति को बस ये भरोसा होना चाहिए कि संविधान के अनुसार इस राज्य का शासन नहीं चल रहा है ये नहीं चल पाएगा तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है बहुत आसान नहीं है लेकिन अगर ये बात साबित हो जाए राष्ट्रपति की ओर से केंद्र सरकार की ओर से कि संविधान के तहत शासन नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति शासन एकदम लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब है कि अब राज्य की के सरकार केंद्र के हाथ में ही आ गई तब तो केंद्र का खुलम खुल्ला खेल शुरू हो जाएगा उसके बाद तो आर्टिकल तीन कहता है कि यदि केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों के अनुसार राज्य सरकार को निर्देश दिया था और राज्य सरकार ने उस निर्देश को मानने से मना कर दिया है आनाकानी की है या उसका पालन नहीं किया है तो राष्ट्रपति को यह मान लेना चाहिए कि अब इस राज्य सरकार का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है यानी अगर केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है डायरेक्शंस दी हैं और राज्य ने उस निर्देश का पालन नहीं किया है हाँ केंद्र सरकार निर्देश कौन कौन से दे सकती है वो एक प्रसंग है अभी देखते हैं पर यदि केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों के मुताबिक ही निर्देश दिया है और राज्य सरकार ने उस निर्देश का पालन नहीं किया है तो ये पर्याप्त कारण है कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि तीन सौ छप्पन लगाने का समय आ गया है और राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दे केंद्र सरकार कौन से निर्देश दे सकती है आर्टिकल दो में और दो में भी इसका जिक्र है और दो में साफ साफ लिखा हुआ है जिन मामलों में कानून बनाने की के शक्ति केंद्र के पास है उन मामलों में केंद्र सरकार राज्य की सरकार को निर्देश दे सकती है कानून बनाने की शक्ति नागरिकता के मामले में केंद्र के पास ही है जो कि हमारी सातवीं अनुसूची में जो पहली सूची है ना यूनियन लिस्ट बोलते हैं संघ सूची है, केंद्र सूची केंद्र सूची का मतलब वे विषय जिन पर कानून केवल केंद्र ही बना सकता है जैसे विदेशी मामले हैं जैसे टेलीकम्युनिकेशन है जैसे इनकम टैक्स है जैसे ये जो सर्विस टैक्स हुआ करता था इस जमाने में वो है इन सब पे कानून बनाने की के शक्ति केवल केंद्र के पास थी ऐसी नागरिकता जो है वो केंद्र का विषय है तो दो कहता है कि केंद्र सरकार अपने विषयों पर निर्देश दे सकती है और नागरिकता सीधे तौर पर केंद्र सरकार का विषय है तो यदि केंद्र सरकार ने नागरिकता के संबंध में और ध्यान रखना एनपीआर एनआरसी आर नागरिकता के नियम है अगर केंद्र सरकार ने निर्देश दिया दो के तहत राज्य सरकार ने उसको नहीं माना तो तीन एक्टिव हो गया और तीन एक्टिव होने का मतलब तीन एक्टिव हो जाएगा यानी जो राज्य सरकार केंद्र की बात नहीं मानेगी वो राज्य सरकार रहेगी ही नहीं बात ही खत्म हो जाएगी इसलिए वही राज्य सरकारें ज्यादा आंदोलन कर रही हैं जिनके पांच साल पूरे होने वाले हैं वैसे भी जहां जहां इलेक्शन ड्यू है जैसे बंगाल में इलेक्शन ड्यू है तो वहां खूब हल्ला मचा या वो सरकारें जिनको अच्छे से पता है कि अगर हमें हटाएंगे तो भी हम फिर से जीत के आ जाएंगे वहां हल्ला मच रहा है वरना राज्य सरकारों को ठीक से पता है कि अगर केंद्र का निर्देश आएगा तो मानना ही होगा इसलिए अकेले अकेले करने में डर रहे हैं झुंड के रूप में समूह के रूप में केंद्र का विरोध करना आसान होता है क्योंकि केंद्र में कितने राज्यों में ऐसा करेगा नहीं करेगा दबाव बनाने के लिए ठीक होता है लेकिन अगर आपको इससे यह उत्साह हो रहा है कि हमारे राज्य की सरकार मानेगी नहीं तो बेकार की बात है राज्य की सरकार को मानना ही होगा वरना राज्य की सरकार रहेगी नहीं दूसरी बात जितने भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स हैं या उनसे ऊपर के सभी अधिकारी वो सारे के सारे आई ऑफिसर से और मैंने पहले ही कहा कि आईएएस ऑफिसर ऑल इंडिया सर्विस में होता है और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है केंद्र के प्रति आई अधिकारी राज्य सरकार की ऐसी बात को मानने से बचेगा जिसके लिए केंद्र सरकार ने साफ साफ निर्देश दे रखा है अगर राज्य सरकार ने सभी आई ऑफिसर से कहा कि आप ऐसे ऐसे काम करना नागरिकता के मामले में तो ज्यादा संभावना है कि आई एस एसोसिएशन राज्य की मुख्यमंत्री को ही एक नोटिस दे देगी दे या एक ज्ञापन दे देगी दे कि हम केंद्र सरकार या संविधान के नियम के खिलाफ नहीं जा सकते और इसलिए प्रैक्टिकली भी कोई राज्य सरकार छोटे मोटे लेवल पर कुछ करना चाहे तो अलग बात है लोकल रजिस्ट्रार से मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से कह दिया कि भाई तुम लोग ध्यान रखना परेशान मत करना किसी को तो हो सकता है कि वो सौ पचास मामले जो डाउटफुल हो सकते थे उनको ट्रीट ना करें डाउटफुल के रूप में ये सब हो सकता है व्यावहारिक तौर पर लेकिन यदि कोई राज्य कहे कि हम स्वीकार ही नहीं करेंगे इस कानून को हम इस कानून को खारिज कर देंगे तो ये बेकार की बात है निरर्थक बात है भारतीय संविधान के तहत हमारा संघवाद अमेरिका जैसा संघवाद नहीं है और अमेरिका जैसा हो तब भी ऐसा थोड़ा होता है इसलिए इस बात की कल्पना करना भी गलत है लगभग पूरी बात मैं कर चुका हूं और आप भी थक गए होंगे क्योंकि मेरे ख्याल से साढ़े चार पांच घंटे होने वाले होंगे अंतिम बात केवल ये कि इस पूरे मामले में एक सही राय एक ऐसे व्यक्ति की जो देश का जागरूक नागरिक है जो किसी पार्टी का झंडा लेके नहीं दौड़ रहा है जो केवल अपने देश को ठीक से समझना चाहता है और एक जागरूक नागरिक के रूप में तटस्थ होकर निर्णय करना चाहता है नीरक्षीर विवेक के साथ निर्णय करना चाहता है कि क्या सही है क्या गलत है तथ्य क्या है उन तथ्यों के बेस पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए या एक ऐसा विद्यार्थी जो आई या पी का एग्जाम देने वाला है और उसको चिंता है कि जब कल कोई इंटरव्यू में उससे सवाल पूछे जाएंगे तो वो इंटरव्यू में किस प्रश्न का क्या उत्तर देगा और अगर डिबेट लंबी खींच गई तो वो सारे प्रश्नों का उत्तर कैसे देगा मेरा तो ये सेमिनार बेसिकली इस उद्देश्य से है तो इतनी सारी रामायण आपने जैसे रामायण बोल रहा हूं इससे भी कुछ लोग कहेंगे कि ये एक धर्म विशेष की बात क्यों हो रही है तो जो कहना कह लीजिए इतनी लंबी जो जो चर्चा हमने की जो मैंने पहला भाग लिया वो करीब साढ़े चार घंटे का था जिसमें हमने 1947 से 2014 तक की बात की और आज की चर्चा फिर साढ़े चार पांच घंटे की हो गई जिसमें हमने चर्चा ये कर ली है कि 2014 के बाद से अब तक तो क्या क्या हुआ है और क्या वस्तुस्थिति है इस पूरी चर्चा के बाद यदि कोई मुझसे पूछे या कोई आपसे पूछे कि सार क्या है आपकी राय क्या है तो राय आप यह बता सकते हैं कि जहां तक सी का मामला है सी अपने आप में कोई बुरा कानून है ऐसा कहने से मैं बचूंगा क्योंकि देखिए एक होती है मूल फिलोसफी एक होती है उसकी वर्डिंग उसकी भाषा सी की मूल फिलोसफी ये है कि हम अपने पड़ोस के देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता के मामले में प्राथमिकता देंगे और यहां तक अगर बात मान लें तो ये नेहरू लियाकत समझौता और मनमोहन सिंह और प्रकाश करत इन सब की अंडरस्टैंडिंग से भी ऐसी बात निकलती आई है मतलब माइनॉरिटीज को अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना जिनके ऊपर वहां धार्मिक उत्पीड़न का खतरा रहा हो यहां तक की बात तो गलत है नहीं लेकिन मेरा ख्याल है कि सी एक्ट में जो विभिन्न धर्मों के नाम लिखे गए हैं वो नाम लिखने के बजाय केवल यह लिखा जाता कि हम कुछ देशों के धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता के मामले में प्राथमिकता देंगे और किन किन देशों के किन किन समुदायों को ये छूट मिलेगी वह सूची रूल्स में शामिल होगी और रूल्स में समय के साथ उसको एडिट भी किया जा सकता है शुरुआत में तीन देश हो सकते हैं कल को और भी देश हो सकते हैं ऐसा कर सकते हैं उत्पीड़न धार्मिक ही क्यों है? कोई और भी हो सकता है तो मेरी व्यक्तिगत समझ है कि धर्मों के नाम लिखने से बात थोड़ी सी ज्यादा ब्लंट है उससे बचना चाहिए था दूसरी बात इस प्रोसेस में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया वो श्रीलंका है देखिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जितनी नजदीकियां हैं सांस्कृतिक स्तर पर बात कर रहा हूं लगभग वैसे ही नजदीकियां तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में और श्रीलंका के जो उत्तरी हिस्सा है जाफना के आसपास का इलाका वहां के जो तमिल बैकग्राउंड के लोग हैं उनमें भी वैसा ही संबंध रहा है। श्रीलंका को हमने छोड़ दिया इससे एक मैसेज ये भी जाता है कि सरकार को नॉर्थ और ईस्ट की चिंता है साउथ की चिंता नहीं मेरे ख्याल से सी में कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए था कि श्रीलंका के जो तमिल हैं जो वहां भाषाई वजहों से और धार्मिक वजहों से उत्पीड़ित हुए हैं उन उत्पीड़ित व्यक्तियों को भी नागरिकता के कानून में कोई स्कोप मिल जाता कोई स्पेस मिल जाता हालांकि सरकार अलग से कानून बना सकती है लेकिन बेहतर होता कि इसमें हम उसकी व्यवस्था भी शामिल कर लेते ये तो बात हुई सी की तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सी तब तक निरर्थक है जब तक उसके रूल्स स्पष्ट ना हो और सरकार ने अभी तक रूल स्पष्ट किए नहीं है मुझे नहीं पता कब करने वाले हैं जब रूल्स सामने आएंगे तब हम थोड़ा और ऑथेंटिक तरीके से बात कर पाएंगे कि ये सरकार की नीयत कितनी नेक है या कितनी नेक नहीं है वो तब स्पष्ट होगा जब रूल्स हमारे सामने होंगे तो कुछ समय तक इंतजार करना होगा वो जब रूल्स आएंगे तब उस पर हम बात कर सकते हैं जहां तक बात है एनपीआर और एन की तो मेरा मानना है कि हर संप्रभु देश को अपने यहां एन और एनआरसी करना ही चाहिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है करना चाहिए और ये एक बार नहीं करना चाहिए ये प्रक्रिया लगातार होती रहनी चाहिए दुनिया के हर एक कायदे के देश में प्रक्रिया होती है हर जगह होती है हमारे देश में भी होनी चाहिए इसमें क्या समस्या है तो ये अपने आप में ठीक है लेकिन इसको लेकर जो भय का माहौल है उस भय के माहौल को दूर करने के लिए बेहतर होता कि सरकार थोड़ा सा पारदर्शिता के साथ ये बातें स्पष्ट कर देती कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं यदि कोई डॉक्यूमेंट गुम हो गया है तो भी ध्यान रखना है कि ये ये ऑप्शन रहेंगे आप निश्चिंत रहें और एक भी व्यक्ति जो सचमुच भारत का नागरिक है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस बात की पूरी व्यवस्था करेंगे कि एक भी वास्तविक भारतीय नागरिक को खतरा न हो ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए जनता के सामने ताकि जो बिना बात के भय फैला हुआ जनता में वो भय कम हो मेरी व्यक्तिगत समझ यह है कि जो रूल्स आएंगे वो रूल्स सच में ऐसे ही होंगे कि उसमें बहुत डरने की बात नहीं होगी लेकिन फिलहाल ये भी इतना ही बड़ा सच है कि लोगों के मन में एक भय बैठा हुआ है उस भय से मुक्ति जरूरी है फिर यदि एनआरसी के बाद भारत सरकार कहती है कि हम भारत के नागरिकों को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देंगे तो ये बात भी मेरे ख्याल से एकदम ठीक है जैसे अमेरिका में होता है एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है कई और विकसित देशों में होता है उस नंबर का फायदा इतना ज़्यादा होता है जैसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स के साथ एक नंबर देने के बाद भी हर नागरिक के पास एक नंबर होगा अब जैसे मान लीजिए मुझे एक नंबर दिया एक्सवाइजेड नंबर है मेरी सारी डिटेल्स मैं कौन हूँ मेरा एड्रेस क्या है मेरा ब्लड ग्रुप क्या है जब जब मेरा चेकअप किसी हॉस्पिटल में हुआ मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स उस नंबर से लिंक होती गई मेरा इंश्योरेंस उस नंबर से लिंक हो गया मेरे पास कोई वाहन है तो उसका नंबर उससे लिंक है मेरे जो परिवार के मेंबर्स हैं उनके नाम और उनके नंबर मेरे नंबर से लिंक है इसका परिणाम क्या होगा एक समय के बाद प्राइवेसी पे एक खतरा आता है इस बात से निश्चित रूप से आता है कि तो प्राइवेसी और जीवन के बीच में तो जीवन ही प्राथमिक होगा इसका परिणाम ये होता है जैसे कनाडा का एक केस कुछ दिन पहले मैंने देखा रियल केस की बात कर रहा हूं उस व्यक्ति ने बताया किसी सोशल मीडिया में ही एक उसकी पोस्ट थी उसने बताया कि मैं एक स्थान पर अकेला जा रहा था वहां अचानक कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ मैं बेहोश हो गया और मुझे होश लंबे समय के बाद आया और यदि मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके कोई ना जाता तो मेरी मौत होनी तय थी लेकिन जैसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कुछ लोगों ने देखा मुझे निकाला मैं होश में तो था नहीं केवल उन्हें मेरी जेब से कार्ड मिल गया जिससे मेरा नंबर लिखा हुआ था तुरंत वो हॉस्पिटल ले गए वो नंबर जैसे ही एंटर हुआ कंप्यूटर में मेरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री सामने आ गई उस मेडिकल हिस्ट्री के आते ही मेरा जो ट्रीटमेंट था वो सिंप्लीफाई हो गया किस किस डॉक्टर ने पहले ट्रीटमेंट किया था उन सब के नाम भी आ गया सब कुछ आ गया और इन डॉक्टर्स ने तुरंत कंसल्ट करके मुझे दवाइयाँ दी जिससे मैं बच गया वरना मेरा बचना नामुमकिन था मुझसे एक पैसा नहीं मांगा गया क्योंकि मेरा जो इंश्योरेंस का नंबर था वो भी उसमें लिखा हुआ था इंश्योरेंस कंपनी को पता लगा उसने अपना ये ऑथेंटिकेशन भेज दिया कि हाँ इनके सारे पेमेंट हम करेंगे उसी एक नंबर के थ्रू सारी जो सब्सिडीज होती हैं सरकार की वो मिल जाती हैं सारी स्कीम्स के बेनिफिट्स मिल जाते हैं अगर हर नागरिक का एक नंबर हो एक कार्ड हो और उस नंबर और उस कार्ड के माध्यम से उसे सरकार की ओर से सारी सुविधाएं गारंटी के रूप में मिलने शुरू हो जाएं, हम बार बार कहते हैं ना कि विकसित देशों जैसे हम क्यों नहीं है वैसा होने के प्रोसेस में ये सब भी तो उसका हिस्सा होता है तो मैं निजी तौर पर एनपीआर एनआरसी का समर्थक हूं मैं इस सरकार के द्वारा ये किए जाने के संदर्भ में ये बात नहीं कह रहा हूं कि मैं समर्थक हूं मैं सामान्यतः इस विचार का समर्थक हूं कि एनपीआर होना ही चाहिए एनआरसी होना ही चाहिए और लगातार होते रहना चाहिए उसका अपडेशन लगातार होना चाहिए लेकिन ये प्रोसेस इतना पारदर्शी हो कि एक भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से भयभीत न होना पड़े डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत डर के ना रहना पड़े ये सरकार को अपनी ओर से सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा खौफ का माहौल हमारे समाज में पैदा ना हो और अंतिम बात है कि इस पूरी बात का व्यावहारिक समाधान क्या है ये बात मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस पर हमें सोचना चाहिए क्योंकि मुहावरों के स्तर पे बात करना नारों के स्तर पर बात करना एक बात है लेकिन उससे समाधान नहीं निकलते हैं व्यावहारिक समाधान ये कि मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि एक करोड़ व्यक्ति ऐसे निकल गए जो भारत में हैं किंतु तो उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है अवैध प्रवासी हैं मान लेते हैं कि वो सच में अवैध हैं और इस प्रोसेस में आइडेंटिफाई हो गए हैं ठीक है हम इन एक करोड़ व्यक्तियों का क्या करेंगे एक तथ्य यह भी है कि हमारे देश की आबादी हर साल करीब डेढ़ करोड़ के, के आसपास बढ़ जाती है सवा से डेढ़ करोड़ के, के आसपास बढ़ जाती है तो एक करोड़ व्यक्ति हमारे देश में मान लीजिए ऐसे हैं जो अवैध प्रवासी हैं इनका हम क्या करें पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि हम इनको डिपोर्ट कर दें डिपोर्ट करने का मतलब इनको इनके मूल देश में वापस भेज दें यह हमें जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता यह बताने के लिए कौन से देश के हैं ये बताएंगे ही नहीं कि हम कौन से देश के हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ की भाषाएं भी सीख चुके हैं यहाँ के कल्चर में भी शामिल हो गए हैं आप पूछ पूछ के थक जाएंगे वो कहेंगे हम तो भारत के ही हैं हम तो यहीं के हैं तो आप कैसे ढूंढेंगे मान लीजिए कुछ लोगों से आपने निकलवा लिया पूछ लिया उनके मुंह से निकला कि हाँ हम बांग्लादेश से हैं मान लेते हैं पर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और बांग्लादेश की सरकार से आप जब बात करेंगे बांग्लादेश की सरकार कह चुकी है कि भारत का आंतरिक मसला है ये हमारा मामला है ही नहीं तो बांग्लादेश की सरकार ऐसा तो है नहीं कि दरवाजे पर एकदम फूल माराएं लेके खड़ी है कि वो लोग आए और हम उनको अपने देश में बुला लें वो मानने को तैयार नहीं कि हमारे लोग हैं रिपेट्रिएशन ट्रीटी हमारी है नहीं बांग्लादेश के साथ इतना ही है कि बांग्लादेश के राष्ट्र निर्माता शेख मुजीबर रहमान ने वायदा किया था कि 25 मार्च उन्नीस के बाद जो बांग्लादेशी भारत गए उनको हम वापस लेंगे केवल एक वायदा है लेकिन साबित जब तक हम नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति बांग्लादेश का ही है तब तक तो वायदा तो काम आएगा नहीं सरकार वहां की कहेगी कि साबित कर दीजिए हम ले लेंगे वापस दो चीजें साबित करनी होंगी एक तो ये बांग्लादेश का नागरिक है दूसरा पच्चीस मार्च उन्नीस के बाद भारत में आया था इतना साबित आप कैसे करेंगे और मान लीजिए कुछ केसेस में कर भी दिया आपने कहा कि हमारे फॉरेन ट्रिब्यूनल ने ये आदेश दिया इसको पढ़ लीजिए और वो कहेंगे कि ये तो आपकी अदालत का आदेश है हमारी अदालत चेक करेगी कि आदेश ठीक है या नहीं है और हम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब क्या होगा डिपोर्टेशन का विकल्प बहुत व्यावहारिक नहीं है बहुत आसान नहीं है बहुत मुश्किल विकल्प है हाँ ये जरूर हो सकता है कि उनमें से कुछ केसेस हो सकता है एक करोड़ में से दस लाख बीस लाख केसेस ऐसे निकल जाएं जहां ये साबित करना आसान हो और वहां भारत और बांग्लादेश के लोग मिलकर कोई रास्ता निकालें ये हो सकता है पर ये उतना आसान नहीं है जितना चुनावी सभाओं में लगता है नारों में लगता है उतना आसान नहीं दूसरा तरीका यह है कि जब तक डिपोर्ट ना हो या डिपोर्ट ना हो तो फिर लंबे समय के लिए हम इन व्यक्तियों को डिटेंशन सेंटर्स में रखें जिस विकल्प की बात कई लोग जुनून में आके करते हैं कि जेल में ठूस दो सबको यह भी वही बात है उत्साह वाली बात है डिटेंशन सेंटर में अगर उनको रख दिया तो उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारे देश की ही है उनका स्वास्थ्य उनका भोजन उनके बच्चों की शिक्षा वो सब व्यवस्था करवानी होगी जो अगर बाहर हैं तो वो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्योंकि वो नागरिक नहीं है नागरिकों पर जो जिम्मेदारियां बनती हैं वो जिम्मेदारियां उतनी की उतनी अन्य व्यक्तियों पर नहीं बनती हैं सरकार की पर जैसे ही डिटेंशन सेंटर में आ जाएंगे तो वो उत्पादक श्रम भी नहीं करेंगे कोई नौकरी भी नहीं करेंगे और उनको उनके पूरे के पूरे समुदाय को जो उस सेंटर में है उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाना सरकार का काम होगा यानी कि टैक्स पेयर्स का ही खर्चा है वो तो ये अपने आप में नैतिक रूप से भी इतना अजीब है वित्तीय रूप से भी इतना अजीब है कि इसकी बहुत प्रासंगिकता नहीं है पंद्रह हजार सेंटर बना के उसमें हजार हजार व्यक्तियों को रखना और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह ही दिया कि तीन साल के बाद छोड़ सकते हैं तीन साल के बाद छोड़ ही देंगे तो तीन साल के बाद भी अगर आप नहीं भेज पा रहे बांग्लादेश में तीन साल सेंटर में रख लिया उसके बाद छोड़ना पड़ गया उसके बाद वो इसी देश में है काम धंधा कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो भी हमने क्या कर लिया व्यावहारिकता क्या है इस मामले में तीसरा विकल्प है नहीं तीसरा विकल्प एक मुहावरा है एक जुमला है चुनावी जुमला है जिसमें कुछ व्यक्तियों ने यहां तक कहा कि हम सारे के सारे अवैध बांग्लादेशियों को हिंद महासागर में डुबो देंगे ऐसी बात करना तो एक सभ्य देश के शासन व्यवस्था से ही मेल नहीं खाता है हम किसी की जान लेने का हक क्यों रखेंगे इस मामले में किसी भी सभ्य देश को दे रखना चाहिए अगर कोई भारतीय अवैध व्यक्ति कनाडा चला गया हो अमेरिका चला गया हो क्या अमेरिका की सरकार को यह हक है कि जान से मार दे उसको हम तो नहीं चाहेंगे तो व्यावहारिक क्या है व्यावहारिक ये है सबसे पहली बात व्यवहारिक ये है कि भारत सरकार को बांग्लादेश की सरकार से विशेष रूप से बात करनी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध सामान्यतः अच्छे हैं अभी जो वहाँ वर्तमान सरकार है उसके साथ तो संबंध वैसे भी हमारे अच्छे हैं क्योंकि वो एक ऐतिहासिक लिंक है उन संबंधों का और मेरा ख्याल है कि जब बातचीत के स्तर पर बातें आएंगी आगे तो बांग्लादेश की सरकार भी अपने वायदे को किसी न किसी मात्रा में निभाने को तैयार होगी और हो सकता है कि 10, 20, 25, 30 लाख लोग सम्मान के साथ अपने घर वापस लौट सकें और वहां के सरकार ये विश्वास दिलाए कि हम न्याय का ध्यान रखेंगे उन व्यक्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे उनको वापस लेके जाएंगे ये पता नहीं कितनी मात्रा में होगा एक कोशिश की जा सकती है कोशिश करने में हर्ज नहीं है डिटेंशन सेंटर्स में तात्कालिक तौर पर कुछ समय के लिए डिपोर्टेशन के प्रोसेस में रखने की बाध्यता हो तो रखा ही जा सकता है किंतु वो स्थायी समाधान तो नहीं है हमें तो स्थायी समाधान की बात करनी है वो क्या करें मान लीजिए कुछ संख्या ऐसे लोगों की है जिनको हम उनके देश वापस नहीं भेज पाते हैं। तो क्या करें असम के संकट का और नॉर्थ ईस्ट के भी संकट का मूल कारण ये है कि वहाँ की थोड़ी सी आबादी में जो विदेशी आप्रवासी हैं वो बहुत बड़ी आबादी में शामिल हो गए हैं और जो डेमोग्राफिक बैलेंस था वहाँ का जो कल्चरल एक तारतम्य था वो भंग हुआ है इसका दूसरा तरीका ये भी है कि जो लोग भारत में ही हैं जिनको हम किसी भी तरह से डिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उन्हें हम पूरी मानवीय गरिमा के साथ कम से कम रीलोकेट करें रीलोकेट करने का मतलब ये होता है जैसे तिब्बत से जो लोग आए थे भारत में अस्सी हजार प्लस बाद में कुछ लोगों और एक लाख मान लीजिए तो भारत सरकार ने क्या किया उनमें से कुछ को हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे व्यक्तियों को कर्नाटक के अलग अलग सेटअप में वहां रखा छोटे छोटे शहर जैसे उनके बना दिए जहाँ उनका जीवन ठीक चल रहा है रेफ्यूजी का स्टेटस है नागरिकता नहीं दिया उनको लेकिन रेफ्यूजी के स्टेटस में कम से कम ऐसी जगहों पर लोकेट कर दिया कि उनका जीवन ठीक से चले और किसी शहर किसी राज्य किसी प्रांत की सांस्कृतिक अस्मिता पर खतरा पैदा ना हो हम ऐसा कर सकते हैं कि रीलोकेशन का एक प्रोसेस बनाए जैसे युगांडा से जब पाँच के आसपास भारतीय लाए गए थे क्योंकि वो गुजराती मूल के थे तो उनको गुजरात में ही अलग अलग स्थानों पर बसाया गया था ताकि वो अपने समूह के साथ भी रह सके और उनकी वजह से किसी एक शहर पर किसी एक गांव पर किसी एक समाज पर अचानक बहुत बड़ा दबाव पैदा ना हो जाए एक ये, ये हो सकता है तीसरा मैं ये जरूर कहूंगा कि इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स का ध्यान इस रूप में रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हमारे नागरिकता कानून में एक समस्या है 1987 से पहले जो बच्चे पैदा हुए वो सारे भारत के नागरिक हैं उसके बाद वही हैं जिनमें कम से कम एक पेरेंट भारत का नागरिक होना चाहिए और 2003 के बाद तो दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक होने चाहिए ऐसे कई परिवार हैं जिन परिवारों के दो भाई या दो बहनों में से एक भारत का नागरिक हो गया है एक भारत का नागरिक नहीं हो पाया है माँ भारत की नागरिक है पिता भारत का नागरिक नहीं है एक ही परिवार में दो लोग डिटेंशन सेंटर में हैं दो लोग भारत के नागरिक हो गए हैं कम से कम ऐसे मामलों में और जहाँ बहुत छोटे बच्चे हैं विकलांग हैं बूढ़े लोग हैं कम से कम ऐसे मामलों में कुछ हमें मानवाधिकारों का ध्यान रखते हुए एक पॉलिसी बनानी चाहिए क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है किंतु राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए ऐसा ना हो कि हम ग्लोबल लेवल पर अपनी छवि एक बर्बर देश की बना लें एक असभ्य देश की बना लें और यदि हमें तालिबान जैसा नहीं होना है यदि हमें पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा नहीं होना है यदि हम उन देशों से तुलना करना बहुत पसंद नहीं करते हैं तो हमें उन देशों के स्तर पर जाना भी नहीं चाहिए ये भी तो हमारी पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए तो बहरहाल आप में से जो लोग थोड़े कटरे हैं इस मामले में उनको नाराज़ होने के लिए मैंने भरपूर सामग्री दे दी है वो कमेंट सेक्शन में अपनी खूब नाराजगी खूब गालियां वाली लिख सकते हैं उन चीज़ों के लिए अब मैं अभ्यस्त हो चुका हूँ बहुत फ़र्क मुझे नहीं पड़ता उन बातों से लेकिन जो लोग तथ्यों के स्तर पर चीज़ों को समझना चाह रहे हैं और जागरूक नागरिक के रूप में एक पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं मेरा उनसे निवेदन यही है कि भारत बांग्लादेश के बीच राजनयिक स्तर पर वार्ताएं हों और जितना संभव हो लोगों को हम वापस भेजें जिनको भेजना एकदम मुमकिन ना हो उनके लिए रीलोकेशन जैसा कुछ देखें उनको नागरिक भरे ना माने लेकिन उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट अभी करने से बचें जो ट्रीटमेंट किसी भी सभ्यता को किसी भी देश को शोभा नहीं देता है श्रीलंका से आने वाला व्यक्ति हो या किसी और देश से आने वाला व्यक्ति हो कम से कम एक जो वसुधैव कुटुम्बकम का हमारा एक नारा रहा है पहले से एक दर्शन रहा है उस दर्शन की कुछ अनुगूंज हमारी क्रियाओं में हमारे कृत्यों में नजर आए इतना कह के मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ बहुत लंबा सेशन है बहुत थक गए होंगे आप लोग भी और किसी नए टॉपिक के साथ जल्दी ही भेंट करेंगे फिर से इसको सुनिए और जो भी आपकी राय हो कम से कम कमेंट में अपनी राय जरूर लिख दीजिएगा ताकि हमें ये अनुमान हो सके हमारी टीम को कि आप इतने विस्तार में इतना गहराई में जाना चाहते भी हैं या मैं थोप रहा हूँ आपके ऊपर इन चीज़ों को कम से कम ये पता लग जाएगा तो हम आगे के सेमिनार्स में ध्यान रखेंगे ऐसा करना बहुत आसान है कि इन टॉपिक्स पे दस मिनट का वीडियो बनाया जाए 5 मिनट का वीडियो बनाया जाए वो तो कोई भी कर ही सकता है दिक्कत तो विस्तार में जाने में है तो यदि आपको लगता हो कि इतने विस्तार की जरूरत नहीं है तो कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि हम फिर अगली बार से थोड़ा सा संक्षेप में बात करें इतना विस्तार में ना जाए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जल्दी फिर मिलते हैं शुक्रिया